एटी अकेडमी में स्वागत करता हूँ। आ जाओ भाई, बहुत अच्छी आज शानदार क्लास होने वाली है। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाओ। बहुत आज एकदम भयंकर प्रैक्टिस होगी, जिसको कहते हैं जानदार शानदार। बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। सभी को भैया गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। आ जाओ भाई जल्दी से सभी लोग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ शानदार, सभी का वेलकम है आप सभी का। जितने भी लोग अपने साथ जुड़े हुए हैं, माधुरी पाटिल, हिमांशी गौतम, अनम अंसारी, लवली सोना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी को दिल से शुक्रिया और दिल से धन्यवाद मेरे भाई। आज बहुत एकदम कहते हैं ना कि बात की तरीके एकदम क्वेश्चंस होंगे और उसके तरीके ही चलेंगे अपन लोग। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। साइमन आज, गीतांजलि, श्वेता शर्मा और अनुष्का शर्मा और धर्मवीर चौहान, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी को भैया दिल से शुक्रिया। अच्छा एक बार क्लियर बता दो, मेरी वॉइस आप तक क्लियर आ रही कि नहीं आ रही, एक बार इंश्योर कर लें सभी कैंडिडेट और सभी स्टूडेंट, एक बार इंश्योर कर लें कि मेरी आवाज़ आप तक क्लियर आ रही है। एक बार प्रेजेंट ही लगा दो भैया जल्दी से। हाँ धर्मवीर सिंह, लवली सोना, रवि अवस्थी, सबका भैया दिल से वेलकम है। और श्वेता शर्मा, बहुत बढ़िया। एक बार जल्दी से जितने भी लोग अपने साथ जुड़े हुए हैं एक बार प्रेजेंट ही लगा दो मेरे भाई, फिर आगे अपने क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। आज एकदम बहुत शानदार क्लास करेंगे और आपका बहुत फायदा होने वाला है। आपका जो 9 जनवरी का मतलब पेपर होने वाला है, रियल में आप 15 के 15 क्वेश्चन अगर ये आप प्रैक्टिस करके जाते हैं ना, तो आपको जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप 15 से 15 क्वेश्चन करके आएंगे और जब एग्जाम देके निकलेंगे, रियल में मैं विश्वास करता हूँ कि आप बहुत एकदम लगेगा कि हाँ मैंने एग्जाम दिया हुआ है, ठीक है ना भाई। हाँ सभी को गुड इवनिंग, स्मिता, श्रुति परमार, अंजलि जायसवाल और निधि मिश्रा, दिल से वेलकम है आप सभी का इतना विश्वास जताने के लिए। और आज हम बहुत अच्छे से धुआंधार प्रैक्टिस करेंगे और आपको लगेगा कि भी यहाँ की क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और आपको प्रैक्टिस करने में बहुत मजा आने वाला है। कविता कुमारी, अमित कुमार, संजय सिंह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी का भैया दिल से शुक्रिया है। कहते हैं ना कि बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, है ना भाई। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो मेरे भाई। अगर आपने अगर एक बार अच्छे से ठान ही लिया है कि मुझे मतलब सिलेक्शन लेना है, तो आपको रियल में मतलब बहुत शानदार तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो प्रैक्टिस यहीं से करेंगे, एडी अकेडमी से, बहुत शानदार तरीके से करेंगे भाई। चलिए हम आगाज करते हैं मतलब आज के क्वेश्चंस का बहुत अच्छे से मेरे भाई। तान्या पंडित, पीहू भारती, श्वेता शर्मा, दीपाली यादव, बहुत शानदार, वेरी गुड, सबका दिल से शुक्रिया है। हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, अपने काम को स्टार्ट करते हैं भाई। हाँ ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और हम आज स्पीड से चलेंगे, हमें क्वेश्चंस ज़्यादा करने हैं और मैं कमेंट किसी का ना देख पाऊँ तो कोई बात नहीं है, आगे देख लेंगे भैया। चलिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। एक स्कूल में 96 शिक्षिकाओं, मतलब टोटल जो शिक्षिकाएं हैं मेरे भाई वो 96 हैं और 3/8 शिक्षिकाएं हाई स्कूल कक्षाओं में पढ़ाती हैं मेरे भाई। जो 3/8 शिक्षिकाएं हैं किसका भैया, 96 का 3/8 है मेरे भाई, वो किसमें पढ़ाती हैं भैया, वो किसमें पढ़ाती हैं बताइए, वो मतलब उच्च स्कूली कक्षाओं में पढ़ाती हैं। यदि उच्च स्कूली शिक्षिकाओं का 2/9 भाग, बात मेरी ध्यान से समझना भैया, टोटल 96 है, टोटल 96 का 3/8 भैया, 3/8 निकालोगे 96 का, निकाल दो जरा, तो कितना आएगा, 8 × 8 = 16, 12 × 3 = 36। जो 36 शिक्षिकाएं वो हाई स्कूल में पढ़ाती हैं, उच्च स्कूली का मतलब हाई स्कूल में पढ़ाती है। और कहता है कि उच्च स्कूली शिक्षिकाओं का 2/9 भाग, मतलब जो 36 का 2/9 भाग है, तो 36 का 2/9 निकालो भैया, 9 × 36 और 4 × 2 = 8, मतलब जो 8 शिक्षिकाएं हैं भैया वो गणित की शिक्षिकाएं हैं, जो भैया 36 में से 8 शिक्षिकाएं हैं वो गणित की हैं मेरे भाई, मैथ की हैं। तो आगे क्या बोला, कह रहा वह उच्च स्कूली शिक्षिकाओं जो गणित में नहीं पढ़ाती उनकी संख्या बताना है ना भैया, उनकी संख्या बताना है। तो कैसे बताएंगे ध्यान से समझिएगा, 36 में से मैथ 8 पढ़ाती हैं, तो कितनी जो शिक्षिकाएं होंगी जो मैथ नहीं पढ़ाती होंगी, तो कितना निकल के आएगा मेरे भाई, 28 निकल के आएगा, बताइए बात समझ आई कि नहीं आई।
तो सी फॉर चेन्नई वाले बिल्कुल सही है। एक बार जल्दी से कमेंट मार दो मेरे भाई कि सी फॉर चेन्नई वाले बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, तान्या पंडित, अनम अंसारी, मोना यादव, राधे राधे, सबको भैया राम राम और सबको मतलब शुभकामनाएं। जिनका भी एग्जाम लगा है मतलब आगे आने वाले शिफ्टों में, तो एग्जाम अच्छा होना चाहिए, तो इसीलिए हम लगे हुए हैं निरंतर आपके मतलब सफलता की ओर, सफलता दिलाने में। तो आपको भी मतलब क्या करना है कि बहुत अच्छे से मेहनत करनी है मेरे भाई, है ना। हाँ, तो मेहनत कैसी होनी चाहिए, मेहनत भी मतलब लगे कि आपके माँ बाप को भी लगे कि मैंने शेर पाला है या शेरनी पाली है। बात आपको समझ आ रही है कि नहीं। तो मतलब जब आप रिजल्ट लेके अपने फैमिली के सामने पहुंचोगे ना, तो एक अलग मतलब खुशी के आंसू होते हैं ना, वो निकलेंगे। तो उस मतलब उस सिचुएशन को आप महसूस करो कि आप उस सिचुएशन को कैसा फील करेंगे। आप एक बार जरूर मन में रखिएगा कि मैं जब सक्सेस होकर अपने माँ बाप के सामने जाऊंगा तो किस तरीके की सिचुएशन होगी और आप कैसा फील करेंगे। तो उस मोमेंट को जरूर ध्यान रखना है और तभी आप मतलब अच्छे से मेहनत कर पाएंगे। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, हमें क्वेश्चन थोड़ा स्पीड बढ़ाना है अपने आप को। चलिए मेरे भाई, बताना जरा इसका आंसर क्या निकलेगा, बताइए भैया, जल्दी से कमेंट कर दो, मैं सबका वेट कर रहा हूँ। और बहुत शानदार तरीके से आप लोग कमेंट करेंगे और जवाब भी देंगे। मोना यादव, मेरा बहुत वीक है मैथ, तो कोई बात नहीं, आप एक बार प्रैक्टिस करो। रियर में 15 में मतलब 10-12 क्वेश्चन आपको लगेगा कि मैं प्रैक्टिस करके ही आया हूँ, यही क्वेश्चन टाइप के हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर भी कोशिश करती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश करने वालों में कभी हार नहीं हुई है। चलिए ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि संख्या इतना और इतने में 7 के अंकित मूल्यों के बीच का अंतर बताना है। तो अंकित मूल्यों के बीच का अंतर, भैया अंकित मूल्य का मतलब समझते हो ना, अंकित मूल्य को ही भैया फेस वैल्यू बोलते हैं, है ना। जाति मान बोला जाता है इसको, फेस वैल्यू बोला जाता है, तो जाति मान बोलते हैं मेरे भाई। और जाति मान क्या, वैल्यू स्वयं ही होती है भैया। अब इसमें 7 का जाति मान क्या होगा भैया, 7 ही होगा। इसमें 7 का भैया फेस वैल्यू कितना होगा, 7 ही होगा मेरे भाई। तो अंतर क्या निकल के आएगा, अंतर मतलब अंतर डिफरेंस, तो 7 में 7 का अंतर निकालोगे भैया, आंसर फाइनली कितना होगा, 0। सी फॉर चेन्नई, बताइए भैया सही जवाब है कि नहीं है, एक बार कमेंट मार दो। बहुत बढ़िया, दीपाली यादव, छवि वर्मा, बहुत शानदार, सभी बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मजा आ गया भाई। हाँ इसमें बताइएगा जल्दी से कितने लोग जवाब दे पाएंगे, जल्दी बता दो भैया इसमें, जल्दी, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, एक बार कमेंट करके बताइएगा। एक्सिस स्टडी, कविता कुमारी, प्रकाश कुमार, सभी का भैया दिल से वेलकम है और बहुत अच्छी तरीके से क्लास करेंगे और सबका फायदा होगा। फायदा क्या, जब एग्जाम हॉल से निकलोगे तो आपको भी महसूस होगा कि हाँ भाई लगा कुछ मिला है आज की क्लास में, बहुत बढ़िया। दीपाली, हाँ बीबी वाले बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो बीबी वाले देख लेते हैं मेरे भाई। कह रहा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर्स होते हैं मेरे भाई, 0 से लेकर जितनी भी संख्याएं हैं सब पूर्ण संख्याएं होती है, 0 से स्टार्ट होता है। तो आप कोई भी नंबर यहाँ पे रख के देख लीजिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 रखा, 2+3 इक्वल टू बी पहले, तो 3+2 बताइए, 3+2 करोगे तो भी 5, 2+3 करोगे तो भी 5 ही होगा। तो ये तो कोई बात नहीं, ये तो सत्य हो गया, लेकिन नहीं देखना है भैया नहीं। तो इसमें देखो जरा, 2 - 3 इक्वल टू 3 - 2, आप ये समझिएगा, 2 में -3 करेंगे तो -1 आएगा, 3 में -2 करेंगे तो 1 आएगा। तो ये कहाँ बराबर हो रहा है भैया, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, तो ये बराबर नहीं होगा, तो यही असत्य हो जाएगा। बी फॉर बॉम्बे वाले बिल्कुल सही है भैया, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रवि अवस्थी, निशा सिंह, चंद्रजीत, तान्या पंडित, अजय कुमार गौतम, बहुत शानदार, वेरी गुड। हाँ अनम अंसारी, वेरी नाइस। चलिए भैया अगले वाले क्वेश्चंस पे ध्यान से देखिएगा, देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे पाएंगे। आज की क्लास मतलब रियल में बहुत जानदार बनानी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो, मतलब अभी तक हमने आपसे ज्यादा नहीं बोला है, लेकिन आप सब लोग जितने भी लोग जुड़े हैं अपने अपने स्टेटस में थोड़ी देर के लिए जगह दे दोगे ना मेरे भाई, अगर एक बंदा एक बंदे को जोड़ेगा ना तो बहुत ज्यादा मतलब फायदा होने वाला है आज की क्लास से। तो जोड़ते रहो बस, आपका कार्य क्या है, जोड़ना, और हमारा काम है इस सवालों को कराना। बहुत बढ़िया, सेंचुरी लगा चुके हम लोग, थैंक यू सभी का, वेरी गुड। चलिएगा देखिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब किसी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया, ठीक है ना भैया, जब किसी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया तो रानी ने उसे 9 से विभाजित किया। ध्यान से समझना भैया, 6 से बोला गया था लेकिन उसने किससे किया, 9 से किया,
और उसे भागफल 21 आया मेरे भाई। जब किसी संख्या को 9 से डिवाइड किया और भागफल कितना 21 आया और शेषफल 3 मिला, ध्यान से समझना भैया, 3 शेषफल मिला। तो कह रहा अपनी गलती का एहसास होने के उसने संख्या को 6 से विभाजित किया, मतलब गलती का एहसास हुआ उसे, फिर उसने 6 से विभाजित किया। तो आप ये समझिएगा, मैंने एक फार्मूला पढ़ा है कि भाज्य बराबर संख्या निकालने पहले, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस का शेषफल, है ना, भागफल प्लस का शेषफल। भैया यहाँ भागफल होगा, इसको आगे देख लेंगे, प्लस का शेषफल होगा। तो भाज्य कितना है भैया, भाज्य है 9 और भाजक कितना, भागफल कितना है भैया 21 है, प्लस शेष कितना है 3 है। तो मल्टीप्लाई 9 एकम 9, 9 दुनिया 18, 189 प्लस का 3 करेंगे मेरे भाई तो कितना निकल के आएगा, 192 तो ये संख्या मिली। अब कह रहा गलती का एहसास होने के बाद अब वो 9 से नहीं 6 से डिवाइड करेगा मेरे भाई, तो 192 को 6 से भाग दे दो, यहाँ पे 192 में 6 का भाग दे दो, कितना निकल के आएगा भैया, 36 18 और कितना निकल के आएगा 2, तो 6 दूनी 12 12, तो शेषफल कितना 0 बचेगा और भागफल कितना 32 आया, भागफल 32 शेषफल 0, तो कौन सा, डी फॉर दिल्ली वाले, बिल्कुल सही जवाब है आपका, बहुत शानदार, वेरी गुड। चंद्रजीत कुमार, अनम अंसारी और गुंजन भारती, बहुत बढ़िया। रविंद्र कुमार गौतम, तान्या पंडित, सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बहुत शानदार, मजा आ गया भाई आपके, मतलब लग रहा है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो जल्दी से सब लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाओ मेरे भाई, और मतलब बहुत अच्छे से आपको क्लास समझ आएगी, तो कॉपी पेन लेके भी तो बैठना पड़ेगा, तो बैठ जाओ। आज अपनी दम दिखाना है, और दम यहाँ दिखा पाओगे तो वहाँ भी दिखा पाओगे ना भैया। हाँ वेरी गुड, मधुपाल, शशि गोयल, बहुत शानदार। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा, हिमांशी गौतम, चलिए ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तुल्य भिन्न है, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन का जोड़ा है। तो जोड़ा भैया लाइक फ्रैक्शन में जो हर होगा वो सेम होना चाहिए, ऊपर वाला होता है मेरे भाई अंश और नीचे वाला होता है मेरे भाई हर, हर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए लाइक फ्रैक्शन में, इसका जो हर है सेम नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा भैया, ये भी नहीं है मेरे भाई, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है तो नहीं होगा, इसका मतलब ये वाला है, तो डी फॉर दिल्ली वाले बिल्कुल सही जवाब है आपका, वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भैया। हाँ इसमें बता दो जल्दी से, कमेंट करो, बहुत इजी क्वेश्चन है और देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाएंगे मेरे भाई। चंद्रजीत कुमार, अनुप्रिया, वेरी गुड, काजल कौशल, सभी का भैया दिल से वेलकम है, और सभी को भैया इतना सपोर्ट करने के लिए सबको मतलब दिल से शुक्रिया देता हूँ मैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, इसमें बता दो जल्दी से आंसर कितना आएगा। करे कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है, नहीं बताना है मेरे भाई, तो ये किसका क्यूब होता है, ये 9 का क्यूब होता है भैया, किसका, 9 का होता है, ये किसका क्यूब होता है, ये 10 का होता है, और भैया ये किसका क्यूब होता है, 6 का होता है, और ये किसी का क्यूब नहीं होता है, तो सी फॉर चेन्नई वाले बिल्कुल सही जवाब है आपका, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, है ना। अनु कुमारी, आलोक यादव, बहुत बढ़िया, फनी, श्रेयस गी प्रेम, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझना जरा, बहुत अच्छे अच्छे सवाल लेके आए हैं आपके लिए, तो इसमें बता दीजिए जल्दी से आंसर कितना आएगा भैया, जल्दी बता दो इसका आंसर कितना आएगा। कह रहा शिखा एक ईंट का भट्टा ईंटें खरीदने गई, ईंटों का मूल्य 2500 रुपए प्रति 1000 ईंट था भैया, प्रति 1000 ईंट था 25 रुपए का, तो कह रहा केवल 4000 रुपए में कितनी ईंटें खरीद सकती है, जब भाई साहब मेरे 2500 रुपए में, ध्यान से समझना भैया, 2500 रुपए में 1000 ईंट खरीद पा रही है, 2500 रुपए में 1000 ईंट खरीद पा रही है, तो ध्यान से समझना, तो 1 रुपए में कितनी ईंटें खरीदेगी, तो 1 रुपए में मेरे भाई 1000 बटे 2500, और मुझे कितने रुपए का खरीदना है मेरे भाई, 4000 रुपए का खरीदना है, तो 4000 का मल्टीप्लाई करा दो भैया, तो आंसर फाइनली क्या निकलेगा, तो निकालेंगे क्या है, 10 से 10 काट दो, 10 से 10 काट दो, ठीक है ना भैया, 25 से काटो, 25 चौको 100 है ना भैया, 4 का मल्टीप्लाई कराओ 400 में, तो 4 चौको 16 और 2 जीरो और लगे हैं, तो 2 जीरो और चिपका दो भैया, तो कितने भैया 1600 निकाल पाएंगे मेरे भाई, कितने ईंटें खरीद सकती है 1600, तो कहाँ है भैया, बीफ और बॉम्बे वाले बिल्कुल सही जवाब है आपका, वेरी नाइस। हाँ अशोक कुमार, गुड इवनिंग, हाँ मधुबनी बिहार, बहुत शानदार, स्वागत है आपका। गुंजन, मोना यादव, चंद्रजीत, आलोक और सजदा खातून,
तान्या, बहुत शानदार, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए भैया अगले सवाल पे आइएगा, इसमें बता दो जल्दी से कितना आंसर आएगा और देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे पाएंगे। बता दो भैया जल्दी से, कमेंट करिए, बाज की तरीके एकदम कमेंट करना है और आंसर बिल्कुल सही देना है आपको। चलिएगा, क्वेश्चन कह रहा है, मिनी ने अपनी शिक्षिका को कहा मैंने एक आयत बनाया। क्या बनाया भैया? आयत बनाया, आयत, रेक्टेंगल। कह रहा है जिसकी सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, ध्यान से समझना भैया, एक आयत बना रहा है और जिसकी सभी भुजाएं क्या है भैया? 4 सेंटीमीटर की है। प्रत्येक भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर की है मेरे भाई। अब 4-4 अगर सेंटीमीटर की हो जाएंगी तो आप ये मेरी बात ध्यान से समझना। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही ढूंढना है मेरे भाई, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको रीड करना है, भले ही आपको कितना आता हो, सवाल पढ़ना बहुत जरूरी है। कह रहा है एक आयत सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अब यहां तो बराबर दिया है ना भैया, तो ये बिल्कुल सरासर गलत हो गया। फिर क्या बोला? सभी वर्ग आयत होते हैं, सभी वर्ग आयत होते हैं, बिल्कुल सही बात है। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए। जब सभी भुजाएं बराबर है तो सभी वर्ग भी आयत होंगे भैया, है ना? सभी आयत वर्ग होते हैं क्या? सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते हैं। एक वर्ग और एक आयत में कोई संबंध नहीं, कैसे नहीं है भैया? तो बी फॉर बॉम्बे वाले बिल्कुल सही हैं, वेरी गुड। हाँ भैया सरस्वती सिंह, अभी वर्ग आयत होते हैं, हाँ सही बात है बिल्कुल। शशि गोयल, लवली सोना, गुलशन, आलोक, प्रिया, इस्ता शुक्ला, बहुत शानदार, सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो अगले वाले क्वेश्चन का भी बिल्कुल सही जवाब देना है, है ना भैया? अगले वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, मैंने एक दिन प्रैक्टिस में कराया हुआ था, तो जल्दी से मतलब आपको सॉल्व ही नहीं करना है, तुरंत जवाब देना है। सभी वर्ग आयत हो सकते हैं, रोहित कुमार बिल्कुल सही जवाब है रोहित जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और मधुपाल, शानदार, तो जल्दी से बता दो भैया कितने लोग इसका जवाब दे पाएंगे, वेरी नाइस। सभी का भैया, सभी को धन्यवाद। चलिए भैया यहाँ पे देखिएगा, कह रहा त्रिभुज के कोणों का अनुपात, है ना भैया? त्रिभुज के जो एंगल्स का रेशियो है 4:5:6 है, उनके कोणों का मान कितना होगा भैया? तो कितना होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है मेरे भाई। तो यहाँ पे आप समझना, ये मान लो 4x है, ये मान लो 5x है, और ये मान लो 6x है, जोड़ो सबको, 5, 4, 9, 9, 6 कितना हो जाएगा भैया? 9, 6, 15x, 15x की वैल्यू हो जाएगी 180 मेरे भाई, कितना होगा? 180 होगा। 15 से डिवाइड करो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो x की वैल्यू 12 आ गई भैया। तो उसने बोला है कितने होंगे, तो एक x बराबर 12 के, तो ये 12 चौक 48 डिग्री का बनेगा, 12 पंचे 60 डिग्री का, और ये 12 छक्का 72 डिग्री का। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा भैया? 48, 60, 72, सी फॉर चेन्नई वाले बिल्कुल सही है भैया, सी फॉर चेन्नई की ओर जाएंगे, बहुत शानदार। हाँ रविंद्र कुमार गौतम, इस्ता शुक्ला, बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल बहुत अच्छे बच्चे, एकदम बाज की तरह जवाब दे रहे हैं। अच्छा एक चीज बताओ, बाज को जानते हो कि नहीं जानते हो? बाज, बाज को जानते हो कि नहीं जानते हो? बाज की नजर वाले पता है एकदम एग्जाम को तोड़ के आते हैं भैया। बाज कहीं भी अपने शिकार को ढूंढ लेता है। तो शिकार क्या है हमारा? हमें पेपर को अच्छे से करके आना है, तोड़ के आना है मेरे भाई। और पेपर कैसे टूटेगा? पेपर जब प्रैक्टिस अच्छी होगी, जब अंदर से आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगेगा, खुद लगेगा कि मैं मतलब अच्छे से प्रैक्टिस में लेके आऊंगा। शुरुआत के अगर आपने 2-4 क्वेश्चन अच्छे से कर दिए तो मेरे भाई पेपर बहुत अच्छे से जाने वाला है आपका। बस खुद पर विश्वास रखिए और एकदम अच्छे से रखिए, बस घबराना नहीं है आपको, पेपर अच्छा जाएगा आपका, बस विश्वास रखिए। इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, एक बात जरूर आप ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चंस कुछ बाहर नहीं आएगा। एक बार प्रैक्टिस तो करके देखो भैया, मजा आएगा, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना आएगा, मैं वेट कर रहा हूँ आपके जवाब का। ये वार्ड की सदस्य है, वह 13 फीट और 16 फीट आकार का एक सामुदायिक कमरा बनाना चाहती है ना भैया? 13 फीट, ध्यान से समझना भैया, 13 फीट और 16 फीट का वो मतलब एक आकार का सामुदायिक कमरा बनाना चाहती है। फर्श पर टाइलें लगाने के लिए उसके पास चार विकल्प जो दिए हैं ना, वो ध्यान से समझना। विकल्प कैसे हैं? कह रहा 1.5 फीट और 1.5 फीट, 2 फीट और 2 फीट, मतलब ये 4 विकल्प दिए हैं, 2.5 और 3 का। कह रहा सामुदायिक कक्ष के लिए उन्हें किस आकार की टाइल खरीदनी चाहिए ताकि वह टाइल को बिना काटे बिछा सके। तो मतलब इस जो भी हम यहाँ पे टाइल मतलब रखेंगे, टाइल का एरिया, तो वो इसको पूरा पूरा मतलब विभाजित होना चाहिए। अब विभाजित कब होगा भैया? विभाजित तभी होगा जब वो वैल्यू पूरी पूरी कट कर पाएगा, है ना भैया? अब ध्यान से समझो,
कि ये 1.5 ये क्या किसी को काटेगा? इसमें 3 का मल्टीपल है, 3 किसी का मल्टीपल ही नहीं होगा। लेकिन भैया मेरे पास ये वाली जो टाइल होगी 2 फीट और 2 फीट, अगर 2 और 2 का होगा तो ये 2 ये सब काट देंगे, इसको कटेंगे कि नहीं कटेंगे, इससे पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो इसका मतलब बीफ और बॉम्बे वाले बिल्कुल सही जवाब है आपका। जितने भी बॉम्बे वाले बच्चे थे मेरे भाई वो बिल्कुल सब सही थे। हाँ, जया सिंह, इस्ता शुक्ला, कामनी राजपूत, वीरेंद्र सिंह, मेरे बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसमें बता दो जल्दी से कितना आंसर आएगा, देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे, और कितने लोग नहीं भी बता पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम को यहीं से सीखेंगे और एग्जाम करके आएंगे मेरे भाई। जिसका भी 9 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट है तो बहुत अच्छे से करके आएगा, जरा भी डाउट नहीं लेना चाहिए। सवाल पढ़ो, कह रहा सुश्री रेणु ने अपने छात्रों को 8 समूह में विभाजित किया, एक बार क्वेश्चन अच्छे से रीड किया करो, 8 समूह में विभाजित किया और उन्होंने अपना भार दर्ज करने में कहा, फिर उन्होंने समूह को अपना औसत भार परिकलन करने को कहा। समूह आ जिसमें 8 विद्यार्थी हैं, ठीक है ना भैया, 8 विद्यार्थी हैं, अपना भार तौला, औसत भार 38.2 किलोग्राम ज्ञात किया। उसके बाद उन्हें पता लगा कि उन्होंने किसी एक विद्यार्थी का गलत भार प्रयोग किया। गलत भार क्या प्रयोग किया, यहाँ पे सवाल थोड़ा सा छूटा है, तो 29.5 किलोग्राम के स्थान पर, 25.9 किलोग्राम भार का प्रयोग किया। भैया सवाल यहां पे लिख लेना, 29.5 किलोग्राम के स्थान पर 25.9 भार का प्रयोग किया, तो समूह का सही औसत कितना था मेरे भाई, तो कितना कम तौला, ध्यान से समझना, 29.5 में मतलब उसकी बजाय उसने कितने से कर लिया था, 25.9, तो घटाओ जरा इसमें भैया, घटाओगे कैसे, 15 में 9 जाएगा तो कितना आएगा भैया, 6 आएगा और यहाँ पे कितना बचेगा, 8 में 5 गया तो 3 आया भैया, 3.6 आया। अब ये 3.6 कितने लोगों में भैया, 8 विद्यार्थी है ना मेरे भाई, 8 विद्यार्थी है, क्योंकि देखो कम पड़ा था, उसने बोला था 29.5 किलोग्राम के स्थान पर 25.9 किलोग्राम का भार का प्रयोग किया, तो कितना कम लिया था, 3.6 कम लिया था भैया। अब 3.6 बांट दो मेरे भाई कितने लोगों में, 8 विद्यार्थियों में, तो काटो भैया, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, तो 0.45 कम लिया था, तो 0.45 और जोड़ दो भैया 38 में, तो 38.2 में 0.45, तो कितना निकल गया आएगा, 5, और ये हो जाएगा 6, और 38.65 निकल गया आएगा। तो भैया बीफ और बॉम्बे वाले बिल्कुल सही है, बताइए बात आपको समझ आई कि नहीं आई, एक बार जल्दी से बता दो मेरे भाई। हाँ, इनकम्प्लीट है, बहुत बढ़िया, कामनी राजपूत, हाँ अब ये बताइए समझ आया कि नहीं आया, क्वेश्चन अब मैंने लिख दिया है। हाँ, दीक्षा पाल जोड़ो भैया, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है, आपका काम जोड़ने का है और हमारा काम सिखाने का है, ठीक है ना। तो अगले वाले क्वेश्चंस पे आते हैं, जब तक आप अपना काम चालू रखिए और मैं भी अपना काम चालू रखता हूँ भैया, जल्दी से बता दो इसको कमेंट करके कितना आएगा। देखिएगा कितनी अच्छी प्यारी सीरीज लिखी हुई है आपके सामने, देखा देखना भैया, 9 फिर -1, 8 से डिवाइड किया 1 आया, तो आपको लॉजिक समझ आ रहा है ना, 9 के बाद 9, 8 आया, 9, 8, 7 आया, है ना भैया, 9, 8, 7, 6 आया, तो अब क्या आएगा भैया, 9, 8, 7, 6, 6 के बाद क्या आएगा मेरे भाई, 5 आएगा, तो 1, 2, 3, 4, 4 के बाद मेरे भाई क्या आएगा, 5 आएगा, और किससे डिवाइड करोगे भैया, 8 से डिवाइड करोगे, अब बराबर में कितना आएगा, 1, 2, 3, 4, 5 आएगा, तो भैया कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, वो 9, 8, 7, 6, 5 और डिवाइड माइनस का 5 और ये वाला भैया डी फॉर दिल्ली वाले बिल्कुल सही है। बताइए भैया बात आपको समझ आई कि नहीं आई, एक बार जल्दी से कमेंट मारिए कि डी फॉर दिल्ली वाले सही है कि नहीं है। छवि वर्मा, गुंजन भर्ती, आज हम अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे और स्पीड तभी बढ़ेगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ोगे, और उन लोगों को अभी फायदा करना है जो अभी छिपे हुए हैं, जिनको डर लग रहा है मैथ से, तो मैथ से डरना तब मना होगा जब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको मतलब जोड़ना है लोगों को, बहुत ज़्यादा शेयर करो। राधे राधे कृष्णा, प्रियंका गंगवार, बहुत बढ़िया, वेलकम है आपका, कोई बात नहीं। तान्या पंडित, आपको स्पीड नहीं करनी है, बहुत इजी तरीके से आपको मतलब कॉपी पेन लेके बैठना है और मतलब अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है बस। तो प्रैक्टिस कैसे होगी, यहीं पे होगी एडी एकेडमी में, ध्यान से देखिएगा भैया, बता दो जल्दी से क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा प्रियांशु के पास 10 रुपए, भैया 10 रुपए 20 रुपए के नोट हैं, वह 50 रुपए बनाने के लिए 20 रुपए के 2 नोट का उपयोग करता है ना भैया, करता है,
और 10 रुपए का, यहाँ एक और लिख लेना, 10 रुपए का एक नोट लिख लेना, सवाल छूटा है थोड़ा, 10 रुपए का एक नोट का प्रयोग करता है, ठीक है ना। तो यही राशि बनाने के लिए अन्य कितने तरीके, अन्य भैया और कितने तरीके लगेंगे यदि हमें दोनों ही नोटों का प्रयोग करना हो, और नोटों का दिक् स्थान व्यवस्था को उपेक्षित कर सकता है। आज जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं भैया, है ना, तोड़ना है तो तोड़ेंगे, कैसे एग्जाम को तोड़ेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, अब भैया 50 रुपए बनाना है तो 50 रुपए कैसे बनेगा, उसने कहा 20 रुपए के दो नोट, तो 20 रुपए के मैंने भैया दो नोट ले लिए, ध्यान से समझना मेरी बात को, 20 रुपए के दो नोट, तो 50 रुपए बनाने के लिए 10 रुपए का एक नोट की और आवश्यकता क्या होगी, वो सवाल में खुद यहाँ पे दिया है उसने कि 10 रुपए का एक नोट लिख लेना भैया। फिर उसने बोला कि और कितने तरीके, और भैया कितने तरीके, कितने अन्य तरीके, तो और क्या तरीका हो सकता है, और तरीका ये भी हो सकता है, एक 20 रुपए का नोट ले लो और 10 रुपए के तीन नोट लो लो, तब भी भैया कितना हो जाएगा मेरे भाई, तब भी 50 ही निकल के आएगा, ये भी 50 मेरे भाई और ये भी 50, तो और कितने तरीके, एक तरीका और निकल के आया है। तो बी फॉर बॉम्बे वाले बिल्कुल सही जवाब है, एक बार जल्दी से कमेंट मार दो कि मेरे भाई यहाँ तक सभी का क्लियर है, बहुत 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 वेलकम है इतना सपोर्ट करने के लिए मेरे भाई, शानदार, दिल से शुक्रिया सभी का, और मुझे उम्मीद है कि यही सपोर्ट जारी रहेगा, और जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं मेरे भाई। तो अगले वाले सवाल पे आइएगा, अगला वाला सवाल क्या है, देखते हैं कितने लोग इसका जवाब कर पाएंगे। सवाल थोड़ा बड़ा है तो इसलिए मैं पहले तो क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, और छोटा कर दें कोई दिक्कत नहीं है, है ना, सब नए बच्चे हैं सबको देखेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं, सब नया खून है, सबको देखने वाला है, बाज की तरीके देखने वाले हैं, जल्दी से बता दो भैया। हाँ, दो बार ना होगा सर, दो बार ना होगा, क्या दो बार नहीं होगा, शिक्षा सिंह मैथ नहीं आती तो तभी तो क्लास लगाए हैं, काहे के लिए क्लास लगाए हैं भैया, मैराथन काहे के लिए दी गई, इसीलिए तो दी गई है कि जिसको मैथ नहीं आती उसका भला होगा, जिसको आ रहा है तो उसका ज्यादा भला हो जाएगा। जल्दी से बताइए भैया इसका आंसर कितना आएगा। तनिष्क सिंह सर दो होगा ना, सर दो होगा, दो कैसे होगा देख ले गया एक बार, क्या बता रहे हो तुम, वो ये कह रहा था भैया कि अन्य कितने तरीके और हो सकते हैं, और मतलब एक तरीका तो पहले था, एक तरीका तनिष्क भैया पहले था, वो तो सवाल में दिया था, एक और, तो एक और टोटल अगर बोलता तब दो हो जाते भैया, टोटल अगर बोलता तब दो हो जाते, बताइए तनिष्क समझ आया कि नहीं आया, एक बार जल्दी से बताइए। हाँ, क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझिएगा, कह रहा तीन विद्यार्थियों के समूह में गणित पढ़ने से पहले और बाद, ये भैया पढ़ने से पहले का बात है भैया, और ये पढ़ने के बाद है ना भैया, तो पढ़ने के बाद का तो औसत इसका निकालो जरा कितना आएगा, तो 7 और 4 11 और 3 भैया कितना हो जाएगा 14, 1 कैरी हो जाएगी, और जोड़ो 6 और 5 11 6 17 और 1 18 184 का औसत निकालो, 3 है ना भैया 3 से भाग दो, तिछंग 18 और 3 एकम 3 और 3 त्रिकोण 9 61.3 बनेगा मेरे भाई, बिल्कुल बनेगा आपने बोला। फिर इसका देखो रेशियो पढ़ने के बाद भैया 9 4 13 1 कैरी हो जाएगी, 7 6 13 13 और 7 भैया 20 और 1 21 3 से भाग दो 30 7 21 और 3 एकम 3 तो 71। अब मुझे निकालना क्या है भैया, कह रहा कि तीनों विद्यार्थियों द्वारा मिलकर प्रत्येक प्रकार के अध्ययन के औसत अंक भैया, तो औसत कहाँ मिलेगा, औसत मिलेगा 61.33 और 71 भैया, डी फॉर डेली वाले बिल्कुल सही है, बताइए समझ आया कि नहीं आया। हाँ मिस्का भैया गुड इवनिंग, हाँ इस्ता शुक्ला शानदार, अजय कुमार जय सिंह बहुत बढ़िया, हाँ डी फॉर डेली वाले बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना जरा कितने लोग इसमें बता पाएंगे, और आपको बहुत एकदम सही जवाब देना है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, हमें ज्यादा से ज्यादा आज क्वेश्चंस को कंट्रोल करना है, और हैंडल करेंगे तो कैसे थोड़ा सा खींचना भी पड़ेगा, करिएगा। निम्नलिखित अक्षरों के किस समूह में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममिति, मतलब क्षैतिज जैसे मैंने देखो ओ बनाया, ओ मतलब ये क्षैतिज भी देखो ओवरलैप करेगा, सममिति का मतलब ओवरलैप होना चाहिए, अगर मैं इसको फोल्ड करके ऐसे करूं तो सेम दिखेगा भैया, सेम आकृति दिखेगी, या मैं ऐसे कर दूं तो भी इसको फोल्ड करेंगे तो सेम, ये मतलब क्षैतिज भी बन रहा है सेम और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की है भैया। हाँ तो कह रहा दोनों प्रकार की, सी में क्षैतिज तो बनेगी भैया लेकिन ऊर्ध्वाधर नहीं बनेगी भैया, है ना, ऐसे टी में भी यही फंडा लगेगा, ऊर्ध्वाधर बनेगी लेकिन क्षैतिज नहीं बनेगी, फोल्ड करने में सेम सा नहीं आएगा, तो ए ऑप्शन नहीं होगा इसमें। देखो ये क्षैतिज बन जाएगी, ऊर्ध्वाधर भी बनेगी,
क्षैतिज बन जाएगी, ऊर्ध्वाधर भी बनेगी, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर सब बन रहा है भैया। तो बी फॉर बॉम्बे वाले बिल्कुल सही है। एक बार जल्दी से बता दो भैया कि बी फॉर बॉम्बे वाले बिल्कुल सही है कि नहीं है, एक बार जल्दी से कमेंट मार दो। बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगले वाले सवाल पे आइएगा। अगले वाले सवाल कितने लोग जवाब देंगे, मैं देख रहा हूँ आपके क्वेश्चंस का जवाब, और बता दीजिए भैया मेरे भाई। हाँ, अपना नाम यहाँ पे स्थापित कर दीजिए कि हम भी कुछ काबिल हैं और करने के काबिल हैं, तो करेंगे बिल्कुल, है ना भैया। एग्जाम को फोड़ के आएंगे और बहुत अच्छे से करना है मेरे भाई, तो थोड़ा प्रैक्टिस भी अच्छे से करनी पड़ेगी, तो तैयार हो जाएंगे। जब तक लिखिएगा भैया, राकेश और सानिया आपस में चर्चा कर रहे हैं। राकेश कहता है कि त्रिज्या व्यास की दोगुनी है। राकेश कहता है कि त्रिज्या व्यास की दोगुनी। त्रिज्या भैया व्यास की कहां दोगुनी होती है, त्रिज्या तो व्यास की आधी होती है। तो राकेश भाई साहब बिल्कुल सही, गलत बात बोल रहा है राकेश, तो गलत बोला ना। फिर क्या बोला, और सानिया कहती है कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। बिल्कुल सही जवाब है, जो त्रिज्या होती है व्यास की भैया आधी होती है। बिल्कुल सही बात बोली है सानिया ने, तो सानिया सही है, राकेश गलत है। तो क्या होगा भैया, राकेश सही और सानिया गलत है। राकेश कहां सही है, राकेश सरासर गलत है। फिर क्या बोला, सानिया सही और राकेश गलत है। तो बी और बॉम्बे वाले बिल्कुल सही है, सानिया सही थी, राकेश गलत था। आगे क्या कह रहा है, दोनों गलत है क्योंकि त्रिज्या और व्यास दोनों बराबर होते हैं। ये आदमी तो बिल्कुल गलत है भैया। फिर क्या बोला, दोनों गलत है क्योंकि त्रिज्या और व्यास के बीच कोई संबंध नहीं है, तो ये भी बिल्कुल गलत है भैया। तो आगे वाले सवाल भी आइए, कि जब ये सब गलत है तो गलत होने दो, अगले वाले सवाल में बताना जरा, देखते हैं कितने लोग इसमें बता पाएंगे मेरे भाई। और आज हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और लगे कि हाँ हमने एग्जाम की प्रैक्टिस करी है। और यहीं से ना अगर क्वेश्चन मिले ना, तो मेरे भाई बता देना, जब एग्जाम हॉल से आप निकलोगे तो आपको भी प्रतीत होगा कि भैया सवाल यहीं से मिल रहा है, तो जल्दी बता दो। देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि अरीबा अंग्रेजी अक्षरों और गणितीय अंकों में से कोण ढूंढती है, कोण भैया एंगल ढूंढती है। क्या कहती है, निम्नलिखित में से किस समूह में उसे केवल समकोण मिलेंगे। समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री मेरे भाई, एग्जैक्ट 90 डिग्री मतलब समकोण आपने देखा होगा, ये भैया कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है ना मेरे भाई। तो 90 डिग्री किसमें बनेगा, देखो के में नहीं बन सकता है ना भैया, ये देखो ये कहीं के नहीं बन रहा। इसमें भी देखो न्यून कोण बनेगा, टी में बन सकता है, टी में है ना भैया, टी में। लेकिन अब देखो एक्स में क्या बनेगा का भैया, एक्स में भी यहां नहीं बनेगा, 94 में तो बन जाएगा इधर पे। एन में भी देखो न्यून कोण बन रहा है, यहां भी नहीं बनेगा, ना तो ये ना तो ये। एच में देखो एच बनाओगे ना भैया, तो यहां भी 90 बनेगा, यहां भी बनेगा, यहां भी बनेगा, यहां भी बन जाएगा। फाइव बनाओ, फाइव में देखो यहां 90 बन रहा है ना भैया, ई में भी 90 बन रहा है भैया। आज एग्जाम को, एग्जाम से रिलेटेड जो ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे जितने बन सकते हैं वो यहां से निकलेंगे, और जब एग्जाम देकर आना तो मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड था। नंबर नहीं मिलेगा लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा मेरे भाई। और आप मतलब कहते हैं ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है मेरे भाई। तो अगले वाले क्वेश्चंस पे आइएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आंसर होगा भैया सी फॉर चेन्नई वाले बिल्कुल सही हैं। हाँ, दीपाली यादव शानदार मेरे भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इस वाले सवाल को बता देना जल्दी से, देखते हैं कितने मेरे भाई आंसर सही जवाब देंगे। बहुत जानदार क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन कर लिया तो आपको बहुत अच्छी तैयारी है आपकी। तो जल्दी से बताइए कमेंट में कितने लोग इसका जवाब सही देंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक बार जल्दी से कमेंट मार दो कि इसका आंसर सर कितना होगा, तो मुझे भी खुशी मिलनी चाहिए कि आप लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। हाँ, इस्ता शुक्ला और परवीर कुमार बहुत बढ़िया, सीमा चौहान, और अपने साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं लाइव, और बहुत अच्छी क्लास है, तो क्लास को भी रंगीन करेंगे ना। कह रहा किसी संख्या के गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड मतलब फैक्टर, गुणनखंड क्या होते हैं, वे संख्याएं जो दी हुई संख्या को पूरी पूरी विभाजित कर दे, गुणनखंड कहलाते हैं मेरे भाई। तो कैसे, क्या कह रहा है, संख्या के बराबर या उससे कम, मतलब जो फैक्टर होंगे वो संख्या के बराबर या उससे कम होंगे, है ना भैया, या संख्या के बराबर या उससे अधिक होंगे, या संख्या के बराबर होंगे या संख्या से कम होंगे। तो मान लीजिए मैं 6 के फैक्टर करता हूं, तो 6 के क्या क्या फैक्टर होंगे, 1 से भी 6 कटेगा, 2 से भी कटेगा भैया, 3 से भी कटेगा 6। तो देखो संख्या से कम ही आया है भैया, इसके जो फैक्टर है 6 के गुणनखंड है, संख्या से कम आया। अगर मान लीजिए मैं 2 के फैक्टर करूं तो 1 से भी कटेगा 2 से, तो देखो संख्या के बराबर, 2 गुणनखंड 2 ही संख्या। बात समझ आ रही है ना भैया, किसी संख्या के गुणनखंड मतलब 2, तो या तो बराबर होंगे भैया या तो उससे क्या होंगे मेरे भाई, कम होंगे। बहुत बढ़िया, सोमेश कुमार, धर्मवीर सिंह, चंद्रजीत सिंह, मनु श्रीवास्तव, मधुबाल, बिल्कुल सही जवाब दिया है आप सभी ने, बहुत शानदार। तो भैया संख्या के बराबर होंगे या उससे
कम होंगे मेरे भाई, तो ए फॉर आगरा वाले बिल्कुल सही है। तो जल्दी से इसको भी बता दो भैया, जब ए फॉर आगरा वहां सही करके आए हो तो मुझे उम्मीद है यहाँ भी सही करोगे। और आज अपने आप को साबित करना है, क्लास में दिखा देना है, अपना नाम दिखा देना है कि भैया मैं भी कुछ काबिल हूं। तो बता दो इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी से बता दो। दीक्षा पाल, सायमानाज, बिल्कुल इसमें बताइए कितने लोग इसका सही जवाब देंगे। चलिए ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि वेणु को 25 सितंबर 2020 के दिन घर में सफाई करते समय अपना जन्म प्रमाण पत्र मिला। क्या मिला भैया? जन्म प्रमाण पत्र मिला। उसने देखा कि उसकी जन्म तिथि प्रमाण पत्र में 5 दिसंबर 1995 लिखी थी, है ना भैया, 5 दिसंबर 1995 लिखी थी। अब देखो यहां से समझना, 25 सितंबर का मतलब कितना महीना होता है, बोलो 9, है ना भैया 9, और 2021, ध्यान से देखना मेरे भाई। और यहाँ पे जब 5 दिसंबर 1995 लिखी थी, 5 दिसंबर मतलब क्या होता है भैया, 12 महीने होता है ना दिसंबर, और 1995 देखना भैया, ध्यान से समझना, इसको ऐसे लिखो, उल्टा लिख दिया है ना भैया, उल्टा नहीं ऐसे लिखो, थोड़ा सा मजा आएगा, इसको ऐसे लिखो 2021, और सितंबर कितना भैया 9 का और 25, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ 1995, और दिसंबर मतलब 10 और 5, ध्यान से समझना मेरे भाई। आप ये बता दो जरा, 25 में ये भैया दिन है और ये मंथ है और ये ईयर है, ठीक है ना। तो भैया 25 में आएगा तो 20 हो जाएंगे दिन, और 9 में 10 नहीं जाएगा मेरे भाई, तो ये एक साल इससे लेगा, एक ईयर में 12 महीने होते हैं, तो 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, 21 में 10 जाएगा मेरे भाई, तो 11 माह हो जाएगा। और यहाँ पे एक कैरी ले चुका था 2020 में 1995, तो कितना 25 साल 11 माह, 25 साल और 11 माह मेरे भाई, 25 साल और 11 माह और 20 दिन, है ना भैया, कहीं पे मिस्टेक हो गया क्या मेरे भाई? यहाँ पे 12 और 9 21, 21 में 10 जाएगा तो 11, कहीं पे मिस्टेक है क्या, बोलो भैया कहाँ कहीं मिस्टेक हो गई है क्या, जल्दी से कमेंट कर दो। दिसंबर में 12 होते हैं सर, हाँ बिल्कुल, तो 12 लिखो, 12 का है नहीं लिखा भैया, दिसंबर में 12, तो 21 में 12 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, 21 में 12 जाएगा तो कितना आएगा भैया, 9 आएगा, तो 25 वर्ष भैया, ये वर्ष है 25 वर्ष, 9 माह 20 दिन, तो लगभग में कहाँ है भैया, लगभग में बताना है, तो 25 वर्ष 9 माह 9.5 महीने भैया, बी फॉर बॉम्बे वाले बिल्कुल सही जवाब है आपका, वेरी गुड। सरस्वती सिंह, रविंद्र कुमार और तान्या पंडित, बहुत शानदार, वेरी नाइस। चलिएगा भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार जल्दी से कमेंट क्यों नहीं कर देते हो कि इसका जवाब ये होगा, तो मुझे भी लगे कि हाँ आप लोग बहुत अच्छे से जुड़े हैं और आप लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं मेरे भाई। और सपोर्ट क्या है कि अपने अपने स्टेटस में जगह देनी है, और आज इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है कि सभी का फायदा, मेरे भाई और बहन जितने भी साथ में पढ़ने वाले बंदे होंगे, सीटेट के एग्जाम को कैसे भी करके उनको पार कराना है, और ये पार कैसे होगा, यहाँ से प्रैक्टिस से होगा मेरे भाई, तो जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए, बहुत शानदार। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि 5 व्यक्तियों की लंबाइयाँ नीचे दी गई हैं, लंबाइयाँ ये दी हैं, तो इनका लंबाइयों का योग मीटर में बताना है, तो ये सब सेंटीमीटर में, तो जोड़ो भैया। एक चीज ऐसे, एक तरीका बताऊं जोड़ने का, आप ऐसा करो ना, तरीका क्या है ध्यान से देखिएगा, तरीका जोड़ो भैया, जोड़ लो जरा, ये कितना भैया 2 और 9 11, 11 और 6 कितना हो जाएगा भैया 17, 17 और 1 18, 18 3 21, 2 कैरी हो जाएगी, फिर जोड़ो 6 5 11, है ना भैया 5 11 5 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा 16 6 22, है ना भैया 22 और 6 कितना हो जाएगा 22 और 6 28, 28 2 30 भैया 3 कैरी हो जाएगी, फिर जोड़ो 1 2 3 4 5, 5 और 1 भैया 5 और 3 8 हो जाएगा, तो 801 सेंटीमीटर निकला है मेरे भाई। सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे मेरे भैया, तो 100 से भाग करोगे मीटर बनाने के लिए, तो कितना भैया 8 मीटर और 1 सेंटीमीटर निकल के आएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा भैया, 8 मीटर 1 सेंटीमीटर, बी फॉर बॉम्बे वाले बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। गुड इवनिंग सुष्मिता कुमारी, बहुत शानदार, स्वागत है आपका। चंद्रजीत सिंह, वीरेंद्र, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो भैया बी फॉर बॉम्बे वाले बिल्कुल सही जवाब है, तो इसमें बता दो जल्दी से, इसमें जब सही है तो ये भी सही होना चाहिए, है ना, हम लगातार सही करेंगे और अपने स्ट्रेटजी को बढ़ाएंगे, एग्जाम में स्ट्रेटजी ही काम आती है, और स्ट्रेटजी क्या होगी, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से
प्रैक्टिस को बढ़ाना है हमें, तो कैसे बढ़ेगा, यहां से बढ़ेगा। देखो भैया 1729 रामानुजन संख्या कहा जाता है। आप कह रहा है क्योंकि यह एक सबसे छोटी संख्या है जिसे दो अलग अलग तरीकों से दो संख्याओं के घनों के योग द्वारा दर्शाया, मतलब दो संख्याओं के घनों का योग द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी युग्मों के घनों को यह संख्या प्राप्त होगी मेरे भाई? तो ऑप्शन से कर दो ना, ऑप्शन से क्या दिक्कत है। तो भैया एक का क्यूब कितना होता है? एक का क्यूब होता है मेरे भाई, एक का क्यूब एक होता है, 12 का क्यूब होता है 1728। तो 1728 और एक कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये वाला तो 1729 हो जाएगा। क्या ये वाला भी 1729 होगा क्या? 9 का क्यूब कितना होता है भैया? 729 है ना भैया। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। क्या बनेगा क्या? 5 और 7 कितना? 1200। लेकिन पहुंचना है भैया 1700 तक, तो ये कतई नहीं होगा। तो ये वाला बिल्कुल नहीं है भैया सही। आगे वाले देखो जरा, आगे वाले में क्या है? आगे वाले ये तो बन रहा था ना, उसमें बन रहा था, इसको चेक कर लो। 10 का क्यूब भैया 1000 है ना भैया। 9 का क्यूब कितना? 729। तो जोड़ो जरा ये भैया 1729 हो जाएगा। तो बी फॉर बॉम्बे वाले बिल्कुल जाएंगे, बॉम्बे की तरफ जाएंगे। बिल्कुल सही जवाब है आपका, शानदार, वेरी नाइस, है ना भैया। जानदार शानदार क्लास होने वाली है आज का, जो क्लास होगा रियल में बहुत एकदम मस्त होगा, है ना। तो मतलब कहते हैं ना कि मतलब जो क्लास होगी तो कैसी होनी चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड। एग्जाम में अगर क्वेश्चंस मिले तो हमारी क्लास सफल है ना भैया। तो ध्यान से देखिएगा, अगले वाले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चंस क्या है देखना जरा, जल्दी से बता दो मेरे भाई। तो इसका आंसर कितना आएगा? क्वेश्चन कह रहा है कि तीन मित्र 20 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट के अंतराल पर अपने मोबाइल फोन पर एक संदेश प्राप्त करते हैं, ठीक है ना भैया। कह रहा उन्हें संदेश एक निर्धारित समय पर एक साथ प्राप्त होना शुरू हुआ, वे कितने समय बाद पुनः अपने संदेश को प्राप्त करेंगे मेरे भाई? तो कितने समय बाद प्राप्त करेंगे? तो हम अब देखते हैं कितने समय बाद प्राप्त करेंगे। तो सबका एलसीएम निकाल लो, है ना भैया। जैसे लाइट वाला सवाल नहीं होता कि एक चौराहे में एक बत्ती, मतलब लाइट है, तीन प्रकार की लाइट है, एक इतने सेकंड, एक इतने सेकंड, इतने सेकंड, तो वही टाइप का तो सवाल है। तो निकालो भैया 20 और 30 और 45 का एलसीएम निकालो, जल्दी से बता दो मेरे भाई। कई लोग तो ऐसे भी बता देंगे लेकिन मैं करके दिखाई दे रहा हूँ, हर क्वालिटी का बच्चा है अपने पास। तो 10, 15 और कितना होगा भैया? तो ध्यान से समझना, 10, 15 और कितना होगा? 45। अब भैया 3 से फिर 2 से डिवाइड करो तो 5 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 45 आएगा, फिर भैया 3 से डिवाइड करेंगे तो 5, फिर कितना? 5, फिर आएगा भैया 15, फिर 3 से डिवाइड करो, फिर 5 से कर दो, तो 5 थी 15 थी 45 दूनी 90, 90 दूना 180 भैया, 180 मिनट निकला है। तो मिनट भैया 180 में कितने, 180 मिनट में कितने घंटे होते हैं भैया? एक घंटे में 60 मिनट, 60 से भाग दे दो मेरे भाई, तो कितने घंटे? 3 घंटे निकल के आएगा। तो फाइनली आंसर कितना होगा? डी फॉर डेली वाले बिल्कुल सही जवाब है आपका, बहुत बढ़िया। अपने पास मतलब इतने अच्छे लोग जुड़े हुए हैं और इतने अच्छे बच्चे हैं कि सब एकदम भयंकर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, और इसी सपोर्ट की आवश्यकता है, और हम लोग अपने मुकाम को हासिल करेंगे। आप भी बनाएंगे, हम भी बनाएंगे और मिलकर चलेंगे। बताइए भैया इसका आंसर कितना होगा? मैंने बहुत बार क्लास में इसको समझाया है, इस वाले क्वेश्चंस को, और मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल सही जवाब देंगे। इस वाले क्वेश्चंस को समझने के लिए पक्का एक सवाल बनता है इस टाइप का, ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी, एकदम शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, एक मुश्किल से 4 सेकंड लगेगा, ध्यान से देखना। कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्या होगी भैया क्रमशः? तो आप ये समझिएगा जब भी इस टाइप का सवाल है तो ये देखो, इसमें गैप देखो, सब में सेम आ रहा है ना, 4 में 3 का अंतर निकालोगे तो एक ही तो आएगा। इसमें भी भैया एक आएगा, इसमें भी एक आ रहा है, इसमें भी एक है, सब में देखो मेरे भाई एक एक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप बोलेंगे यस सर आ रहा है, तो आ रहा है तो क्या है? देखिएगा भैया जब भी इस टाइप का सवाल है तो जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न उतनी ही बड़ी होगी। कहते हैं ना जब अंतर समान हो, एक पॉइंट लिख लेना भैया, जब अंतर समान हो जब अंतर समान हो, जब अंतर समान हो, जिसका अंश जितना बड़ा होगा, जिसका अंश, बहुत अच्छा पॉइंट लिख लेना, जिसका अंश जितना बड़ा होगा वो भिन्न उतनी ही बड़ी होगी। जिसका अंश जितना बड़ा होगा वो भिन्न, वह भिन्न उतनी ही बड़ी होगी, वह भिन्न उतनी ही बड़ी होगी। एक बार जल्दी से कहीं पे पॉइंट में लिख लें, वह भिन्न उतनी ही बड़ी होगी,
होगी। ध्यान से समझना भैया, वह भिन्न उतनी ही बड़ी होगी। तो आप मुझे एक बार जल्दी से कमेंट बता दीजिएगा, वह भिन्न उतनी ही बड़ी होगी तो किसका अंश बड़ा है मेरे भाई, तो किसका अंश बड़ा है? तो भैया 6/7, सबका अंश यही 6/7 है, तो ये सबसे बड़ी है, उससे किसका अंश छोटा है? 1/2 का। तो ए फॉर आगरा वाले बिल्कुल सही है। बताइए समझ आया कि नहीं आया, एक बार जल्दी से कमेंट मार दो। स्नेहा द्विवेदी स्वागत है आपका, श्वेता कुमारी बहुत बढ़िया। तो ए फॉर आगरा वाले बिल्कुल सही हैं, एक बार जल्दी से बता दो ए फॉर आगरा वाले सही हैं कि नहीं है। तो अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी है, तो जल्दी से बताना है इसको, इस पैटर्न को क्या फॉलो हो रहा है, तो मेरे भाई बता दो जल्दी से। कह रहा है पैटर्न को देखिए और फॉलो करिए, तो क्या ये देखो सबका योग ही लिखा है, 5, 3, 8 और 8 और 1, 9 है ना भैया, 7, 5, 12, 3, 15 और 1, 16 बोलो बात लिखी है कि नहीं लिखी। तो आप भी सबको जोड़ दो भैया, जोड़ोगे कैसे ध्यान से देखो, 17 और 15 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 17 और 15 कितना 32, 32 और 3, 32 और 3 35, 35 और 10 45, 45 और 20, इन दोनों को जोड़ दो, 45 और 20 65, 65 और भैया 65 और 7 कितना हो जाएगा भैया 72, 72 5 77, 77 और 3 कितना होगा 77, 3, 79 और 1, 80 है ना भैया, 1, 80। कहीं एक वैल्यू कोई छूट गई है क्या भैया, एक बार फिर से जोड़ो जरा, 17 और 15 कितना हो जाएगा भैया 32, 32 और ये 35 और 10 45 है ना भैया, 45 और 45 और 20 कितना हो जाएगा 45, 20, 65, 65 और 7 कितना होगा भैया 72, 72 और 5 कितना होगा भैया 77, 77 और 4 कितना हो जाएगा भैया 81 होगा मेरे भाई। तो सी फॉर चेन्नई वाले बिल्कुल सही हैं। और एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक क्या होगी बहुत जानदार होगी, ध्यान से समझना, कितनी संख्याएं हैं बताओ, ये विषम संख्या है ना, तो 2 का स्क्वायर दिख रहा है ना भैया, 2 संख्या है तो 2 का स्क्वायर लगा है 4 है, 3 संख्या है तो 3 का स्क्वायर लगा है भैया 9 है, ये 4 संख्या है ना मेरे भाई तो 4 का स्क्वायर भैया 16 है, 5 संख्या है 5 का स्क्वायर, यहाँ पे कितनी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 का स्क्वायर भैया 81 होगा। बताइए मेरे भाई आपको समझ आया कि नहीं, एक बार जल्दी से बता दो मेरे भाई कमेंट करके, यहाँ तक सभी को क्लियर है तो एक बार मुझे भी विश्वास होना चाहिए कि हाँ सर आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है, एक बार जल्दी से बता दो। और जितने भी लोग लाइव हैं अपने साथ जल्दी से लाइक ठोंक दो, झन्ने से लाइक मारो, और आपको समझ आनी चाहिए कि आपको मतलब बहुत अच्छी क्लास हो रही है, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी समझ आना चाहिए मेरे भाई। तो ये वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा करेंगे, तो क्वेश्चंस को पहले तो आप रीड करो एक बार अच्छे से, बहुत एकदम अच्छे तरीके से रीड करो, और मैं क्वेश्चंस को बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है। कह रहा विभिन्न स्टेशनरी वस्तुओं की दरें नीचे दी गई हैं। अब क्या क्या है, पेंसिलों का एक पैकेट भैया दिया हुआ है। अब पहले क्वेश्चंस को एक बार देख लो, कह रहा हरप्रीत ने एक पैकेट पेंसिल, अब एक पैकेट पेंसिल, तो एक पैकेट पेंसिल का मूल्य कितना है भैया 22 रुपए है, तो 22 रुपए लिख दिया है ना भैया, 22 रुपए लिख दिया, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना, फिर कह रहा है कि 2 पैकेट कलम, अब एक पैकेट कलम कितने का है भैया 37.5 का है, तो 2 पैकेट कितने का होगा, तो भैया 2 पैकेट कितने का होगा, तो 37.5 का डबल कितना, 37 का डबल 74 है ना भैया, 74 की और कुछ भैया 74 और 50 का मतलब 0.5 का कितना 75 हो जाएगा मेरे भाई, बताइए बात समझ आई कि नहीं आई। फिर क्या बोला, 3 रबड़ भैया, 3 रबड़, एक रबड़ कितने की है 3.5 की, तो 3 रबड़ कितने की होगी, तो 0, 3, 5, 15, 3, 3, 9, 1, 10, तो 10.50 की पड़ेगी मेरे भाई 3 रबड़। फिर कह रहा है एक शॉर्पनर, अब एक शॉर्पनर भैया, शॉर्पनर कितने का है, एक शॉर्पनर दिया 4.50 का मेरे भाई। फिर आगे क्या बोला है, कह रहा पेस्टल सीट के 2 पैकेट, अब पेस्टल सीट के 2 पैकेट हैं, तो पेस्टल सीट का एक पैकेट 48 का है मेरे भाई, तो 2 पैकेट कितने के 96 के पड़ेंगे, एक पैकेट 48 का तो 2 पैकेट 96 के पड़ेंगे। फिर क्या बोला है मेरे भाई, फिर कह रहा है कि एक रेखनी खरीदी, तो रेखनी कितने की है 10 रुपए की है, तो जोड़ दो भैया सबको जोड़ो, आंसर आपके सामने होगा, तो राशि कितनी अदा करनी पड़ेगी, तो एक बार जोड़ो इसको, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये कितना लिखा है, ये लिखा है भैया 10.5 और 4.5 हो जाएगा, तो इसको जोड़ो पहले, 15 ये हो गया, 15 और 75 कितना हो जाएगा बोलो 90 हो जाएगा, 90 और 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 और 96 कितना होगा 196, 196 में भैया 22 जोड़ दो मेरे भाई, तो 22 जोड़ोगे तो 8 और 11
और 218। भैया आंसर कितना निकल गया आएगा? 218 रुपए देना पड़ेगा। बताइए बात आपको समझ आई कि नहीं आई, एक बार जल्दी से कमेंट मार दो मेरे भाई कि यहाँ तक सर सभी को क्लियर है। ऑप्शन हमने नहीं देखे हैं, अब कुछ लोग अंतर्यामी भी होंगे भैया, है ना, अंतर्यामी कैसे, कई लोग जवाब भी दे रहे होंगे ए बी सी डी करके, तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हैं यार, वेरी गुड, मतलब सब जवाब भी दे लेते हैं, भले ही आप ऑप्शन ना दिखाओ लेकिन जवाब तो आता ही है और जवाब देना भी चाहिए, रुकना क्यों है भैया, है ना, तब तक नहीं रुकना है और जब तक हमें मंजिल मिल ना जाए भैया, है ना, जब तक मंजिल मिल ना जाए तब तक आपको रुकना नहीं है, और एक बार अपने माँ बाप का सपना जरूर पूरा करना है, बाद में फिर कुछ भी हो, है ना, रिजल्ट चाहे कुछ भी आए लेकिन सपना जरूर पूरा करना है माँ बाप का। एक बार उस मोमेंट को ध्यान रखिएगा जब मैं रिजल्ट लेके अपने मम्मी पापा के सामने जाऊँगा, तो मतलब क्या दृश्य होगा उस बार, एक बार फील करके देखना, फिर आपको लगेगा कि अगर मेहनत डबल ना हो जाए मेरे भाई तो बता देना, है ना, मतलब कहते हैं ना कि मतलब एक मोमेंट को वो जरूर ध्यान में रखना है कि जो मेरे मतलब माँ है ना वो कितना मतलब सपोर्ट के लिए मतलब करते हैं। एक शख्स दुनिया में केवल एक ही शख्स है, मैं हर बार बोलता हूँ कि मतलब वो जरूर भरोसा करता है, आप दुनिया कितना भी बुरा भले बोले लेकिन वो अपने बच्चे को एक बार जरूर बोलती है कि वो सफल होके आएगा मेरे भाई, तो उस विश्वास को तोड़ना नहीं है, मतलब जरूर हम उस मुकाम को हासिल करेंगे। बताइए भैया शिक्षा सिंह बहुत बढ़िया शानदार, तो देखते हैं 218 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार जल्दी से देख लो भैया 218 आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। हाँ ए ऑप्शन आ रहा है भैया, आ रहा है ना 218, तो एक बार जल्दी से बता दो कि 218 आ रहा है, तो भैया हम भी 218 को ही टेक करेंगे, ए फॉर एप्पल वाला। चलो भैया आगे वाले क्वेश्चन को जल्दी से कर दो, देखते हैं कितने लोग इसका जवाब देंगे। बहुत अच्छी क्लास होगी आज की, आपको भी लगेगा कि धुआं धुआं हुआ है भैया, है ना, क्लास को देख के आपको भी जुनून आएगा, और जब हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी भैया मेहनत करने की आवश्यकता, मेहनत क्या करना है, एक बार इसको शेयर कराओ भैया, इतना तो कर ही सकते हो ना, मतलब इतना फैला दो इसको कि लगे कि मतलब कुछ क्लास चल रहा है, और बहुत शानदार क्लास होगी मेरे भाई, है ना। हाँ बहुत बढ़िया जय सिंह शानदार, अना मंसारी, पुष्पा यादव, वेरी नाइस। चलिएगा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि 10,011 को 101 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा, तो 101 से भाग दे दो ना भैया, क्या दिक्कत है, तो 101 से भाग दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कितनी बार चला जाएगा भैया, एक बार तो जाएगा नहीं, 9 बार, देखो जरा 9 एकम 9 और 0 9, है ना भैया, तो यहाँ पे कितना, एक में 9 नहीं जाएगा, 11 में 9 जाएगा, 2 यहाँ पे बचेगा, 9 यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो एक फिर बचा, फिर 9 बार चला जाएगा भैया, तो 9 एकम 9 और कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, तो कितना बचेगा मेरे भाई, 12, 12 बचेगा भैया, सी फॉर चेन्नई वाले बिल्कुल सही है। बताइए बात आपको समझ आई कि नहीं आई, एक बार जल्दी से बता दो। अनुप्रिया बहुत बढ़िया, सुष्मिता शानदार, चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताना जरा इसका आंसर कितना होने वाला है, एक बार जल्दी से कमेंट मार दो भैया कि इसका आंसर कितना होगा, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है वह न्यूनतम संख्या चुनिए जो एक पूर्ण वर्ग है और प्रत्येक संख्या 16, 20, 24 से भाग हो जाती है। बहुत इजी सवाल है, एक बार गौर से देखना, 16, 20 और 24, मैं एकदम छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक क्या है मतलब कॉन्सेप्ट है, तो कह रहा भाग हो जाती है, तो भाग भैया देखो इसके फैक्टर 4, 4 मतलब 2 से घटेगा, इसके फैक्टर 4×5 बनेंगे, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 8×3, तो ऐसी वैल्यू होगी कि 3 से कटना चाहिए, अगर 3 से कटेगी तो वही आंसर होगा, तो 3 देखो 1600 कभी 3 से नहीं कट सकता है, तो आपको चेक करना ही नहीं है, देखो ये भी 6400 भी नहीं 3 से कटेगा, केवल 2 ऑप्शन है जो 3 से कटेंगे, एक 3600 और एक 14,400 भैया, बात समझ आई कि नहीं आई, तो छोटा वाला कौन है भैया, कह रहा है ना कि पूर्ण वर्ग हो और न्यूनतम संख्या, तो न्यूनतम क्या होगी मेरे भाई, बी फॉर बॉम्बे वाले बिल्कुल सही जवाब है, बताइए एक बार कमेंट करके कि बी फॉर बॉम्बे आएगा कि नहीं आएगा। शीतल पांडे, तान्या पंडित बहुत बढ़िया, प्रिया शानदार, महेश कुमार वेरी नाइस। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं कितने लोग इसका जल्दी से आंसर बता पाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आज, बस बने रहिएगा अंत तक, आपको छोड़ के नहीं जाना है, मतलब क्लास लेने का फायदा आपको तब समझ आएगा जब एग्जाम हॉल से निकलेगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, बस इतनी बात ध्यान में रखिएगा। लिखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि इतने में दोनों 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल, तो भैया स्थानीय मान आप जानते हैं, है ना, कई बार बताया हुआ है, तो भैया स्थानीय मान क्या है, इसका कितना होगा 6 और कितना 1 अंक है, तो 1 0 लगा दो, यहाँ पे भैया 6 होगा, 1 2 3,
तो 3 जीरो लगा दो भैया, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, मल्टीप्लाई कराना है तो 6000 का मल्टीप्लाई 60 से कराओगे तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 और 6 6 36 हो जाएगा मेरे भाई, तो कितना 3,60,000। तो 3,60,000 सी फॉर चेन्नई वाले बिल्कुल सही है, बताइए सी फॉर चेन्नई वाले बिल्कुल सही है कि नहीं, एक बार जल्दी से बता दो। सरस्वती बहुत बढ़िया, दिव्या सिंह शानदार, बंटी भी बहुत बढ़िया। चलिएगा अगले वाले सवाल पे आइएगा, अगला वाला सवाल क्या है और हमें कितने अच्छे से करना है, और ये बात आप ध्यान से देखिएगा भैया, बता दो इसका। मैंने बहुत बार ये क्वेश्चंस कराया और एग्जाम में आएगा भी, ये बात आप लिख के ले लो मेरे मेरे भाई, इस टाइप का क्वेश्चन पक्का एग्जाम में बनेगा, तो आपको करना है मेरे भाई, इसमें स्टार लगा लेना इस टाइप के सवाल में, और स्टार क्या आने वाला सवाल है ये ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग की सीमा, सीमा मतलब समझते हो ना, बाउंड्री भैया, क्या बाउंड्री, बाउंड्री मेरे भाई, तो कह रहा है इस वर्ग के चारों कोनों में से प्रत्येक में से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काट दिया जाता है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अगर बाउंड्री मेरे भाई, बाउंड्री किसी की भी भैया 16 सेंटीमीटर है, तो परिमाप का मतलब 16 सेंटीमीटर, तो 4a बराबर अगर 16 दिया है भैया, तो 4 से काटो, 4 चुकू 16, तो a बराबर 4 बनेगा कि नहीं बनेगा भैया, तो मतलब ये सब 4-4 के हैं कि नहीं है भैया, ये सब 4-4 सेंटीमीटर के हैं। फिर क्या बोला कि 1-1 सेंटीमीटर का भुजा एक छोटा वर्ग काट दो, अगर आप 1-1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे छोटे वर्ग काटोगे तो ऐसा बन जाएगी आकृति, ध्यान से देखना भैया, आकृति कैसी बनेगी, आकृति बन जाएगी मेरे भाई ऐसी, कैसी देखो, अब ऐसा बनेगा। अब बताओ एक एक कट गया, एक यहां से कटा, एक यहां से, तो यहां तो 2 बचेगा, यहां पे 1 आया, यहां भी 1 है ना भैया, ये सब 1-1 के बनेंगे कि नहीं बनेंगे, यहां भी 2। अब एक बात मुझे ये बता दो कि भैया इसके बाउंड्री में कोई प्रभाव पड़ेगा, अभी यहां इतना 4 चलना पड़ रहा था, तो देखो 4 ऐसे भी चलना पड़ेगा, 2 यहां पे, 1 यहां चलना पड़ जाएगा है ना भैया, और 1 यहां चलना पड़ जाएगा, बताओ 1 ये और 1 ये, तो 4 ही तो चलना पड़ रहा है मेरे भाई, देखो 2 1 2 3 3 1 4, 4 ही तो चलना पड़ रहा है भैया बाउंड्री है ना, तो 4 4 4, उसके परिवर्तन मतलब उसकी बाउंड्री में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब सीमा की लंबाई क्या होगी, तो 16 ही सेंटीमीटर होगी मेरे भाई। तो एक बार जल्दी से बता दो मेरे भाई कि यहां तक सभी को समझ आया कि नहीं आया। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ 16 का सी, सी फॉर चेन्नई। कब तक क्लास चलेगा, जब तक क्लास चलेगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं मेरे भाई। हाँ आपको भी लगे कि मैं प्रैक्टिस करके जा रहा हूँ, और बहुत शानदार प्रैक्टिस होगी, और आपको लगातार बने रहना है मेरे भाई। मलिक खान खुशी, लेट हो गए, कोई बात नहीं है, आए देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, अब लगातार बने रहिएगा। जो मतलब लास्ट वाले जो क्वेश्चन होंगे ना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं, आपको लगेगा कि मतलब ये क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड ही होंगे मेरे भाई, आप ये समझिएगा, लास्ट वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो मजा आएगा, बने रहिएगा बस। इसमें बता दो जल्दी से आंसर कितना आएगा, हाँ जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या कह रहा है, कह रहा है रिक्त स्थान में क्या आएगा, कह रहा है 2/3 भैया, 2/3, तो 2 का 1/3 भैया है ना, 2/3, और प्लस लगा है एक्स का 11/12, तो 11 का 12 भैया, 11/12 बताइए x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 11/12, 11/12 माइनस का 2/3 उधर जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा भैया, एलसीएम ले लो तो कितना भैया 12, तो 12 एकम 12, तो 11 माइनस का 3 चुको 12, तो 4 दुनी 8 भैया, तो 11 में 8 गया, तो कितना बचेगा 3/12, 3/12 को क्या बोल सकते हैं भैया, 3 से 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो 1/4 भी बोल सकते हैं ना भैया, 1/4 भी बोल सकते हैं, या 3/12 भी बोला जा सकता है, तो 3/12 मतलब सी फॉर चेन्नई की ओर जाएंगे मेरे भाई, सी फॉर चेन्नई की ओर जाएंगे। हाँ भैया यही सब तो समझ में नहीं आता, शिक्षा सिंह क्या बात है मेरे भाई, यहाँ देखो क्या समझ नहीं आता, तिहाई का मतलब क्या होता है, तिहाई का मतलब 1/3, चौथाई का मतलब 1/4 है ना भैया, तो 12वां का मतलब 1/12, तो तिहाई का मतलब 1/3, तो 2 का 1/3 प्लस एक्स, 11 का 12, तो 11 का 12 मतलब 1/12, और 1 का गुणा कराया तो 11/12, इसका गुणा कराया तो 2/3 उधर ले गए, तो 3/12, 3/3 इसको ऐसा लिख सकता हूं ना, 3 × 1/12, तो इसको पढ़ा जा सकता है 3 और 1/12 को 12, सी फॉर चेन्नई की ओर जाएंगे मेरे भाई, तो एक बार जल्दी से बता दो। हाँ बहुत बढ़िया, हरे राम पंडित, प्रिया गुप्ता, अगर आपको जरा से भी लग रहा है कि मेहनत करी जा रही है आपके प्रति, तो एक बार जरूर मेरे भाई शेयर कर दो, और
सब लोग अपने अपने स्टेटस में लगा लो, लग रहा है कि मेहनत है तो कर सकते हैं, अगर नहीं लग रहा है कि नहीं मेहनत है तो कोई बात ही नहीं है मेरे भाई, है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 19 डेट को एग्जाम है, तो गी प्रेम बहुत बढ़िया, आपका वेलकम है और मतलब आपका ऑल दी बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। हाँ शिक्षा सिंह आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, हाँ सब इसी में है मेरे भाई, सब बता दिया जाएगा, बहुत बढ़िया। हाँ पुष्पा यादव, अनुष्का, अच्छा फिर से बता दे, चलो देख लो भैया कोई बात नहीं है, देख लो मेरे भाई, जिसको नहीं समझ आया ना तो एक बार दिल खोल के बोल देना भैया कि समझ नहीं आया, मैं बिल्कुल बताऊंगा, देख लेना मेरे भाई। कह रहा है कि रिक्त स्थान में क्या आएगा, दो तिहाई, तिहाई का मतलब कितना होता है, तिहाई का मतलब 1/3, तो दो तिहाई का मतलब 2 का 1/3, प्लस यहां कुछ नहीं है तो प्लस का एक्स लगा दो, बराबर बराबर 11, 12वां का मतलब क्या हो जाएगा 1/12, है ना भैया 1/12, तो क्या x को यही रखो, बराबर कितना 11 एकम 11 11/12, और ये 2/3 माइनस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम 12 और 3 का एलसीएम कितना आएगा भैया 12 आएगा, 12 एकम 12 तो 11 एकम 11 माइनस का, 3 चौक 12 तो 4 2 8, 11 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा भैया 3/12, इसी को पढ़ेंगे, 3/12 को लिख सकता हूँ 3 × 1/12, तो 3/12 पढ़ेंगे भैया 3/12, अगर ये 3/12 नहीं ऑप्शन में होता तो इसको कट कर देते, 3 एकम 3 3 चौक 12, है ना भैया 1/4 होता, फिर 1/4 होता तो फिर 1/4 लगाते, लेकिन यहाँ पे कितना होगा सी होगा मेरे भाई, तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दो। अब आई होप कि आप समझ चुके होंगे, हाँ बहुत अच्छा सवाल है ये, और जिन बच्चों ने ये सवाल किया तो इस टाइप का अगर संभावना है बनने की तो आप एग्जाम हॉल में भी करके आओगे, तो मेरे भाई जल्दी से बता दो कि सर ग्रुप का नंबर दीजिए, मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया, कोई बात नहीं है बता दिया जाएगा। हाँ भैया यहाँ पे देखो मेरे भाई, जल्दी से बता दो यहाँ पे इसका आंसर कितना आएगा, तो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, चलिएगा ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। देखो मेरे भाई एक बात मेरी ध्यान से सुन लेना, क्वेश्चन देख के भगना नहीं है कि बड़ा क्वेश्चन आ गया तो भगना है, आपका एग्जाम तभी क्लियर होगा और इन्हीं सवालों से ही आपकी मतलब ये मैथ जो है ना भैया स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर आपके अंदर दम है तो 15 में 15 नंबर आएंगे और बिल्कुल क्लियर होगा कि मेरे ये सही है ना। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि मुझे विश्वास होता है कि पूरे मैं पूरे नंबर ला सकता हूँ और क्लियर भी होता है और आंसर भी सही एकदम बैठता है। देखिएगा मल्लिन की माँ उसे जन्मदिन पर टॉफियों का पैकेट अपने साथियों के साथ बांटने के लिए दिया भैया, मर्लिन ने टॉफियों का 2/7 भाग अतिथि को, ध्यान से समझना भैया 2/7 भाग अतिथि, अतिथि कोई नाम होगा मेरे भाई, क्या नाम है, अतिथि नाम है, अदिति है ना भैया, आदि लिख लो, आदि लिख लो, कितना भैया 2/7 भैया ध्यान से समझना। फिर क्या बोला 1/6 भाग अमल को, 1/6 भाग अमल लिख लो, हम लिख लो है ना, छोटा छोटा लिख लेंगे तो 1/6 भाग। फिर क्या बोला 2/5 भाग 2/5 भाग फरहान को, तो भैया फर लिख लो है ना, फरहान को कितना 2/5 भैया 2/5। फिर क्या बोला 1/7 भाग जैरी, अभी जैरी भी बची है तो जैरी को भी लिख लो 1/7 भाग, कितना बढ़िया सवाल है ध्यान से समझना मेरे भाई। तो कह रहा भाग जैरी को दिया, अब एक चीज बताओ इसको, देखो दो तरीके हैं करने के, एक बहुत एकदम इजी तरीका बताऊंगा आपको, इजी तरीका क्या है कि 7, 6, 5 और 7 का एलसीएम कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, एक बार कमेंट मार दो कि इसका एलसीएम कितना होगा, बोलो भैया मेरे भाई एक बार जल्दी से कमेंट मार दो और बता दो मेरे भाई कि इसका एलसीएम कितना आएगा, 7, 6, 5 और 7 का एलसीएम कितने आने वाला है, 7 × 5 = 35 और 35 × 2 = 70 और 70 × 3 कितना होता है 210, तो एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई 210 आ जाएगा। बताइए बात आपको समझ आए कि नहीं, आप साइड में निकाल देना, कहो तो मैं निकाल के बता दूं कैसे निकाला, 7 × 35 और 1 7 तो मिल गया और 35 × 6 कितना होता है भैया 210 होता है भैया, तो एलसीएम मिल गया। अब बताओ 210 का 2/7 निकालोगे कितना आएगा, 7 से भाग दो 7 × 3 = 21 है ना भैया, 7 × 3 = 21 30 × 2 = 60 भैया 210 का आप साइड में निकाल लो, 210 का 2/7 कितना आएगा भैया 7 × 3 = 21 और 30 × 2 = 60, तो अदिति को 60 ट्रॉफी मिलेंगी है ना भैया, और 6 से डिवाइड करो 6 × 3 = 18 और कितना 3 × 6 = 35 इसको 35 ट्रॉफी मिलेंगी भैया। अब भैया 210 का 2/5 निकालो, 210 का 2/5 कितना आएगा, तो 5 × 20 5 × 2 = 10 42 × 84 इसको मिलेंगी भैया 84 ट्रॉफी
और इसको निकालो 7 3 21, इसको मिलेंगे 30 टॉपी। तो कितनी टॉपी बची? ये वाली हमने भैया मानी थी वैल्यू, तो जोड़ो मेरे भाई, 60 और 60 और 35 कितना हो जाएगा? 95, है ना भैया, 95। और थोड़ी देर के लिए इसको 85 मान लो, 95 और 85 कितना होता है? 95 85 हो जाएगा 180, है ना भैया, 180 में 30 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 210। लेकिन एक कम है ना भैया, तो 209 बना है, 209 बना, लेकिन 209 नहीं था भैया, हमने कितना माना था? 210 माना था। तो एक टॉफी बच गई ना भैया, एक टॉफी बच रही है, तो एक टॉफी की वैल्यू उसने, एक टॉफी नहीं दी है भैया, एक टॉफी नहीं बची, दो टॉफियां बची हैं। जब एक टॉफी की वैल्यू दो है, दो टॉफी बची है मेरे भाई, जब एक टॉफी बराबर दो के, तो 210 की वैल्यू निकाल ली है, तो 210, एक का डबल लिखा है, ये दो गुना 200, एक का दो गुना दो होता है, तो 210 का दो गुना कितना होगा भैया? 420। तो टोटल जो भैया टॉफियां होंगी कितनी थी शुरुआत में? 420 टॉफी होंगी। एक बार जल्दी से कमेंट मार दो कि सर सवाल समझ आ गया है, बहुत बढ़िया। हाँ तनिष्क सिंह, खा लो टॉफी, बहुत बढ़िया। हाँ टॉफी भी खाते जाओ, है ना, मौज लेते रहो भैया, टॉफी खाना भी बहुत जरूरी है। हाँ तो साथ में आप लोग आनंद भी लेते रहिए और टॉफी खाते रहिए, है ना। चलिए भैया अगले वाले सवाल पे बता दो, जल्दी से बताइए इसमें कितने लोग जवाब दे पाएंगे और कितने लोगों का सही जवाब होगा। बहुत इजी सवाल है और मैं जानता हूँ कितने लोग बताएंगे, रिपीट कर दें, नंबर दीजिए, मेरा फोन ऑफ हो जाएगा। नंबर एडी सर बता देंगे आपको, है ना, कोई बात नहीं, एडी सर आपको बता देंगे। चलो एक बार और समझा दे रहा हूँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं एक बार और समझा दो, कोई बात नहीं भैया, आप देखो क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, बहुत इजी सवाल है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और सीख जाओगे। कह रहा था कि मर्लिन की माँ उसके जन्मदिन पर टॉफियों को पैकेट अपने साथियों के साथ बांटने के लिए दिया, मर्लिन ने टॉफियों का 2/7, है ना, तो ध्यान से समझिएगा, मर्लिन, एक मर्लिन है टॉफियों का 2/7, है ना भैया, अदिति 1/6, अदिति है उसका 1/6, और भैया 1/6 अमल कितना, फरहान है 2/5, एक फरहान है भैया 2/5, और 1/7 भाग जैरी, 1/7 भाग जो जैरी है भैया 1/7, ध्यान से देखिएगा भैया। अब कह रहा है जैरी को दिया, तो यदि उसके पास सिर्फ दो टॉफियां बची हो, दो टॉफियां बची हो ना, तो भैया दो टॉफियां पता नहीं है, लेकिन हमें एलसीएम निकालो, 7 5 6 और 7 का एलसीएम 210 आया। अब भैया 210 का 2/7 7 से भाग करो, 7 3 21 30 आया, 30 का गुणा 2 में कराओ कितना? 60 हो जाएगा, है ना भैया। 210 का 6 1/6 करो, 6 से भाग दो, 6 3 18 6 5 35 हो गया भैया, है ना। 210 का 2/5 तो 5 से भाग करो, 5 6 20 5 2 10 42 का डबल कितना? 84 हो जाएगा, बोलो। अब 1/7 निकालो, 7 3 21 30 हो गया, तो सबको जोड़ो, 60 और 35 95 95, इसको थोड़ी देर के लिए 85 मानो, कितना हो जाएगा बोलो भैया? 180 180 में 30 210, लेकिन एक कम करना पड़ेगा ना, 84 है, तो कितना? 209 टॉफी बांट पाया है। तो कितनी टॉफी बची? एक टॉफी बची, एक टॉफी यहां बची, ये तो मैंने माना था, लेकिन वो रियल में कितनी टॉफी बची? दो। जब एक की वैल्यू दो है, तो मुझे कितने की वैल्यू चाहिए? 210 की। तो ये इसका कितने गुना? दो गुना, तो 210 का भैया, 210 का दो गुना कितना बनेगा? 420। आई होप कि आप क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे, बताइए मेरे भाई आपको समझ आया कि नहीं आया। हाँ क्लियर कर दीजिए, बहुत बढ़िया, खुशबू पाठक रियल में आपके क्वेश्चंस क्लियर करेंगे। एक बार जल्दी से कमेंट मार दो कि आपको समझ आया कि नहीं आया, बता दीजिए मेरे भाई। ठीक, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शानदार, सभी को जितने भी लोग जुड़े हैं मेरे भाई, हाँ रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, बहुत बढ़िया, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा, वेरी नाइस, बहुत शानदार लाइन है, और रियल में आएगा जब आप लगे रहोगे ना मेरे भाई, जो अंततः लगा रहा है हमेशा, मतलब प्रॉब्लम तब होती है जब हम मतलब लास्ट मुकाम पर होते हैं ना, तभी लोग घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं है, जब आप समस्याओं से घिरे हो तो समझ लेना मेरा अच्छा वक्त आने वाला है, तो बस पॉजिटिव सोच रखनी है। क्या कह रहा है? एक दुकानदार के पास कुछ अंडे हैं, वह उन्हें एक ट्रे में रखना चाहता है जिसमें ठीक 12 अंडे आते हैं, समझना भैया, एक ट्रे में 12 अंडे आते हैं, उसने अंडों को 9 ट्रे, इसमें ध्यान से देख लेना, एक ट्रे में 12 अंडे तो 9 ट्रे में रखा, 9 ट्रे में रख दिया भैया, कितनी ट्रे में रख दिया? 9 ट्रे में रख दिया, ध्यान से देखना, 9 ट्रे में रख दिया और 5 अंडे बचे रहे भैया, जब 9 ट्रे में रख दिया और एक ट्रे में 12 अंडे आते, 5 अंडे बच गए, कर अभी भी कितने अंडों की आवश्यकता है जिससे उसकी 10 ट्रे भरने के बाद कोई अंडा ना बचे भैया, 10 ट्रे भरनी है,
तो पांच अंडे हैं उसके पास, अब पांच अंडे हैं और एक ट्रे भरने के लिए मेरे भाई सात अंडे और चाहिए, सात अंडे और जोड़ दो तो 12 अंडे की एक ट्रे हो जाएगी ना, तो एक ट्रे और हो जाएगी भैया। तो बताओ कितने अंडों की आवश्यकता होगी भैया, सात अंडों की आवश्यकता होगी, तो तभी तो 10 ट्रे हो पाएंगे मेरे भाई। तो आंसर कितना होगा, सी फॉर चेन्नई की ओर जाएंगे। बता दो मेरे भाई यहां तक सभी को क्लियर है कि नहीं। हाँ खुशबू पाठक आपका एक दो नंबर से रुक जाता, अब नहीं रुकेगा ये, विश्वास करिए और प्रैक्टिस करके जाइएगा। अगर मैथ में आपके पूरे में पूरे नंबर आ रहे हैं तो रियल में आपको कोई रोक नहीं सकता है, किसी में मतलब दम नहीं है कि आपको रोक पाए, इतना वादा है मेरा। एक या दो से रुक जाता, कोई बात नहीं, अब नहीं रुकेगा, बोलो मेरे भाई। हाँ देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, अगले वाले क्वेश्चन पे आइएगा। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, अगला वाला क्वेश्चन है ये है, बता दो जल्दी से आंसर कितना आएगा, देखते हैं कितने लोग इसको जवाब कर पाएंगे। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी करो। जल्दी से बता दो मेरे भाई। चलिए मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है सविता एटीएम से कुछ रुपए निकालने गई, उसे 2000 रुपए के 5 नोट, भैया 2000 रुपए के, ध्यान से समझना, 2000 रुपए के कितने नोट, 5 नोट भैया, है ना, 2000 रुपए के 5 नोट, तो कितना रुपए हो जाएगा, 5 × 10 10,000 रुपए हो जाएगा ना भैया, 10,000 रुपए हो जाएगा। फिर क्या बोला है, 500 रुपए के 4 नोट, 500 रुपए के 4 नोट मेरे भाई, तो 4 नोट कितना हो जाएगा, 5×20 2000 रुपए हो जाएगा, ध्यान से लिखते रहो भैया। फिर क्या बोला है, फिर बोला है 100 रुपए के 9 नोट भैया, तो 100 रुपए के 9 नोट, 100 रुपए के 9 नोट, तो कितना हो जाएगा भैया, 900 रुपए, कितना हो जाएगा, 900 रुपए हो जाएगा, 900 रुपए हो जाएगा। फिर क्या बोला, हाँ 900 रुपए गिनने पर उसे मालूम हुआ कि उसके पास 2000 रुपए का 1 नोट और 100 रुपए का 1 नोट कम मिला, कम मिला है भैया, 2000 रुपए का 1 नोट और 100 रुपए का 1 नोट, तो इसका मतलब 2000 रुपए और 100 रुपए उसे कम मिला, तो 2100 रुपए तो उसे कम मिला, तो देख तो जरा कितना रुपए मिला, है ना, इतने रुपए उसको प्राप्त हुए, मिले भैया, है ना, तो जोड़ो जरा कितना हो जाएगा, 009 और 2 और 1 12,900 रुपए उसे मिला है, तो कितना भैया अभी कम मिला है, 2100 रुपए और जोड़ दो, 12,900 में 2100 रुपए और जोड़ दो मेरे भाई, तो 12,900 में भैया 2100 रुपए और जोड़ दो, तो यहाँ जोड़ो 12,900 में 2100 रुपए और जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 000 और 5 15,000। वो कह रहा है कि कितनी राशि टाइप करी थी एटीएम में उसने भैया, एटीएम से निकालने के लिए कितनी राशि भरी थी, तो 15,000 भरी होगी भैया, 15,000। सी फॉर चेन्नई चले जाएंगे मेरे भाई, एक बार जल्दी से बता दो कि अनम अंसारी बहुत बढ़िया, दीपाली यादव और आकांशु साहू, सर घाटा हो जाएगा उसको, तो हाँ बिल्कुल घाटा होगा, है ना, घाटा होगा, बिल्कुल घाटा हो जाएगा, लेकिन घाटा कैसे होगा, घाटा आप इस तरीके से नहीं होगा, वो कंप्लेन भी तो कर सकता है भैया, हमें मैथ नहीं आता फिर भी सीटेट क्लियर, बहुत शानदार, तो वेरी नाइस, है ना, बहुत बढ़िया, फिर तो आप गजब हैं। चलिए भैया इसमें बता दो जल्दी से, तब तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा अगर मैथ आने लगेगा तो, इसमें बता दो जल्दी से। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है अनु एक मिठाई की दुकान से 2 किलो 500 ग्राम लड्डू, है ना भैया, ध्यान से लिख लो भैया, 2 किलो 500 ग्राम लड्डू, तो इसको ग्राम में ही लिखो क्योंकि ये ग्राम में ही दिया आगे, तो 2 किलो 500 ग्राम को ग्राम में लिखोगे, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 2 किलो में 2000, तो कितना 2500 ग्राम हो जाएगा कि नहीं होगा, जल्दी बता दो, 2500 ग्राम होगा मेरे भाई। फिर क्या बोला कि 3 किलो और 250, तो कितना हो जाएगा भैया, 3250 ग्राम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा भैया। फिर क्या बोला, जलेबी, है ना, मुंह में तो पानी आ रहा होगा भैया, आने दो। फिर कह रहा है 4 किलो रसगुल्ले, अच्छी अच्छी मिठाई है भैया, 4 किलो रसगुल्ले, तो 4 किलो को 4000 ग्राम लिख दे भैया, कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली, बिल्कुल नहीं होगी। कह रहा दुकानदार ने सारी मिठाइयों को डब्बों में भर दिया जिसकी अधिकतम क्षमता 750 ग्राम है, तो सारी मिठाइयों को पैक करने के लिए कितने डब्बों की आवश्यकता, एक डब्बे की भैया कितनी क्षमता है, 750 है, तो 750 से डिवाइड करेंगे, जोड़ो जरा कितना होगा, 0 और 5 5 2 7, और कितना हो जाएगा भैया, 4 3 7 7 2 9, तो 9750 आएगा भैया,
कितना आएगा 9750 और 750 से भाग दे दो मेरे भाई, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया है ना भैया, जीरो से जीरो कैंसिल, 15 से काटो 15 छक्का 90 और 15 पंचे 75 तो 15 पंचे 75 हो गया, 5 से काटो भैया 13 पंचे 65 तो कितने पैकेट आएंगे भैया 13 फाइनली आंसर होगा, तो बी फॉर बॉम्बे चले जाएंगे, बता दो एक बार कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए बी फॉर बॉम्बे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बता दो बताइए मेरे भाई, यहां तक सभी को क्लियर है तो चलिए अगले वाले सवाल में बताना जरा, इसमें बता दो, देखते कितने लोग कितना अच्छा जवाब दे पाएंगे और सभी का मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी से बता दीजिएगा, वेरी नाइस, जल्दी बताओ संतोष कुमार बहुत बढ़िया, मेरा गलत हो गया कोई बात नहीं, शोभा देवी बहुत बढ़िया वेरी नाइस, जल्दी से कमेंट कर दो इसका आंसर कितना आएगा, कांति देवी गुड इवनिंग, चलिए भैया देखिएगा जरा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि एक चौराहे पर लगी चार ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः हर 30 सेकेंड 45 सेकेंड 1 मिनट और 75 सेकेंड बाद बदल जाती है मेरे भाई, है ना, 1 मिनट और 75 सेकेंड कितनी है भैया, चार ट्रैफिक बत्तियां हैं 30 सेकेंड है ना भैया, 30 सेकेंड और 45 सेकेंड और कितना भैया 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं भैया 60 सेकेंड और कितना भैया 75 सेकेंड, तो इनका एलसीएम निकालो जल्दी, है ना, तो एलसीएम निकालो जल्दी से कितना आएगा, दो से डिवाइड करो 15 आएगा, फिर 45 आया, फिर डिवाइड करेंगे तो कितना होगा भैया 30 होगा, फिर 75 होगा, फिर मेरे भाई किससे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 15 होगा, फिर 45 होगा, फिर कितना 15 होगा, फिर कितना 75 निकल के आएगा भैया, फिर कितना होगा, फिर 3 से डिवाइड करो 5 और 15 फिर 5 फिर कितना होगा भैया 25 हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो तो ये कट जाएगा 5 बार, फिर 25 से हो जाएगा, है ना भैया, 25 तीन 75 75 दुनी 150 150 दुनी 300 3 त्रिका 900 900 भैया सेकेंड आएंगे भैया 900 सेकेंड, 900 सेकेंड को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से भाग दे दो तो 6 कम 6 6 पंचे 30 15 मिनट आ जाएंगे भैया 15 मिनट भैया लगेगा 15 मिनट बाद, तो भैया 1:35 में 15 जोड़ दो मेरे भाई, तो 1:35 में 15 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 1:135 में 15 ऐड कर दो मेरे भाई, तो 0 3 और 1 4 1 5 तो 1:50 आ जाएगा भैया 1:50 1:50 1:50 है ना भैया, तो 1:50 पीएम कहाँ दिख रहा है, तो बी फॉर बॉम्बे की तरफ चले जाएंगे, बताइए मजा आया कि नहीं आया, एक बार जल्दी से बता दो मेरे भाई यहाँ तक सभी को क्लियर है कि नहीं एक बार बोल दो, और अगले वाले सवाल की ओर आते हैं भैया, इसमें जल्दी से बताओ, अच्छा सवाल है और मजा आएगा आपको करके, और जो इस सवाल का जवाब देगा ना पक्का मैं उसको एक चॉकलेट दूंगा भैया, एक चॉकलेट है ना भैया, तो एक चॉकलेट कैसे मिलेगी, जब भी कभी मुलाकात होगी ना तो चॉकलेट पक्का मिलेगी भैया, जल्दी से बताइए बताइए भैया इसका जवाब करके बता दो मेरे भाई, बहुत मजा आएगा आपको, रवि अवस्थी बहुत बढ़िया, जल्दी बता दो यहां पे देखना मेरे भाई, समझना मेरी बात को, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है रे और रीना ने ईंटों को एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज रूप से व्यवस्थित किया है, क्षैतिज रूप से व्यवस्थित किया है, यदि प्रत्येक ईंट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये दी है लंबाई और ये दी है भैया चौड़ाई और ये दी है मेरे भाई क्या, ये दी है ऊंचाई, ठीक है ना, तो कह रहा 3.5 मीटर की दीवार बनाने में ईंटों की कुल कितनी पंक्तियां होंगी, भैया ध्यान से समझना भैया, इतने मीटर दीवार बनाने में है ना भैया कुल कितनी पंक्तियां होंगी, अब ये समझो जो एक दीवार है मान लीजिए इसकी दीवार की ऊंचाई कितनी 3.5 मीटर है कि नहीं, मेरी बात ध्यान से समझना, ये दीवार है, अब ईंट अगर मैं लगाऊंगा भैया, ईंट अगर मैं ऐसे सेट करूंगा तो ईंट की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी बताई है भैया, ऊंचाई जो बताई है वो दी है 3 इंच भैया, कितनी इंच है 3 इंच, अब एक चीज बताइए ये दिया है मीटर में ये दिया है इंच में,
तो भैया एक चीज मुझे बता दो, एक इंच में जल्दी से कमेंट कर दो, एक इंच में कितने मीटर होते हैं, कौन बताएगा? जो बताएगा वो चौक मतलब चॉकलेट का हकदार होगा। कोई बात नहीं है भैया, जल्दी से समझिएगा। एक इंच में 0.0254 मीटर होता है ना भैया, 254 मीटर होता है। अगर बोल दे कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो एक इंच में अगर सेंटीमीटर पूछ दे भैया, तो कितना, ये 100 से भाग करेंगे ना, 100 से भाग कर देंगे कि गुणा कराएंगे, गुणा कराएंगे भैया, है ना, 100 से गुणा कराएंगे तो दो अंक और खिसक जाएगा, तो 2.5 मान लो, या 2.2, तीन अंक तक ले लिया करो, है ना भैया, 2.54 या 2.5 सेंटीमीटर, है ना भैया, इतना भी ले सकते हो। तो आप मेरी बात ये ध्यान से समझना कि अब एक इंच भैया, तीन इंच ऊंचाई कितनी दी है, तीन इंच, और एक इंच में कितने है भैया, 0.25 लिख लो भैया, एक इंच में ये तीन इंच दिया है, एक इंच में, एक इंच में 0.025 मीटर, तो तीन इंच में कितना होता है, तीन का गुणा करा दो भैया, तीन का गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, 0.0275 है ना, 75 मीटर, एक मीटर मतलब एक ईंट में इतने जब मीटर लगेगी, तो 3.5 से भैया इसमें डिवाइड करा दो, है ना, तो 3.5 से इसको डिवाइड करा दो, तो यहाँ पे करा दो, जरा ध्यान से देखना, 3.5 डिवाइड बाई कितना भैया, 0.075। तो अच्छा एक चीज बताओ, एक अंक के बाद दशमलव, तो एक दशमलव हटाओगे तो यहाँ दशमलव लगेगा, फिर यहाँ का दशमलव हटाओगे दो अंक के बाद दशमलव, काटो भैया पाँच से काटो, 5 × 7 = 35, 700 हो जाएगा, 5 से काटोगे, 5 × 5 = 5, 5×5 = 25, है ना भैया, फिर 5 से काट दो, 15 से कट जाएगा क्या, 15 × 60 कटेगा क्या, 15 × 60, अब कितना बचा भैया, 100 हो जाएगा, 15 × 6 = 90 लगभग में बोला होगा, है ना, लगभग में 15 × 6 = 90, तो ये 46 पॉइंट करके आएगा, तो ए फॉर ए आगरा हो जाएगा, बताइए भैया ए फॉर आगरा होगा कि नहीं होगा, ए फॉर एप्पल प्रमोद कुमार, बहुत बढ़िया, शैलेश पाल, दीपाली यादव, कामनी राजपूत, बहुत बढ़िया, वेरी नोट। हाँ अगले वाले सवाल पे आइएगा, अगला वाला क्वेश्चन क्या है इसमें बता दो जल्दी से, बताओ इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी बताइएगा। इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है 3 जुलाई 2021 को रमा एक पैकेट फेंकने से पहले उस पर दी गई जानकारी पढ़ती है जो इस प्रकार है, पैक करने की तारीख से लेकर 180 दिनों तक उपयोगी है, कौन सा कथन सही है, उसे पैकेट फेंक देने चाहिए क्योंकि खराब तिथि गुजर चुकी है। ये सवाल पूरा मिस प्रिंट है भैया, अगले वाले सवाल पे आओ, ऐसे बता दो जल्दी से, बताइए भैया इसका जवाब दो और आंसर कर दो, और बहुत अच्छे से इसका आंसर करेंगे, और हाँ इनकम्प्लीट है, कामनी राजपूत बहुत बढ़िया, शोभा देवी कोई बात नहीं है, अब क्लियर दिख रहा होगा, एक बार अपनी थोड़ा सा सेटिंग को क्लियर कर लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा, अध्यापिका बच्चों को कुछ वस्तुएं देती है जिनमें एक माचिस, एक बॉल, एक किताब और एक स्टील का गिलास, ध्यान से समझना, एक माचिस, एक बॉल, एक किताब, एक स्टील का गिलास और एक रस्सी, है ना भैया, फिर वह उस वस्तु को पहचानने के लिए कहती है जिससे सबसे ज्यादा कोने, उपरोक्त स्थितियों के अनुसार इनमें से कौन सा कथन, कोने भैया, कोने, कोने कैसे पता चलेगा, रस्सी का चुनाव, रस्सी का चुनाव किया जाना चाहिए क्योंकि दी गई वस्तु रस्सी सबसे लंबी, लंबी से क्या कोने देखना है, ये तो बिल्कुल गलत है, फिर क्या बोला, किताब का चुनाव किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें माचिस से ज्यादा कोने, बिल्कुल गलत है, फिर अब माचिस और किताब का चुनाव किया जाना चाहिए क्योंकि दोनों को किनारे, सतह और कोनों के आधार पर एक ही श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, तो भैया बिल्कुल सही जवाब है सी, माचिस और किताब में जो भी होगा सेम के तरीके भैया श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, फिर अब बॉल का चुनाव किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें अनंत कोने हैं, भैया बॉल में कोने कहाँ से हो गए, बताइए जल्दी से, एक बार जल्दी बता दो, हाँ बहुत बढ़िया अनुष्का साहू, वेरी नाइस, हाँ क्लियर दिख रहा है, हाँ बहुत बढ़िया, क्लियर नहीं दिख रहा है क्या, क्या बात आ गई, धुंधला दिख रहा है क्या, धुंधला, कोई बात नहीं दिल्ली देखेगा, आप थोड़ा सा अपनी मतलब सेटिंग को क्लियर कर लो, इसमें बता दो जल्दी से कितने लोग बता पाएंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि तीन या तीन से अधिक रेखा खंडों से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं भैया, तीन या तीन से अधिक, है ना भैया, बनी रेखा खंडी को क्या कहते हैं भैया, तीन या तीन से अधिक जब भी बनेगा तो क्या कहलाएगा, बहुभुज कहलाएगा मेरे भाई, है ना, बंद आकृतियों क्या कहते हैं, बहुभुज, चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे आइएगा, इसमें बता दो जल्दी से कितना आंसर होगा, देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे,
जल्दी से थोड़ा सा मतलब अपनी स्ट्रेटजी को बढ़ाते रहो और वीडियो को भी शेयर करते रहो। हाँ, सीफ और सीटेट होगा सर, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस वेरी नाइस। क्या नाम है आपका? हेमा कुमारी, बहुत बढ़िया। जुनून और जज्बा जरूरी है भैया। चलो देखो, कह रहा है एक शहर का तापमान सुबह 9 बजे 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड देखा गया। सुबह भैया 9 बजे है ना, सुबह देखा जाएगा कि रात में देखना चाहिए यार। चलो देखेंगे, अभी कब देखेगा, सुबह की रात में देखोगा है ना। 9 बजे कितना भैया, 23 पॉइंट, ध्यान से देखना, 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड देखा जाता है। यदि प्रत्येक घंटे तापमान 0.07 डिग्री सेंटीग्रेड गिर जाता है तो किस समय तापमान 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाएगा। तो मेरी बात ध्यान से समझना, कितना कम हुआ, 5 में 2 घटाया तो भैया 3 आया, दशमलव लगा दो, 3 में 7 नहीं जाएगा तो 1 कैरी लेगा, 13 में 7 गया तो भैया 6 आएगा और यहाँ पे कुछ नहीं बचा। और 1 घंटे में 0.7 तो टोटल कितना घटा है भैया, 7.6.3, तो 7 से भाग दे दो भैया, 0.7, दशमलव हटा दो, 7 9 63, तो 9 घंटे लगेंगे मेरे भाई। तो यहाँ रात कर लो, रात है ना भैया, तभी तो AM AM में ऑप्शन दिया है भैया। तो 9 रात के बजे होंगे तो 9 में भैया 9 घंटे जोड़ दोगे तो 9 और 3 12 है ना भैया, 3 घंटे तो 12 बजे रात के होंगे तो 6 AM हो जाएगा, 6 AM। बताओ ऑप्शन मिल रहा है भैया, 6 AM डी फॉर डेली वाले बिल्कुल सही हैं। एक बार मुझे विश्वास है कि आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे होंगे। सिंघानिया अभी, रवि अवस्थी, बहुत शानदार मेरे भाई, वेरी नाइस, 6 AM सर। अनुष्का, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिएगा अगले वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगर आपको लग रहा है कि रियल में प्रैक्टिस हो रही है ना भैया, तो थोड़ा सा यार शेयर करो वीडियो को, है ना, मतलब विश्वास को दिखाना है तो जताना भी है। एक बार इसको इतना शेयर कर दो कि लगे कि हाँ मतलब मिल रहा है कुछ, और मिल क्या रहा है, मतलब बहुत अच्छे से हमें चुनाव करना है मेरे भाई। तो जल्दी से बता दो कितने लोग इसका आंसर दे पाएंगे और बिल्कुल सही जवाब भी देंगे, एक बार जल्दी से बता दो, बताओ भैया। कहते हैं ना हिम्मत मत खोना, क्या कहते हैं भैया, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। उन्होंने कहा था, क्या कहा था, उन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं, उन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं, अभी उन्हें भी करके दिखाना है, अभी उन्हें भी करके दिखाना है। पड़ोसियों ने कहा था कि तेरे बस की नहीं, लेकिन अभी भी उन्हें करके दिखाना है। करके कैसे दिखाएंगे, हम अपने आप को झोंक देंगे मेहनत में और करके दिखाएंगे मेरे भाई। तो जल्दी से इसमें कमेंट बता दो, कमेंट कर दो कि आंसर कितना आएगा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो इसमें माध्य और माध्यिका के बारे में बताना है, तो एक बार जल्दी से बता दो और आंसर लगा दो कि इतना आंसर आएगा, और बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, मज़ा आएगा भैया क्लास में। तो मैं देखता हूँ कितने लोग इसका जवाब दे पा रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बी फॉर बिहार, हाँ बी, बहुत सारे लोग बी आंसर दे रहे हैं। चलिए भैया ध्यान से देखिएगा, कह रहे दिए गए अंकों के माध्य और माध्यिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो माध्य और माध्यिका, तो सबसे पहले इसको पहले आरोही क्रम में लिख लो, पहले क्या आएगा, एक आएगा, फिर एक एक और दिया है भैया, है ना, एक एक और दिया है, एक हो गया, एक हो गया, फिर क्या लिखोगे, फिर लिखोगे मेरे भाई 8 लिख लिया है ना, 8 के बाद क्या लिखोगे भैया, 8 के बाद 13 लिखोगे, 13 लिख लिया, 13 के बाद क्या लिखोगे भैया, 15 के बाद क्या लिखेंगे, 15 के बाद भैया 15 दो बार है मेरे भाई, 15 है ना, 15 के बाद लिखेंगे भैया 20, और 20 के बाद लिखेंगे 23 है ना भैया, 23 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए भैया 8। माध्य निकालने का फंडा क्या होता है, माध्य बराबर होता है क्या, माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, जिसको औसत बोलते हैं। तो जोड़ो भैया, जोड़ोगे कैसे, 23 और 20 कितना हो जाएगा भैया, 23 और 20 43, 43 और 5 कितना भैया 48, 48 10 58, 58 और 5 कितना हो जाएगा, 58 5 हो जाएगा भैया कितना, 58 5 हो जाएगा भैया 63, 63 10 73, 73 और 3 कितना होता है 76, 76 10 86, 86 और 8 कितना होगा भैया, 86 और 8 हो जाएगा मेरे भाई 74, 86 और 8
94 है ना भैया, 94 और 94 और 2 कितना हो जाएगा 96। 96 को किससे भाग करो, 8 से भाग दे दो, तो 8 × 8 8 × 2 = 16 कितना निकल के आया, 12 निकल के आया। माध्यिका कैसे निकलती है, बीच की दो संख्याएं उठा लो भैया, बीच की दो संख्याएं 13 और 15, 13 + 15/2 कर दो, तो 13 और 15 कितना हो जाएगा 28/2 निकालो भैया, कितना आएगा 14 आएगा, है ना भैया। माध्यिका 14, ये माध्यिका है, ये क्या है भैया माध्यिका, है ना भैया माध्यिका, और ये क्या है मेरे भाई माध्य, तो क्या कह रहा माध्य माध्यिका से अधिक, माध्य जो है माध्यिका से कहाँ अधिक, कम है भैया माध्यिका माध्य से अधिक, बिल्कुल बात सही, माध्यिका जो है माध्य से अधिक है, तो बी फॉर बॉम्बे की ओर जाएंगे। बता दो मेरे भाई सही है कि नहीं है, बता दो मेरे भाई, बता दो एक बार जल्दी से बता दो कि जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक नहीं छोड़ेंगे, है ना भैया, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, तो एक बार जल्दी से यहाँ कमेंट कर दो, और मुझे विश्वास है बिल्कुल सही जवाब देंगे आप लोग, बता दो भैया, बता दो जल्दी से अपने आप को कि हम भी कुछ कर सकते हैं, बताओ। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की घुमावदार सममिति के कोण दिए, एक समबाहु त्रिभुज को जानते हो ना भैया, समबाहु त्रिभुज कैसी, जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती है बराबर, और प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होता है भैया, ये भी ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बोलो भाई, बिल्कुल होगा मेरे भाई, है ना, ये भी 60 डिग्री का होता है, और ये भी कितने का भैया 60 का, और ये भी 60 का होता है। आज भैया दिखा देना है अपनी क्लास को कि हमें कुछ सीखने को मिलेगा, तो यहाँ पे समझना है, ये भी है ठीक। अब क्या कह रहा है कि घुमावदार सममिति का कोण बताना है, अब जैसे मैंने एक समबाहु त्रिभुज बताया भैया बनाया, तो एक घुमावदार सममिति क्या होगी मेरे भाई, तो एक चीज बताओ, जैसे ये लिखा है और इसको मैं इतना घुमा दूं कि ये सेम मतलब सेम वैसे ही बन जाए, तो कितना घुमाना पड़ेगा, इसको घुमा के मतलब यहां तक लाना पड़ेगा इतना, तो इतना कितना होगा भैया बताओ, 120 डिग्री होगा कि नहीं होगा, फिर इतना कितना होगा, 120 मतलब ये 240 होगा कि नहीं होगा, और पूरा घूम जाएगा तो 360 होगा कि नहीं होगा मेरे भाई, तो सी फॉर चेन्नई की ओर चले जाएंगे। एक बार जल्दी से बता दो भैया कि चेन्नई जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे मेरे भाई, चेन्नई जाके रहेंगे, और चेन्नई जाएंगे तो बिल्कुल जाएंगे, तो एक बार जल्दी से शेयर कराओ मेरे भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है, और क्लास को एकदम जानदार बना देना है ना भैया, तो इसका बताओ आंसर कितना आएगा, क्लास को भैया बहुत अच्छे से आपको कामयाब करने हैं इस क्लास को, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो, फिर जोड़ना आपका काम है और कराना मेरा काम है, तो समझ कैसे आएगा कि आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो जोड़ो भैया जोड़ो मेरे भाई, तो बता दो फिर इसका आंसर कितना आएगा। बहुत बढ़िया रोशन कुमार शानदार, और रवि अवस्थी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, और मैं देखता हूँ कितने लोग जवाब दे रहे हैं। कह रहा है आप समझना मेरी बात को, ये देखो 1 का स्क्वायर लिखा है, ये 2 का स्क्वायर लिखा है, 3 का 4 का 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा मेरे भाई, फिर क्या लिखा है, फिर लिखा है कितना जेड, जेड के बाद वाई, वाई के बाद एक्स, फिर डब्लू, फिर क्या आएगा वी, वी आएगा भैया, है ना, फिर ए बी सी डी ई आ जाएगा, बोलो अपोजिट भी लग रहे होंगे भैया, है ना, अपोजिट होता है ना लव, देखा होगा आपने, ये देखो अपोजिट ही, जेड का अपोजिट ए, वाई का बी, एक्स का सी, डब्ल्यू का डी, तो लव का है ना भैया, एल का अपोजिट ओ होता है मेरे भाई, वी का ई होता है, तो वी का अपोजिट ई लिखा है, तो 25 वी, तो बी फॉर बॉम्बे वाले बिल्कुल सही है। एक बार जल्दी से बता दो मेरे भाई कि यहाँ तक सभी को क्लियर है कि नहीं, हाँ बी फॉर बीवी, अच्छा संजीव कुमार बी फॉर बीवी, बहुत बढ़िया बी फॉर बीवी, तो फिर बहुत शानदार है ना, तब तो फिर अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है फिर। काजल कौशल बी, बहुत बढ़िया राजू कुमार शानदार। चलिएगा अगले वाले क्वेश्चन पे आइएगा, अगला वाला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे पाएंगे, बता दो भैया। आज हमें क्लास बहुत अच्छे से करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे और मज़ा आएगा भैया सेशन को, ये क्लास जो ले लेगा ना भैया, अगर 15 में 15 क्वेश्चंस ना करके आए तो बोल देना मेरे भाई, और बस लास्ट तक बने रहना, रियल में बहुत काम मतलब बहुत अच्छी क्लास होने वाली है आपके लिए। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है 19,995 प्राप्त करने के लिए इतने के योग में से क्या घटाना चाहिए, तो जोड़ो भैया 5, 5, 10 और 9, 19 है ना भैया, 1 कैरी हो जाएगी, फिर 9, 9, 18, 9, 3, 27 और 1, 28, अब 2 कैरी हो जाएगी, फिर 9, 9, 18 और 18, 5 कितना भैया 23, 23, 2, 25 भैया, फिर 2 कैरी हो जाएगी, फिर 9, 5 कितना 14, 14 और 9 कितना भैया 23, 23, 2, 25, तो 25,589 में
19,995 घटा दो मेरे भाई, तो इकाई का अंक देख के काम चलेगा। अगर 9 में 5 गया 4, अब यहाँ पे कितना भैया एक कैरी लेगा तो 9, 9 4 कहाँ मिल रहा है लास्ट में, 9 4 कहीं नहीं मिल रहा है, इसी वाले मिल रहा है, तो पूरा करने की भी आवश्यकता नहीं है भैया। तो बी फॉर बॉम्बे लगा देंगे, बता दो एक बार जल्दी से कि बी फॉर बॉम्बे आएगा कि नहीं आएगा। पूरा करना चाहो तो बिल्कुल करो, क्या 14 बचेगा, 14 में 9 जाएगा तो 5, और ये भी इससे कैरी ली गई थी तो 14 में 9 गया 5, तो भैया 55,94 आएगा मेरे भाई। 55,94 आया तो मेरे भाई यहाँ पे बी फॉर बॉम्बे वाले बिल्कुल सही हैं। तो एक बार जल्दी से बता दो कि सर यहाँ तक क्लियर बिल्कुल समझ आया है, तो इसमें बताओ बहुत इजी है। ये पेपर में आया था भैया, ये पेपर में अभी जो दो दिन एग्जाम हुआ है ना, तो ये क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है। अब बताओ उस दिन मैंने कराया था ना, तो बताओ ये फंसा कि नहीं फंसा, क्वेश्चन मिला ना तो ऐसे मिलेंगे सवाल। देखो भैया बता दो जल्दी से इसका आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी संख्या 55 लाख, भैया 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, भैया 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, कितने शून्य होते हैं, 5 शून्य होते हैं। तो क्या कह रहा है 55 लाख, 55 लाख और क्या कह रहा है 55 लाख और 55,000 है ना भैया, 55 लाख 55,000 555, तो सब भैया ये बन रहा है क्या, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 55 लाख 55,555, तो ए फॉर आगरा वाले बिल्कुल सही है। बताइए आपको समझ आया कि नहीं आया, ये देखो बहुत ज्यादा चला जाएगा, एक आई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये लाख में जा रहा है लेकिन मुझे 55 लाख चाहिए, तो भैया ए फॉर आगरा अपना काम निकल आया। हम आएंगे अपने सवाल में, दुनिया भैया रिजल्ट देखती है, आप पढ़ते पढ़ते मर जाओ कोई नहीं मानने वाला है, ना आपके माँ बाप मानेंगे ना आपका पड़ोसी मानेगा, केवल दुनिया रिजल्ट देखती है। अगर आपने रिजल्ट दिखा दिया कि हाँ मैं मतलब एग्जाम निकाला हूँ और ज्वाइनिंग आ गया मेरा, तो वही सब कोई वही देखता है मेरे भाई, आपको तभी लोग मानेंगे जब रिजल्ट दिखाएंगे, कोई मानने वाला नहीं है। आप पढ़ते पढ़ते मर जाओ अगर सिलेक्शन नहीं हुआ कोई नहीं मानेगा भैया, ये बात आप एक बात रख लेना। अगर धोखे से भी पड़ोसी का हो गया तो जिंदगी नरक हो जाएगी, ये भी ध्यान देना है ना। गलती से अगर बगल वाले का हो गया मेरा नहीं हुआ, ये बात हमेशा माइंड में रखना कि मुझे सिलेक्शन लेना है, बाकी कोई मतलब नहीं है मेरे भाई, है ना। आप ध्यान, बहुत बढ़िया अनुप्रिया, संतोष कुमार, हिमांशी गौतम, जल्दी से इसमें बता दो। क्वेश्चन कह रहा कुसुम अपने मित्रों के साथ शाम को तब खेलने जाती है जब घड़ी की दोनों सुइयां 6 पर होती हैं। घड़ी की दोनों सुइयां भैया 6 पर, एक क्लॉक बना लो, 12, 1, 2, 3, यहाँ पे 4 भैया 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है ना भैया, तो 11। अब ध्यान से समझना, दोनों सुइयां कहां पर होती हैं भैया, दोनों सुइयां 6 पर होती हैं, मिनट वाली भी 6 पर है भैया और घंटे वाली भी 6 पर है, 6 पर होती है तो 6:30 बजाएगा कि नहीं बजाएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा लेकिन 6:30 बजाएगा। तो 24 घंटे वाली घड़ी में क्या पढ़ा जा सकता है, 24 वाली घंटे में 6 बजे 6:30 बजे को क्या 18:30 पढ़ सकते हैं कि नहीं, बोलो जल्दी से कमेंट में भैया, 18:30 पढ़ सकते हैं ना। अगर मैं बोलूं कि भैया 7:40 है तो 24 वाली घंटे वाली सुई में क्या पढ़ोगे इसको, 7:40 को कमेंट मार दो, मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, जल्दी से बता दो 7:40 को क्या पढ़ेंगे भैया। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, है ना। गेरह क्या होता है सर जी, गेरह संख्या होती है और क्या होगा, हाँ राइट, बहुत बढ़िया। 1940 सीमा देवी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, इसको पढ़ेंगे 1940, तो कौन सा भैया, सी फॉर चेन्नई वाले बिल्कुल सही है मेरे भाई, है ना, सी फॉर चेन्नई की ओर चले जाएंगे। अगले वाले सवाल पे आइएगा, इसमें बता दो कुछ नहीं करना है, योग करना है, और दुनिया में योग करना नहीं सीखा तो क्या सीखा मेरे भाई, है ना, बदल जाओ वक्त के साथ, है ना, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, है ना, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, और मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो मेरे भाई, हर हाल में चलना सीखो। अगर मजबूरियों को कोसते रहोगे ना तो मतलब परेशानियां बहुत आती हैं, है ना, परेशानियों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और परेशानियों से निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की कला है मेरे भाई। तो जल्दी से बता दो इसका आंसर कितना निकल के आएगा, 3/15 और प्लस का 7/12 का योग बताना है, तो जल्दी से बताओ एलसीएम कितना आएगा भैया, 15 और 12 का 60 आएगा, 15 चुको 60 तो 4 3 12 प्लस 12 5 60 तो 7 5 35, तो जोड़ो जरा 5 और 2 7 होगा मेरे भाई, 3 और 1 4 47/60 होगा, बता दो सभी का आंसर जवाब होगा मेरे भाई बी, सभी का जवाब क्या होगा बी,
जी, बी फॉर बॉम्बे, बता दो मेरे भाई यहाँ तक सभी का सही है कि नहीं है। नमस्ते सर जी, बहुत बढ़िया, नमस्ते भैया सभी को, है ना। अगले वाले सवाल पे आइएगा, अगला वाला सवाल क्या है जल्दी से बता दो एक बार। हाँ, देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे पाएंगे और कितने लोग इसको नज़रअंदाज करेंगे। भैया इस टाइप के सवाल बहुत पेपर में आते हैं, तो आपको बताना भी है और मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग की परसीमा, परसीमा 20 सेंटीमीटर है मेरे भाई, परसीमा 20 सेंटीमीटर है, इसके एक कोने से एक सेंटीमीटर भुजा का एक छोटा वर्ग काटा जाता है, तो नए आकार की परसीमा में क्या परिवर्तन होगा? बताओ भैया, परसीमा में कोई परिवर्तन होगा? मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक सवाल में स्टार लगा लेना भैया, ये सवाल पक्का एग्जाम में बनेगा और आया हुआ क्वेश्चन है। अभी इससे पहले जो शिफ्ट हुई है, एग्जाम हुए हैं, ये सवाल आया है मेरे भाई, एक बार स्टार जरूर लगा लेना। तो बता दो भैया, बी फॉर बिहार जाएंगे, कितने लोग भैया बी की ओर जा रहे हैं? कह रहा है मेरे भाई, एक वर्ग की परसीमा 20 सेंटीमीटर है, इसके एक कोने से एक सेंटीमीटर वाला एक छोटा वर्ग काट दिया जाता, तो नए आकार की परसीमा में क्या परिवर्तन होगा? तो कोई परिवर्तन होगा, जल्दी से बता दो भैया, कोई परिवर्तन होगा, इक्वल होगा। रवि अवस्थी, बहुत बढ़िया, संजीव, संतोष, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, सब बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। तो उसकी सीमा में क्या होगा भैया? इतु सभी परिवर्तन नहीं होगा। मैं बार बार बताया हूं ना कि उसके परिसीमा, उसके परिमाप में भैया कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो कह रहा नए आकार की परसीमा में 2 सेंटीमीटर कम होगा, नहीं होगा। नए आकार की परसीमा वर्ग की परसीमा से 4 सेंटीमीटर बिल्कुल नहीं होगा। नए आकार की परसीमा वर्ग की परसीमा के बराबर होगा, तो बिल्कुल होगा भैया, सी फॉर चेन्नई जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब है आपका। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसने भी जवाब दिया था बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, इसमें फिर बता दो, है ना भैया, झंडा गाड़ के आएंगे, कैसे गाड़ेंगे वो देखना जरा, बता दो। इसमें कह रहा 5 विद्यार्थी अपनी पेंसिलों की लंबाइयां रेखने की मदद से मापते हैं भैया, अब परिणाम निम्न प्रकार है, परिणाम क्या है? निम्न प्रकार है, तो सभी पेंसिलों को औसत लंबाई निकालनी है, तो औसत कैसे भैया? पदों का योग बटे पदों की संख्या। एक बार वीडियो को इतना शेयर कर दो मेरे भाई, शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है। कह रहा है कि 15.5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 11.8 सेंटीमीटर, सभी का भैया क्या निकालना है? सभी का एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकलेगा? जोड़ो भैया, तो जोड़ोगे कैसे? सबसे पहले तो क्या करो, दशमलव वाले को जोड़ो, तो दशमलव कितना है, जोड़ो 7 और 8, 15, 15, 5, 20, तो 0 लगा के 2 कैरी लिख ली भैया, 2 कैरी लिख ली, हाँ, फिर जोड़ो 7, 7 और 9, 16, 16 और 13 कितना हो जाएगा, 27, 27 और 12 भैया कितना हो जाएगा, 27, 12, 39, 39 और 15 कितना होता है मेरे भाई, 39 और 15 कितना, 44, है ना भैया, 44 की 54, 54, है ना, 39 और 15 कितना हो जाएगा, 54 और 54, 2, 56, कितना निकल के आएगा भैया, 56 निकल के आएगा, 56 निकल के आएगा कि नहीं आएगा मेरे भाई, और 56 को कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से डिवाइड कर दो भैया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 11.2 सेंटीमीटर बैठेगा मेरे भाई। तो बता दो मेरे भाई, बता दो मेरे भाई कि यही आंसर आएगा कि नहीं आएगा, एक बार जल्दी से कमेंट मार दो कि डी फॉर दिल्ली वाले बिल्कुल सही हैं कि नहीं है। बता दो मेरे भाई कि डी फॉर दिल्ली की तरफ जाएंगे, गे फॉर गेरा की तरफ जाएंगे, हैं गेरा नहीं है भैया, यहाँ पे गेरा है, अच्छा बहुत बढ़िया, तो गेरा हो जाएगा, कोई बात नहीं है, कुछ भी हो जाए आंसर आना चाहिए मेरे भाई। तो जोड़ सही है ना, ऐड सही किया था मेरे भाई, 56 ही आ रहा था, एक बार और ऐड कर लो क्या जाता है, 16 और 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 7 और 9, 16, 16 और 13, 27, 27 और 12, 27, 12, 39, 39 मतलब मान लो 40, 40 और 15 कितना हो जाएगा, 55 में एक कम करो कितना, 54, 54 और 2, 56 भैया। अगले वाले सवाल पे आइएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बच्चे हैं आप लोग, है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, और इसी बात की उम्मीद है कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, और मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी भैया, रंग एकदम चोखा होना चाहिए, है ना, बिल्कुल। बता दो फिर इसका आंसर कितना आएगा, सर प्लीज नाम ले लीजिए, हाँ रीमा खातून, स्वागत है आपका भैया, बहुत बढ़िया, बताइए बात समझ आई कि नहीं आई, बता दो मेरे भाई बात समझ आई कि नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 18 वर्ग का एक करेंसी नोट को, मतलब 18 वर्ग का एक करेंसी नोट को पूरा ढक देता है, 18 वर्ग का एक करेंसी नोट है भैया, 18 वर्ग ढक देता है, कह रहा ऐसे 3 नोटों ढकने के लिए कितने वर्गों की आवश्यकता होगी? भैया एक नोट ढकने के लिए कितने, एक नोट ढकने के लिए 18 वर्ग लग रहे हैं,
तो तीन नोट ढकने के लिए मेरे भाई कितने लगेंगे, कितने गुना लिखा है? तो एक का तीन गुना भैया तीन होता है मेरे भाई, तो 18 का तीन गुना कितना होगा? 18 3 54 भैया, कितने वर्ग पड़ेंगे मेरे भाई? तो कितने वर्गों की आवश्यकता होगी बोलो? डी फॉर दिल्ली वाले, बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, बहुत शानदार। हाँ पंडित जी बहुत बढ़िया, प्रियंका साहू, संजीव बहुत शानदार, वेरी नाइस। तो एक बार अपने अपने स्टेटस में लगा के भैया शेयर कराओ और इसमें बता दो फिर कितना आंसर आएगा, और बता दो जल्दी से, जल्दी से बता दो और इसका आंसर कमेंट कर दो। अगर ये सवाल आपने लगाया भैया तो ये समझो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बल्ले बल्ले। जल्दी बता दो मेरे भाई कितना आंसर आएगा इसका। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, मजा आ जाएगा यार क्लास में आज की, है ना, धुआंधार क्लास होगी। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, समझ रहे हो कि नहीं? तो देखो मेरे भाई, कह रहा चतुर्भुज की पहचानिया, मतलब चतुर्भुज को पहचानिए, पहचान जाएंगे। मेरी दो सम्मिति रेखाएं हैं, मतलब मेरी दो सम्मिति रेखाएं हैं, उसकी भैया दो सम्मिति रेखाएं होंगी, तो मेरे सभी कोण 90 डिग्री के हैं। तो किसके भैया? 90 डिग्री के। वर्ग में कितनी सम्मिति रेखाएं होती है? वर्ग में भैया 4 सम्मिति रेखाएं होती है, 1 2 3 4। वर्ग में कितनी होती है? 4 होती है मेरे भाई, है ना। सम चतुर्भुज में भी 2 होती है सम्मिति रेखाएं, लेकिन सम चतुर्भुज में जो एंगल होते हैं वो 90-90 के सब नहीं होते हैं भैया, सभी कोण 90 का होना चाहिए। तो आयत में जाएंगे मेरे भाई, आयत में 2 सम्मिति रेखाएं होती हैं और प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री का होता है। बता दो ये बात परम सत्य है कि नहीं है? बोलो भैया, है सत्य तो बता दो, लगा दो भैया सी फॉर चेन्नई की ओर, और चेन्नई चले जाएंगे मेरे भाई। तो एक बार जल्दी से कमेंट बता दो, रेक्टेंगल, बहुत बढ़िया, सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बहुत शानदार, वेरी नाइस। चलिए अगले वाले क्वेश्चंस पे आइएगा और देखते हैं कितने लोग अगले वाले का जवाब देंगे, और मुझे उम्मीद है कि सब बच्चे बहुत अच्छे से जवाब देंगे। अच्छा सवाल है, अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करके जाओगे ना भैया तो रियल में एग्जाम में फायदा मिलेगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। वादा क्या? जब एग्जाम दे के निकलना तब आप बताना कि सर कैसा एग्जाम गया, मुझे बहुत खुशी होगी, है ना भैया, कि आप एग्जाम दे के आओ। बताओ इसका आंसर कितना होगा, जल्दी बताइए। क्वेश्चन कह रहा है 4 रंग, नीला पीला काला और सफेद, 4 रंग है भैया। कह रहा कमीजे क्रमशः 5, 10, 12 और 15 के पैकेटों में उपलब्ध है, यदि एक दुकानदार, है ना भैया, 5, 10, 12, 15 के पैकेटों में उपलब्ध हैं, कह रहे यदि एक दुकानदार के चारों रंगों की कमीजें समान संख्या में खरीदनी हो भैया, समान, तो उसके द्वारा विभिन्न रंगों में खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी भैया? तो जब भी समान और ये सब आए ना, तो 5, 10, 12 और 15, है ना भैया, 5, 10, 12 और 15, इनका एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई? 5, 10, 12, 15 का एलसीएम कितना होगा बोलो? एलसीएम आएगा मेरे भाई कितना होगा बोलो? एलसीएम आ जाएगा भैया कितना होगा? 60 हो जाएगा। तो अब इसमें डिवाइड कर लो, 60 एलसीएम आया तो 5 से डिवाइड करो, इसके कितने पैकेट बताइए, कितनी संख्या होगी पैकेटों की, है ना भैया, 5 से डिवाइड करो। तो भैया जो ये कौन सा रंग है, ये नीला है, है ना भैया, नीला, और ये वाला दिया है भैया पीला, ये जो 40 है पीला, और एक दिया है काला, और एक दिया भैया सफेद। तो ध्यान से समझना भैया, क्या है, 5 से भाग करो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12, 10 6 60, इसमें 6 बनेंगी, है ना भैया, इसमें ये 10, 12 बनी, इसमें 6 बनी, 12 से भाग दो, 12 5 60, इसमें 5 बनेगी, और 15 4 60, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 12 6 5 4, 12, है ना, 12 6 5 4, सी फॉर चेन्नई वाले बिल्कुल सही हैं। नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे मेरे भाई, बोलेंगे आप यस सर जाएंगे, है ना। तो अगले वाले सवाल में भी बता दो मेरे भाई, इसमें कितने लोग इसका जवाब सही दे पाएंगे, और बता दो मेरे भाई, अपने आप को बता दो कि सर मैं भी बिल्कुल सही जवाब दूंगा, तो बता दो। कह रहा है रेणुका ने तय किया कि वह रस्सी और कील की मदद से मैदान पर एक व्रत बनाएगी, व्रत बनाएगी भैया, एक व्रत बनाएगी रस्सी और कील की मदद से। कह रहा उसने एक पतली रस्सी ली, उसके दोनों सिरों को एक एक कील में बांध दिया भैया, है ना, अपने एक मित्र की मदद से व्रत बनाया भैया, एक मित्र की मदद से क्या बनाया? व्रत बनाया। तो मान लीजिए मतलब एक रस्सी है, यहां से यहां तक बांध दी, अब बताइए ऐसी बंधी है मान लीजिए ये रस्सी, अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये ऐसी रस्सी बांधी तो बताओ ये ऐसे घूमेगी कि नहीं घूमेगी? एक सर्किल बना देगी ना,
मतलब ऐसे घूम के बताओ एक सर्कल बनाएगी कि नहीं बनाएगी, ऐसे व्रत बना देगी तो व्रत बनाएगी, तो कौन सा कथन सही होगा देखना जरा। कह रहा प्रयोग की गई रस्सी की लंबाई उस व्रत की जीवा की लंबाई के बराबर हो। कहां भैया जीवा की लंबाई, ये त्रिज्या का काम कर रही है ना भैया, बोलो। फिर कह रहा है मित्र की मदद से व्रत बनाया, व्रत ऐसे ही बनेगा ना, तो ये बिल्कुल गलत है। फिर क्या बोला, प्रयोग की गई रस्सी की लंबाई उस व्रत के ब्यास की लंबाई के बराबर, ना भैया ना, ये ब्यास के बराबर कहाँ होगी, ये पूरा थोड़ी, ये तो ऐसे रस्सी को ऐसे घुमा देगा ना मेरे भाई, ऐसे है ना। आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे चारा गाय वाले, है ना भैया, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। फिर क्या, अगर प्रयोग की गई रस्सी की लंबाई उस व्रत की त्रिज्या के लंबाई के बराबर होगी, बिल्कुल सही बोला है भैया सीफ और चेन्नई वाले, बिल्कुल सही जवाब है भैया, वेरी नाइस। अगले वाले सवाल पे आइएगा भैया, अगला वाला सवाल बता दो, देखते कितने लोग इसका जवाब दे पाएंगे और कितने नहीं दे पाएंगे। जल्दी से कमेंट मारो मेरे भाई कि इसका आंसर सर इतना आएगा और मैं बिल्कुल सही जवाब दूंगा, जल्दी बताइएगा। कह रहा है कि इतने किलोग्राम चीनी से 3/4 किलोग्राम चीनी के कुल कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, तो भैया ध्यान से समझना, गुणा करा दो, 3 × 3 है ना भैया, 3 × 3 और 3 × 5 = 15, 153 हो गया, 153 में 2 जोड़ दो कितना, 155, 155 बटे भैया 3 किलोग्राम है, और डिवाइड किससे कराना, 3/4 से भैया, करा दो मेरे भाई 3/4 से डिवाइड करा देना। आपने बचपन से पढ़ा होगा भाग को गुणा में चेंज करते हैं तो वैल्यू पलट जाती है, तो क्या हो जाएगा, 155/3 और इसका मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो 4/3 हो जाएगा मेरे भाई, तो 4/3 कुछ कटेगा क्या भैया, बता दो जल्दी से अगर कट रहा हो तो, कुछ गलत तो हुआ नहीं है, बिल्कुल नहीं बात गलत हुई है भैया। तो कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, तो गुणा करा दो भैया, 4 × 5 = 20 है ना, 2 कह रही, 4 × 5 = 20, 2 = 22, 2 × 4 = 4 कितना, 620/9 भैया, 9 से भाग दे दो, 900 भाग दो कैसे में 620 में, तो कितनी बार चला यार, 9 × 6 = 54 कितना बचेगा भैया, 8 बचेगा, 9 × 8 = 72 है ना भैया, 72, तो कितने पैकेट बनेंगे, 8 शेष बचेगा, क्या बच रहा है उससे क्या मतलब, लेकिन कितने भैया बोलो, 68 पैकेट बन रहे हैं, तो बीफ और बॉम्बे चले जाएंगे। एक बार जल्दी से बता दो मेरे भाई कि बीफ और बॉम्बे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। हाँ एक बार शेयर करते रहो यार वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और क्लास को बिल्कुल फैला देना, एकदम कहते हैं ना जब जंग लाजमी हो तो लश्कर नहीं देखे जाते मेरे भाई, है ना, तो आज बहुत शानदार क्लास होगी, तो शानदार को शानदार बनाना भी पड़ेगा ना, जल्दी बता दो। ये भी बहुत अच्छा सवाल है और इसमें भी स्टार लगा लेना भैया, है ना, ये भी स्टार लगा लेना, ये सवाल भैया एक बार अभी दोहराएगा पक्का सवाल आएगा मेरे भाई, मन बोल रहा है कि सवाल आएगा, तो सवाल आएगा तो आएगा कैसे, अब बताओ इसका आंसर कितना होगा, और शेयर कराओ भैया, हाँ और शेयर कराओ, बता दो मेरे भाई जल्दी बता दो, बैटरी बैटरी डाउन नहीं होगी मेरे भाई, जल्दी बताओ इसका आंसर कितना आएगा, बता दो भैया। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बता दो भैया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य, एक एक अभाज्य संख्या है, ना भैया ना, एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्यों, अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है भैया, केवल और केवल 2 फैक्टर होने चाहिए मेरे भाई, केवल और केवल 2 फैक्टर होने चाहिए और दोनों फैक्टर अलग अलग हो मेरे भाई, दोनों फैक्टर अलग अलग हो तो ये नहीं होगी भैया। फिर कह रहे हैं एक एक भाज्य संख्या, ना भैया ना, भाज्य संख्या भी नहीं है, भाज्य संख्या की कंपोजिट नंबर की परिभाषा क्या होती है, कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए मेरे भाई, है ना, तो कहो तो मैं लिखवा दूं, अभाज्य संख्या क्या होती है, लिख लो भैया अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या लिख लो, वे संख्याएं लिख लो भैया, बहुत काम की चीज है, वे संख्याएं जिनके केवल और केवल, जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, जिनके केवल और केवल, केवल और केवल, केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, केवल और केवल, है ना भैया, केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, और दोनों फैक्टर कैसे होते हैं भैया, दोनों फैक्टर अलग अलग होते हैं, तभी तो एक नहीं हो रहा है भैया, दोनों फैक्टर अलग अलग होते हैं, है ना भैया, दोनों फैक्टर अलग अलग होते हैं, दोनों फैक्टर अलग अलग होते हैं, लिख लो भैया अलग अलग होते हैं, है ना, ये तो परिभाषा हो गई, है ना भैया, ये तो परिभाषा हो गई भैया, है ना, तो ध्यान से समझिएगा, मतलब क्वेश्चन क्या है, बात आप ये ध्यान से समझना है कि दोनों फैक्टर कैसे होने चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, तो एक इसलिए नहीं होगा। भाज्य संख्या क्या होती है,
बाह्य संख्याएं होती है मेरे भाई कि वे संख्याएं जिनके कम से कम तीन फैक्टर होते हैं, सबसे छोटी बाह्य संख्या चार होती है। लिख लेना, सवाल आ सकता है, लिख लो भैया। बाह्य संख्या क्या होती है, कम से कम कितने फैक्टर हो भैया, कम से कम तीन फैक्टर हो, कम से कम तीन फैक्टर हो, बहुत अच्छा पॉइंट है, लिख लेना, कम से कम तीन फैक्टर हो तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है भैया, सबसे छोटी भाज्य संख्या चार होती है मेरे भाई। अब इसका जवाब देख लो क्या कह रहा है, एक एक भाज्य और अभाज्य संख्या दोनों ना तो भाज्य ना ही अभाज्य, एक ना तो अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या, तो डी फॉर डेली वाले बिल्कुल सही है। इस जवाब, इस सवाल में मतलब आप क्या करना, स्टार लगा लेना भैया, पक्का सवाल आएगा इस बात के, मन बोल रहा है भैया, है ना, मन बोल रहा है, तो मन भी चंचल है मेरे भाई, अगर रियल में आना होगा तभी तो मन बोल रहा है, तो इसमें स्टार लगा लेना। और आने वाला क्वेश्चन मुझे लग रहा है तो मैंने आपको बता दिया, तो आपको ध्यान देना है, बहुत बढ़िया, इतना सपोर्ट करने के लिए सबको दिल से शुक्रिया, और वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अगले वाले सवाल पे आइएगा, इसमें बता दो जल्दी से कितना, ये देखो ये सवाल आया था भैया इससे पहले वाली शिफ्ट में, अभी जो आपके दो दिन एग्जाम हुआ है ना मेरे भाई, तो अभी आपका क्वेश्चन आया है ना भैया, अपन लोग ट्रिपल सेंचुरी लगा चुके हैं, बहुत बढ़िया, सबको भैया दिल से अभिनंदन है, वंदन है मेरे भाई, है ना, तो ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5:6:7 है, तो सबसे छोटे कोण की माप क्या होगी मेरे भाई, बता दो जल्दी से। तो भैया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है मेरे भाई, बोलो 180 होता है, ये सवाल आया हुआ सवाल है, अभी आया था एग्जाम में, फंसा था, फिर से आने के चांस है, जोड़ो बरा जोड़ो कितना आएगा, 7, 6, 13, 13, 5, 18 बराबर कितना भैया 180, तो 1 बराबर कितना निकलेगा मेरे भाई 10 के, तो 5 बराबर 50 के, तो कौन सा बोला है सबसे छोटे कोण का भैया, तो छोटा कोण यही 50 होगा, तो बी फॉर बॉम्बे वाले बिल्कुल सही है मेरे भाई, तो बी फॉर बॉम्बे की तरफ चले जाएंगे। एक बार जल्दी से बता दो आया है कि नहीं आया है मेरे भाई, बिल्कुल आया है, अगले वाले सवाल में बता दो जल्दी से, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, और देखते हैं कितने लोग इसको कर पाएंगे, और जो सवाल कर देगा चॉकलेट उसके लिए मतलब हम भेजेंगे भैया, है ना, डाक द्वारा भेजेंगे। जल्दी बता दो इसका आंसर कितना आएगा मेरे भाई, जल्दी से बता दो, बहुत बढ़िया, इतना सपोर्ट करने के लिए। हाँ, कोचिंग कहाँ है, कोचिंग कहीं भी होगी, अभी तो यहीं है ना एडी एकेडमी में भैया, अभी तो हमारी कोचिंग यहीं पे है, कोई बात नहीं, बढ़िया, जल्दी बताइए इसका आंसर कितना होगा। विमल अपने जन्मदिन पर कैंडी का एक पैकेट लाया, है ना भैया, जन्मदिन पर कैंडी का एक पैकेट लाया, उसने एक तिहाई जॉन को, भैया ध्यान से देखना बहुत अच्छा सवाल है, एक तिहाई जॉन को मेरे भाई, एक तिहाई जॉन, तो ध्यान से समझना मेरे भाई, एक तिहाई, तो एक तिहाई जॉन लिख दो, सवाल ध्यान से समझना, एक तिहाई जॉन को, एक चौथाई राधा को भैया, एक चौथाई किसको, राधा, है ना, राधा भैया, ठीक है, राधा कृष्ण वाली राधा, है ना, 1/5 सुष्मिता को भैया, 1/5 सुष्मिता है, कोई लड़की है, फिर कह रहा है कि 1/6 मीकू भैया, है ना मीकू, बहुत इजी तरीका बताऊंगा इसका, ध्यान से बस देखना। अब कह रहा है उसके बाद भी उसके पास 6 कैंडियां बची, एक सवाल टॉफी वाला पढ़ा था ना, सेम भैया टॉफी वाला सवाल है, इसका एलसीएम निकालो और आंसर आपके सामने होगा, 6, 5, 4, 3 का एलसीएम जल्दी से बता दो कितना आएगा, 6×5=30, है ना भैया, 6×5=30 और 30×2=60, बताओ 60 एलसीएम आएगा कि नहीं आएगा, एलसीएम निकालने की ट्रिक क्या, आप निकाल लेना, 6×5=30, 1-2 और चाहिए तो 2 ले लिया, तो भैया कितना आएगा, 60 हो जाएगा मेरे भाई, मैंने 60 माना है, तो 1/3 से भाग दो, 1/3 का गुणा कराओगे, 3 से डिवाइड करोगे, तो 20×3=60 भैया, है ना, 20×3=60, 20 हो जाएगा, 4 से भाग दो कितनी भैया राधा को मिलेंगी, 15, और इसको भैया कितना, 12×5=60, इसको मिलेंगी 12, और इसको भैया 10 मिलेंगे मेरे भाई, तो एक बार जल्दी से बताओ टोटल कितनी हो गई, 20 और 15 कितना, 35, 35×10=45, और 45 और 10 कितना हो जाएगा, 45×10=55, 55×2=57, 57 भैया, 57, ध्यान देना 57 भैया हमने केवल बांटी है, बची कितनी है मेरे भाई, 3 बच गई हैं, 3 बची है, तो 3 नहीं बची है, वो कह रहा है 6 कैंडियां बची हैं, वो तो 3 हमने निकाला है ना, रियल में सवाल में कितना आया भैया, 3/6 के, तो कितने गुना लिखा है भैया, 2 गुना, तो हमें कितनी की वैल्यू चाहिए भैया, 60 की वैल्यू चाहिए मेरे भाई, 3/6 के, तो 60, जब इसका 2 गुना लिखा है तो 60×2=120 आएगा भैया, तो बता दो जल्दी से बता दो, बी फॉर बॉम्बे वाले जाएंगे कि नहीं जाएंगे, एक बार जल्दी से बता दीजिए मेरे भाई, बहुत बढ़िया, इतना सपोर्ट करने के लिए सबको दिल से शुक्रिया मेरे भाई, और
मुझे उम्मीद है कि इसी बात का सपोर्ट रहेगा और ये क्वेश्चंस आने वाले हैं मेरे भाई, इसमें भी स्टार लगा लेना। स्टार कैसा हो, ट्रिपल स्टार होना चाहिए भैया, है ना। जब एक बार सोच ही लिया है कि लेके ही जाएंगे तो भैया लेके जाएंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं मेरे भाई, है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बता दो भैया इसका आंसर कितना आएगा, शेयर करते रहो भैया, लोग जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ोगे उतना मज़ा आएगा क्लास में। रियल में जो लास्ट वाले क्वेश्चन है ना, बहुत दमदार होंगे मेरे भाई, एकदम बाज की तरीके एकदम उसमें प्रहार करेंगे। जल्दी बताओ इसका आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन कह रहा, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित सात क्रमागत सम संख्याओं का योग, है ना भैया। इसकी बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा, एक बार शेयर कर दे वीडियो को। रियल में आप आज तक ऐसी ट्रिक नहीं देखी होगी, मतलब बहुत मजा आने वाला है क्लास में। एक बार शेयर तो कर दो इसको, फिर देखो मैं कितना शानदार तरीका बता रहा हूं, रियल में इससे पहले नहीं देखा होगा। देखो मेरे भाई क्या कह रहा, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित सात क्रमागत सम संख्याओं का योग 98 है, है ना भैया। सात क्रमागत सम संख्याओं का योग 98 है, तो इस क्रम की तीसरी संख्या क्या होगी। तो देखना पहले कॉन्सेप्ट समझो, प्यारा सा कॉन्सेप्ट क्या है। सात क्रमागत सम संख्या, जैसे मैंने कोई भी सम संख्या लिखी, 2, 4, 6, 8, 10 मान लीजिए ये संख्या लिखी। अब बता दो मेरे भाई इसका औसत पता है कैसे निकलता है, बीच वाली संख्या ही औसत होती है। कैसे, जब डेटा इस प्रकार दिया गया हो जिनके पदों के बीच का अंतर, भैया देखो अंतर सब में सेम आ रहा है ना, तो हमेशा ठीक बीच वाली संख्या औसत होती है, और ठीक बीच वाली संख्या औसत होती है तो बीच वाली संख्या मिल गई तो काम हो जाएगा अपना। अब देखो निकालें कैसे, पहली संख्या जोड़ दो, लास्ट वाली जोड़ दो, दोनों को जोड़ के मेरे भाई आधा कर दो तो बीच वाली संख्या औसत मिल जाती है। तो 12/2 करेंगे तो कितना आएगा भैया, 6 आ जाएगा मेरे भाई। और 6 आएगा तो भैया ये तो बीच वाली संख्या मिली, लेकिन तरीका क्या है देखो जरा, एक तरीका बताता हूँ। अब जोड़ो जरा, 10 और 8 18 18 6 कितना होगा, 24 24 4 भैया कितना हो जाएगा, 24 और 4 28 और 2 30 30 हो गया। कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 पांच संख्या, 5 से भाग दे दो, 5 6 30 जो 6 आया है ना भैया, ये बीच वाली संख्या आ गई कि नहीं आ गई, औसत आ गया कि नहीं आ गया, बताइए। योग को जितनी संख्या है उससे भाग दे दिया जाता है तो बीच वाली संख्या मिल जाती है। तो योग कितना है मेरे भाई, यहाँ पे 98 है योग, भैया 98 है मेरे भाई योग। जब 98 है और कितनी संख्या है भैया, कितनी संख्या है, 7 संख्या, 7 से भाग दे दो तो 7 एकम 7 7 4 28 तो बीच वाली संख्या 14 मिल गई भैया। बता दो बीच वाली संख्या जब 14 मिल गई तो बीच में 14 होगा सम संख्याओं के बारे में, तो भैया 3 संख्याएं यहाँ होंगी और 3 संख्याएं मेरे भाई यहाँ होंगी। बताइए होंगी कि नहीं होंगी, एक बार जल्दी से बता दो मेरे भाई, होंगी कि नहीं होंगी। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, इतना सपोर्ट करने के लिए भैया सबका दिल से मैं शुक्रिया करता हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत अच्छे बच्चे हैं यार, क्लास भी अच्छी होने वाली है ना, तो क्यों नहीं अच्छे बच्चे होंगे, बढ़िया। 14 के बाद क्या आएगा सम संख्या, बता दो जल्दी, 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद भैया 20 आएगा, और 14 से पहले 12, और 12 से पहले 10, और 10 से पहले 8। तो उसने बोला क्या है, तीसरी मतलब इस क्रम की तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या क्या है मेरे भाई, तीसरी संख्या 12 है, 1 2 3। अगर बोल देता छोटी संख्या बताओ तो 8 हो जाती भैया, छोटी संख्या पूछता है सवालों में तो ये हो जाएगी भैया छोटी संख्या, और बड़ी संख्या पूछता तो ये हो जाती भैया बड़ी संख्या। बताइए बात आपको समझ आई कि नहीं आई। आपको क्या करना है, जितनी संख्याएं हो आप उतनी संख्याओं से भाग दे दो, बीच की संख्या मिल जाएगी, बीच की संख्या मिल जाएगी तो छोटी बड़ी आप निकाल सकते हो। बढ़िया बहुत बढ़िया, अगला वाला सवाल बता दो जल्दी से, कितना लोग इसका जवाब दे पाएंगे, जल्दी बता दो भैया, बहुत बढ़िया सवाल है, बता दो भैया इसको, लगा दो आप, है ना भैया, लगा दो जल्दी से। क्वेश्चन क्या है, कह रहा 25,347 में कितनी सैकड़े हैं, कितने सौ हैं भैया, इसको कैसे लिखोगे, देखो मेरी बात ध्यान से, 25,347 देखो भैया इसको ध्यान से देखना, इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, 253×100 और प्लस का 47, बोलो भैया, एक के 47 है ना भैया, प्लस का 47 लिख सकता हूँ ना। अब इसको आप जोड़ोगे सॉल्व करोगे तो यही चीज बन जाएगी, बोलो बनेगी कि नहीं बनेगी। तो कह रहा कितने सैकड़े हैं भैया, तो सैकड़े कितने हो जाएंगे, 253 सैकड़े हैं मेरे भाई, तो कहाँ लगाओगे, कहाँ लगाओगे, बी लगाएंगे, बी फॉर बॉम्बे लगाएंगे। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस मेरे भाई, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए भैया इसमें बताइए अगले वाले, ये बात समझ आई कि नहीं आई, बोलो आ गई होगी, बहुत बढ़िया। ये सवाल हम कर चुके हैं और सवाल आया भी है एग्जाम में,
इसमें बता दो जल्दी से, देखो क्या बोल रहा है ये, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अब कहोगे सर अब समझ आ गया है। बताओ भैया ये तो पहली खेल रहा है हमसे, है ना, तो हम भी खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी बता दो इसका आंसर, खेलने दो इसको, हम भी खेलने वाले हैं इसके साथ। बताओ भैया जल्दी बताओ, बहुत बढ़िया, और शेयर करो इसको, और शेयर करो, अगर रियल में लग रहा है कि मेहनत कर रहे हैं तो इसको बहुत ज़्यादा शेयर कर दो, जितने लोग हैं लाइव उतने लाइक तो कर दो, तुरंत झन्न से लाइक मारो और शेयर करके आओ, बता दो कि हम भी कुछ कर सकते हैं मेरे भाई, है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। देखो भैया क्या कह रहा है, मैं दो अंकों की एक विषम संख्या हूं, क्या हूं भैया, दो अंकों की एक विषम संख्या हूं भैया, विषम, विषम लगा लेना, विषम, अब ये सम है तो इसको तो हटा देंगे, फिर कह रहा है 24 × 4 से है, देखो भैया तो 24 चौको कितना होता है भैया, 24 चौको 96, 96 से अधिक है भैया, 96 से अधिक है, तो देखो 87 और 88 तो बिल्कुल गलत हो गया, 96 से ज्यादा ही नहीं है, एक तो 97 होगा, एक 99 होगा, फिर क्या बोला, कर इकाई और दहाई के अंक बराबर है मेरे भाई, इकाई और दहाई के अंक कहाँ बराबर है, इसी में बराबर है, तो डीप और डेली वाले बिल्कुल सही है, एक बार बता दो मेरे भाई कि डीप और डेली आएगा कि नहीं आएगा, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भैया बता दो फिर इसमें आंसर कितना आने वाला है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, एक क्वेश्चन स्थानीय मान पेश प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू से भी बनता है, तो इसमें भी बता दो जल्दी से कितना आएगा मेरे भाई, जल्दी बता दो इसमें, तो क्वेश्चन देखना, कह रहा 27 इसमें लिखा हुआ है, 27, 68, 60, 75 में आए 2, 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा भैया, अंतर, तो अंतर कैसे निकालेंगे, देखो कितना अच्छा भैया सवाल है, अगर ऐसे हलवा सवाल आ जाए तो मजा आ जाए मेरे भाई, है ना, तो यहाँ पे 7 के स्थानीय मान कितना होगा, यहाँ पे 70 होगा और यहाँ पे कितना होगा, 7 कितने अंक, 1, 2, 3, 4, तो 4 0 चिपका दो भैया, अब घटाना किसको है, 70 को इसी में घटा दो, तो कितना आएगा यहाँ पे 0, यहाँ पे भैया 10 में 7 जाएगा तो 3 यहाँ पे बचेगा, 9, 9, 6, 9, 6, 9, 9, 3, 0, 6, 9, 9, 3, 0, कहाँ है भैया, 6, 9, 9, 3, 0, पता है आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं मेरे भाई, है ना, अपने पास अगर टाइम कम हो, बहुत बढ़िया, सेशन को शेयर करो, आज मतलब जानदार क्लास बनानी है, लगे कि हाँ मतलब शेर पाला है ना भैया, शेर और शेरनी पाली है, बता दो भैया जल्दी से, फिर अगले वाले सवाल में क्या है मेरे भाई, अगले वाले सवाल में क्या है जल्दी से बताना है भैया, इसका आंसर दे दो, और लास्ट वाले जो क्वेश्चन होंगे ना भैया उसको नहीं छोड़ना है, वही एग्जाम ओरिएंटेड हो गए, मैं लास्ट में जो क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको भी लगेगा कि ये क्वेश्चन रियल में सर एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चंस है और बहुत फायदा होगा, उतना ही अगर कर लोगे ना तो 15 में 15 करके आओगे, ये मेरा वादा है आपसे भैया, जोड़ो जोड़ो, जितना ज्यादा जोड़ोगे उतना फायदा, जल्दी बताओ इसमें क्या कह रहा, भिन्न इतने और इतने का गुणनफल, कितना इजी सवाल है, थोड़ी देर के लिए भूल जाना कि यहाँ दशमलव लगा है, दशमलव बिल्कुल भूल जाओ, ये क्या लिखा है 13 × 7, तो 13 सत्य कितना होता है भैया, 13 सत्य 91 होता है, कितने अंक के बाद दशमलव है, दशमलव के बाद अंक देख, 1, 2, 3 और 4, 5, तो तुम भी लगा दो 1, 2, 3, 4, 5, तो भैया कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, यहाँ मिल रहा है क्या, देखो 1, 2, 3, 4, 5, तो भैया ए फॉर आगरा वाले बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है आपका, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, दीप सिखा यादव शानदार, मैं अभी किसी के नाम नहीं ले पा रहा हूँ लेकिन कोई बात नहीं है, हमें सवाल देख के डरना नहीं है, सवाल कितना भी बड़ा आ जाए रियल में हमें अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है ना भैया, कैसे कह दूं हार गया मैं, बताओ भैया कैसे कह दें हार गए, हमारे माँ बाप ने सपना देखा है ना तो उसे भी तो पूरा करना है भैया, है ना, तो हारना नहीं है मेरे भाई, अंत तक लड़ना है, और लड़ेंगे कैसे, जब अच्छे से प्रयास करेंगे मेरे भाई, तो बता दो इसको आंसर कितना आएगा, जल्दी बता दो, बता दो भैया, इसको और छोटा कर दे रहा हूं मैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप अपनी ब्राइटनेस बढ़ा लेना, और क्वेश्चन का आंसर हमें देखना है ना भैया, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना, जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना आएगा, कोई बात नहीं, ये सवाल मैनेज करेंगे, अगर सवाल आएगा तो उसको भी करना आना चाहिए ना, तो डरना नहीं है, डरना मना है, देखो भैया कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका में दिए गए आंकड़ों को पढ़िए और सही कथन पर जवाब दीजिए, बच्चों का पसंदीदा पेय बच्चों की संख्या है ना भैया, इसको जोड़ो एक बार, जोड़ो भैया 5, 5, 10 तो 0, 1 कैरी हो जाएगी, फिर जोड़ो 3, 2, 5, 5, 3, 8, 1, 9 और 1, 10, टोटल 100 बन गया, फिर आगे सवाल पढ़ो जरा, आगे सवाल पढ़िएगा, आगे क्या कह रहे हैं, नींबू का पानी, नींबू पानी पसंद करने वाले बच्चे
की संख्या, कुल बच्चों की संख्या का 1/5। नींबू पानी कहाँ है भैया? नींबू पानी 10 है, 100 का 1/5 भैया 10 होता है क्या? 100 का 1/5 10 थोड़ी निकल के आ जाएगा भैया, 5 × 10 = 20 होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है भैया। कह रहा कॉफी पसंद करने वाले बच्चे, कॉफी पसंद करने वाले कितने? 25 है। संख्या कुल बच्चों की संख्या का 1/4, कुल बच्चों की संख्या का भैया कितना है? कुल बच्चों की संख्या का 1/4 है। तो 100 का 1/4 निकालो जरा, 100 का 1/4 4 × 25, ये बात बिल्कुल सही लग रही है। बोलो भैया, कॉफी बेचने वाले कुल बच्चों की संख्या का 1/4, तो बीफ और बॉम्बे की तरफ चले जाएंगे। एक बार कमेंट कर दो मेरे भाई और वीडियो को शेयर कर दो। आज मतलब क्लास को बहुत शानदार क्लास बनाना है मेरे भाई, बता दो बीफ और बॉम्बे आएगा कि नहीं आएगा। हाँ मेरे भाई 400 पार करो, अभी आपका टारगेट है 400 पार करना है, और बहुत अच्छा क्लास, मतलब बहुत अच्छा क्लास होगा। तो बीफ और बॉम्बे जाएंगे, एक बार चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो। कह रहे चाय पसंद करने वाले बच्चों की संख्या, चाय पसंद करने वाले बच्चों की संख्या मेरे भाई कितनी? 35 है। दूध पसंद करने वालों बच्चों की संख्या से कम है, तो दूध पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से कहां कम है भैया? ज्यादा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है? कॉफी पसंद करने वालों बच्चों की संख्या दूध पसंद करने वालों बच्चों की संख्या से अधिक है भैया। कॉफी पसंद करने वालों बच्चों की संख्या दूध पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से अधिक है, तो ये भी भैया असत्य है। तो बीफ और बॉम्बे की तरफ चले जाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन में भैया, जल्दी बताइएगा, देखते हैं कितने लोग इसका बता पाएंगे और बिल्कुल सही जवाब देंगे। ये भी इस टाइप का सवाल बन रहा है, एक सवाल इसमें भी स्टार लगा लेना, ऐसे सवाल आ सकते हैं। जब एग्जाम आएगा ना तब मैं बताऊंगा कि मैंने ये सवाल दिया था भैया और आपने बताया था भैया। दिख नहीं रहा सर, दिख रहा होगा? हाँ शिफ्ट करा दीजिए, बिल्कुल सारा शिफ्ट कराएंगे। मैं आपकी मेहनत, मतलब आपके लिए मेहनत करने को तैयार हूँ। तो आपको केवल एक ही काम करना है, शेयर कर दो। शेयर जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना फायदा मिलेगा। बहुत बढ़िया। क्या है क्वेश्चन? क्या कह रहा है? 2 बजे भैया, 2 बजे घड़ी की सुइयां द्वारा बनाए जाने वाले कोण की माप क्या होगी? तो ध्यान से समझना, पहले तो बेसिक फंडा समझो। बेसिक फंडा क्या है मेरे भाई? इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? 11/2 मिनट माइनस का 30 आवर। बोलो ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो 2 बजे भैया ध्यान से समझना, मिनट तो कुछ है नहीं है, तो 11/2 मिनट कितना लगा दो? 0 माइनस का 30 और घंटे कितने हैं भैया? 2। तो ये तो सबको 0 कर देगा मेरे भाई, और ये कितना? 30 × 60 है ना अंतर भैया, तो 60 डिग्री। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा? यहां से 60 निकला। एक तरीका और है, बताओ 2 बजे भैया, तो 2 बजे यहां पे 12, यहां पे 1, यहां पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 बनेगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11। अब एक बात मुझे ये बता दो, 2 बजेगा तो कैसे बजेगा भैया? जो घंटे वाली सुई होगी यहाँ होगी, मिनट वाली यहाँ होगी, तो बताओ कितने घंटे? 1, 2 ही घंटे तो बनते हैं 2 बजे तक, 2 घंटे। अब बताओ कोई भी चीज दुनिया में गोल होगी कितने डिग्री बनाएगा? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया है ना। दुनिया में कोई भी चीज गोल होगी 360 डिग्री बनाएगा, और 360 डिग्री घूमने में मेरे भाई कितने घंटे लगते हैं? तो 12 घंटे में 360 डिग्री घूमेगा, तो बता दो 1 घंटे में कितना घूमेगा? तो 12 × 36 भैया, तो 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 2 घंटे में, 2 घंटे का निकालना है, तो 2 का गुणा करा दो मेरे भाई, तो 60 डिग्री। बता दो आंसर सी आएगा कि नहीं आएगा, एक बार ठोक के कह दो कि सी ऑप्शन आएगा मेरे भाई, बता दो भैया। गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सभी का दिल से वेलकम है। और जो नए बच्चे हैं ना, तो आज रियल में बता दे रहा हूँ, आज की जो क्लास होगी आपके मतलब क्लास कामयाब होगी, और रिजल्ट में आपको अगर ना फायदा दिलाए तो बात कहना, जब एग्जाम दे के आओगे ना भैया। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस, क्वेश्चन क्लियर दिख रहा होगा। एक बार आप थोड़ा सा सेटिंग को बढ़ा लो अपनी, है ना, मतलब थोड़ा सेटिंग बढ़ा लीजिए, मजा आएगा। अगले वाले क्वेश्चन में बता दो जल्दी से कितना आएगा मेरे भाई, जल्दी बताओ। ये वाला सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो कैलकुलेशन से नहीं डरना है, मैं एक बात बता दे रहा हूँ, कैलकुलेशन से डरना मना है, और शेयर करो इसको, और शेयर करो, है ना भैया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कोई बात नहीं। हरियाणा से हैं सर, न्यू हैं, बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका। जो भी बच्चे हरियाणा से हैं या जहाँ से भी हैं, सभी का दिल से वेलकम है, दिल से आभार है। बता दो भैया इसका आंसर कितना है? कह रहा है बिनसी सजावट की वस्तुओं पर न्यूनतम राशि खर्च करना चाहती है, कम से कम राशि खर्च करना चाहती है ना भैया, तो कोई दिक्कत नहीं है, करने दो, बहुत इजी सवाल है, बस गुणा करना है, तो गुणा से नहीं डरना है। कह रहा कौन सा विकल्प चुने जिससे उसकी न्यूनतम राशि खर्च हो? तो भैया ध्यान देना,
कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु की जो दर है 18 रुपए, 18.5 रुपए 16 दर्जन। तो पहला ऑप्शन क्या है देखना भैया, पहला है समझना भैया, इसमें देखो 18 को क्या लिख सकते हो, 18.5 को लिख सकते हो ना 37/2, बताओ लिख सकते हो कि नहीं, 37/2 और 16 दर्जन में, एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती है, तो गुणे 12 करा दो, लगाओ भैया 2 8 16, तो 12 8 कितना हो जाएगा 96, तो 37 गुणे 96। अब देखो एक फंडा बताता हूँ गुणा मल्टीप्लाई का, अभी तक जिस बच्चों ने नहीं देखा होगा ना तो गुणा देखेगा कैसे, मैं देखो दो अंक का डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे भैया, बहुत इजी फंडा है, इसका इसके साथ गुणा करा दो। पहली स्टेप क्या है, राइट राइट में वैल्यू का गुणा। सेकेंड स्टेप क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, जो कैरी आए लिख देना भैया, बहुत शानदार है। और फिर तीसरा क्या है मेरे भाई, लेफ्ट लेफ्ट में मल्टीप्लाई, आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, देखना जरा। मैंने बताया है इससे पहले 6 7 42, 42 में 2 4 कैरी हो जाएगी भैया, है ना, और 7 9 63 और 36 18 भैया, 7 9 63 और 36 18 कितना हो जाएगा, 8 3 11 और 6 7 और 8 81 81 4 85 भैया, 8 कैरी हो जाएगी, फिर 9 3 27 27 8 कितना 35, बोलो तो 3552 निकल के आएगा मेरे भाई, बहुत बढ़िया वेलकम है। तो कितना निकलेगा बोलो भैया, 3552 निकलेगा। तो यहां से फाइनली कितना निकल गया है, कॉन्सेप्ट क्या है आप ध्यान रखिए, जब भी दो नंबर का मल्टीप्लाई कराना हो तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर क्या कराएंगे लेफ्ट लेफ्ट में मल्टीप्लाई। तो पहले वाले का कितना निकला, 3552 निकल के आया भैया, इसका 3552 तो आप यहां पे कॉपी कर लो मेरे भाई, इसका कितना निकला 3552 निकल के आया। फिर सेकंड वाले का क्या कह रहा है, 21.5 का मतलब कितना हो जाएगा 43 भाई, बोलो 43/2 निकालेंगे, और कह रहा है प्रत्येक पैकेट की दर कितना है मेरे भाई 170 है, तो 170 का आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करा दो और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो, 2 8 16 2 5 10, तो 85 निकल गया है। आप क्या करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो मेरे भाई, तो 43 का मल्टीप्लाई किसके साथ कराओगे, 43 का मल्टीप्लाई कराना है किसके साथ, 85 के साथ, तो 5 3 15 भैया 1 कैरी हो जाएगी, 8 3 24 और 5 4 20 कितना निकल गया आएगा भैया 44 और 1 45 भैया, है ना, 4 कैरी हो जाएगी, और 8 4 32 और 4 कितना भैया 36 55 निकल के आया। तो इसको दे दो भैया 36 और 55, मल्टीप्लाई से नहीं डरना है ना भैया। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ जरा, क्या कह रहा है, 25 रुपए प्रत्येक वस्तु की दर से 12 दर्जन, 12 दर्जन का मतलब कितना हो जाएगा, एक दर्जन में 12 वस्तु, तो 12 गुणे 12 मेरे भाई कितना निकल के आएगा 144, और 144 का मल्टीप्लाई कितना भैया, प्रत्येक वस्तु की कीमत है 25 रुपए मेरे भाई, तो मल्टीप्लाई कराइएगा, तो 25 100 कितना निकल के आएगा 10, बोलो भैया कितना निकल के आएगा 10, बहुत बढ़िया, कितना निकल के आएगा 10 निकल के आएगा, फिर 25 100 और 10 कितना 110 हो जाएगा भैया, तो 1 कैरी हो जाएगी, है ना भैया, कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 100 10 कैरी, 25 100 110, तो 0, फिर 11 कैरी हो जाएगी, 11 लिख लेना, 25 से कम 25 और 11 कितना 36, तो यहाँ पे कितना निकल के आया भैया 3600 निकल के आया, 3600 निकला। और तीसरे वाले को जरा एक नजर मार लो क्या कह रहा है, 16.5 का मतलब कितना हो जाएगा, 16 2 32 और 1 33/2 और कितना भैया 220 पैकेट है मेरे भाई, तो गुणा करा दो, 2 से डिवाइड करोगे कितना 110 आएगा, तो 0 और 11 3 33 और 11 3 33 और 3 कितना भैया 3603, तो सबसे कम कहाँ निकल गया है मेरे भाई, ये देखो सब 36 36 को सीरीज है ना मेरे भाई, तो एक और आगरा की तरफ चले जाएंगे, बताइए बात आपको समझ आई कि नहीं आई, एक बार कमेंट मार दो कि यहाँ तक सभी को समझ आ गया, बताइए है ना, यहाँ तक सभी को समझ आया, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए आइए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है बता दो जल्दी से, हाँ इसमें बताओ आंसर कितना निकल के आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ध्यान से समझना, कह रहा है विभिन्न सप्ताहों में एक पौधे की लंबाई में परिवर्तन को तालिका में दिखाया गया है। अब तालिका क्या है वो समझना है आपको, सप्ताह 1 और 2, अब कह रहा है कि अंतर बताना भैया, है ना, लंबाई में सबसे अधिक परिवर्तन, तो परिवर्तन कैसे निकलेगा, सप्ताह 1 और 2 का निकालो, सबसे पहले भैया सप्ताह 1 और 2 का निकालो, कितना अंतर आएगा, इनका इनका अंतर निकालोगे ना भैया 2.7 में 0.5 घटाओगे तो 2.2 निकल के आएगा, है ना भैया, कितना निकल के आएगा 2.2 निकल के आएगा, ये तो सप्ताह 1 और 2 का हो गया, है ना भैया 1.2 का हो गया, सवाल नहीं दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, और छोटा बड़ा कर लेते हैं भैया, चलो देखो जरा, अब दिख रहा होगा मेरे भाई, है ना, चलो देखिएगा क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन आपके सामने यही है कि कह रहा है कौन से सप्ताह में सबसे अधिक परिवर्तन हुआ है, तो इनका इनका अंतर निकालो सबसे पहले। तो एक और दो की बात करें सप्ताह की, तो अंतर कितना निकल गया आएगा भैया, इसमें निकालोगे तो 2.2 निकल गया आएगा। फिर सप्ताह किसकी बात करो, सप्ताह दो और तीन की बात कर लो, दो और तीन की, तो इनका अंतर कितना होगा, आठ में सात गया भैया, आठ में सात गया तो कितना बचेगा, एक बचेगा, और पांच में दो घटाओगे तो 3.1 आ जाएगा। अच्छा अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है सप्ताह भैया, तीन और चार की बात कर लो जरा, तीन और चार कहाँ है, ये दिया हुआ है, इनका इनका डिफरेंस निकालो मेरे भाई, छह से आठ नहीं घटेगा, कैरी लेगा, सोलह में आठ गया तो आठ बचेगा, है ना भैया, कितना बचेगा, आठ बचेगा, और यहाँ पे कितना आएगा, सात बचा, सात में पांच जाएगा तो 2.8 निकल गया आया। फिर आगे वाले फंडे में आइए, आगे क्या करा, 4 to 5 दिया हुआ है मेरे भाई, 4 to 5 में क्या करोगे, इसमें इसको निकालो, कैरी लेगा, 15 में छह गया भैया 9, और यहाँ कितना 10, तो 2.9। इसमें बताना क्या था, सबसे अधिक परिवर्तन, तो सबसे अधिक परिवर्तन 3.1 मेरे भाई, तो सप्ताह दो और तीन में निकल के आया है, कुछ नहीं करना था, अंतर निकालना था भैया। तो फाइनली आंसर कितना हो, सप्ताह दो और तीन निकल के आएगा, तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बी फॉर बॉम्बे वाले बिल्कुल सही है। बताइए बात आपको समझ आई कि नहीं आई, एक बार जल्दी से कमेंट कर दो सर कि यहां तक सभी को क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, एकदम जानदार क्लास होगी आज की, एग्जाम ओरिएंटेड कहते हैं ना भैया, एग्जाम में यही काम करके आएगा पूरा। तो अगला वाला सवाल आपको खुद करके बता देना है मेरे भाई, है कि नहीं, अगले वाले क्वेश्चंस को आपको खुद से करना है, और बता दीजिए जल्दी से अगला वाला क्वेश्चंस का आंसर कितना आएगा, बताओ भैया, बहुत अच्छा सवाल है, एकदम मजेदार क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर कितना होने वाला है। हाँ बहुत बढ़िया, संधान रेडियो.com अपने साथ सर भी जुड़े हुए हैं, वेलकम है आपका सर, बताइए फिर से प्लीज। अच्छा कुछ भी, चलो एक बार देख लो, जिसको भी डाउट लग रहा है कुछ नहीं करना है मेरे भाई, इसमें अंतर निकालना है सिर्फ। देखो कह रहा है कि सबसे अधिक परिवर्तन किस में हुआ है, तो परिवर्तन कुछ नहीं, इसमें इसको घटाया है, इसमें इसको अंतर निकाला है, अंतर निकालने के बाद इन दोनों का जो वैल्यू आया है ना भैया, वो सबसे अधिक परिवर्तन कहाँ हो रहा है, सबसे अधिक परिवर्तन यहाँ अंतर निकालना है, कुछ नहीं करना है। देखो इसमें इसको माइनस करो, सात में पांच गया दो आएगा, है ना भैया, दशमलव दो में जीरो गया दो आया, है ना भैया, फिर इसमें इसका अंतर निकालो, आठ में सात गया एक आया, दशमलव लगाओ, पांच में दो घटाया तीन आया, इसमें इसका अंतर निकालो, इससे छह से आठ नहीं जाएगा ना मेरे भाई, तो सोलह में आठ गया तो आठ आया, दशमलव लगाओ, सात में पांच गया दो आया भैया, यहाँ पे अंतर निकालो, पंद्रह में छह जाएगा नौ, दशमलव लगा दो दस दो, तो सबसे ज्यादा यही निकला है ना भैया दो तीन में। बताइए बात आपको पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, एक बार कमेंट कर दो मेरे भाई कि सर यहां तक क्लियर है, सर मैं आपका क्लास देख नहीं, कुछ काम है इस वजह से कमेंट, कोई बात नहीं है, निक्की कुमारी वेलकम है आपका भी, जितने भी प्यारे साथी अपने साथ जुड़े हुए हैं सभी का दिल से वेलकम है। और आज की जो आगे वाले क्वेश्चंस, जो लास्ट वाले क्वेश्चंस कराऊंगा ना, रियल में एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, एग्जाम में फंसने की मतलब गारंटी है आपकी, बस करके चले जाना, एक बार वीडियो जरूर देख लेना भाई, और जब एग्जाम हॉल से निकलोगे तो यही कहोगे भाई वाह मैंने क्वेश्चन नजरों के सामने से निकाला हुआ है। जल्दी बताओ इसका आंसर कितना आएगा, बहुत इजी सवाल है। कह रहा है मीता और बंटी अलग अलग आकृतियों के फलक भैया गिन रहे थे, है ना, घन भी दिया है मेरे भाई, घन, ठीक है ना, घन, जो घन देखा होगा ना, घन ऐसा शेप होता है, घन का होता है कि नहीं होता भैया, कितने फलक होते हैं घन में, घन में भैया छह फलक होते हैं, लूडो देखा है ना आपने, लूडो है ना, लूडो खेलते हो, कितने फलक होते हैं भैया घन में, छह, है कि नहीं। फिर क्या बोला, बेलन भैया सिलेंडर की कैसी आकृति होती है, सिलेंडर ऐसी होती है ना भैया, इसमें कितने फलक होते हैं, एक ये हो जाएगा, एक ये होगा, एक ये, टोटल कितने फलक होते हैं मेरे भाई सिलेंडर में, तीन फलक होते हैं, बोलिए बात समझ आई कि नहीं। घनाभ में कितने होते हैं, जैसा घन होता है घनाभ क्या होता है, घनाभ थोड़ा सा ऐसे इसकी आकृति होती है, तो कितने भैया पृष्ठ होते हैं, इसमें भी छह होते हैं, और किसकी बात कर रहा है, गोले में कितने फलक होते हैं, गोले में एक फलक होता है मेरे भाई, तो गोले में एक फलक, तो 6361 कहां मिल रहा है, 6361 भैया डी फॉर डेली वाले बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो एक बार जल्दी से बता दो मेरे भाई कि डी फॉर डेली वाले हैं कि नहीं है, हाँ डी फॉर डाकू बिल्कुल हो जाएगा, हाँ आपकी मतलब आल वीडियो देखी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप इतना एहसान कर रहे हैं भैया, है ना, क्लास देखकर बहुत बढ़िया, जितने भी लोग जुड़े हैं सबका दिल से वेलकम है,
हाँ तो अगले वाले सवाल में बता दो जल्दी से, ये भी इजी सवाल है, बता दो जल्दी से इसको क्या करोगे, डिवाइड करो। देखना भैया, कह रहा इससे कम और इससे अधिक की बात की है ना भैया, इससे कम और इससे अधिक, तो कैसे करोगे इसको, दशमलव डिवाइड करा लो, एक जीरो दे दो इसको, है ना, एक जीरो दे दो। अब दशमलव को भाग दो भैया, कितनी बार चला जाएगा, 8 8 64 भैया, 6 बचेगा, फिर 8 7 56, 0.87 से कम होना चाहिए, फिर यहाँ एक जीरो दे दो, दशमलव 3 3 9, 3 3 9, ऐसी वैल्यू निकालना है मेरे भाई कि 0.87 से कम हो और 0.33 से ज्यादा हो, है ना, लिखा है ना, इससे अधिक हो और इससे कम हो। तो एक जीरो बढ़ा लो, भाग दो 10 9 90, तो 0.90 आ गया, इससे कम होनी चाहिए ना भैया, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। फिर क्या बोला, 3 है भैया, 11 से भाग दोगे, एक जीरो बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा भैया, 11 दूनी 22, है ना, तो ये तो इससे भी कम हो गया, अधिक होना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा भैया, होगा कि नहीं होगा। हाँ इसमें एक जीरो बढ़ाओ, इसमें एक जीरो बढ़ाओ, 24 24 में भाग दो भैया, किस में, 170 में, कितनी बार चला जाएगा बताओ, जल्दी बता दो भैया, 7 बार चला जाएगा क्या, देखो 27 28 और 2 और 7 दूनी 14, 2 कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 2 16, कितना बचा भैया, कितना बचेगा यहाँ पे, 2 बचेगा, है ना, तो 0.7 करके आएगा, तो ये इससे कम हो सकता है मेरे भाई, है ना, 0.7 कम, इससे कम हो सकता है। चलो ये वाला तो मुझे लग रहा है कि यही वाला ऑप्शन 0.7 करके आएगा। अब आगे इसमें देखो जरा, डी वाले ऑप्शन 29 से भाग दो मेरे भाई, 260 में, तो कितनी बार चला जाएगा, 9 9 81, 8 आएगा, 9 2 18 और 8 कितना भैया, 26, तो इसका मतलब 8 बार चला जाएगा, 8 बार जाएगा भैया, 8 बार 2 8 9 72, 7 कैरी हो जाएगी, 8 2 16 और 7 कितना होगा, 23 हो जाएगा, तो कहाँ निकलेगा भैया, 8 और 2 कितना, 28 आएगा, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, है ना भैया, फिर कितनी बार चला जाएगा, मुझे लग रहा 9 बार चला जाएगा, है ना भैया, 9 बार चला जाएगा, तो 9 9 81 8 और कितना हो जाएगा, 9 2 18 और 8 कितना, 26। अब आए एक चीज दिमाग में रखिएगा, ये 0.89 आया, तो ये तो इससे ज्यादा हो गया ना भैया, तो कम निकालना है, तो 0.70 इससे, यही सी फॉर चेन्नई वाले, बिल्कुल सही। एक बार जल्दी से बता दो भैया, सी फॉर चेन्नई आएगा कि नहीं आएगा, बहुत शानदार, वेरी नाइस, है ना भैया, चेन्नई वाले बिल्कुल सही है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे आइएगा, इसमें बता दो जल्दी से कितना वाला आएगा, कितना आएगा, इसकी शानदार ट्रिक बताऊंगा। एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो भैया, क्या कर दो, शेयर कर दो, और बहुत अच्छी इसकी ट्रिक बताने वाला हूँ, मतलब आपको जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये बात आप ध्यान से समझिएगा, मुश्किल से आप इस सवाल को 5 सेकेंड में निकाल पाओगे। अब बताइए, 5 सेकेंड में अगर सीखना है तो एक बार वीडियो को शेयर कर दो और 400 पार कर दो मेरे भाई, कुछ ज़्यादा दूर नहीं, 10 बच्चे, एक एक लोगों को शेयर कर दो मेरे भाई, 400 क्रॉस हो जाएगा। जल्दी बता दो इसका आंसर कितना आएगा, कमेंट कर दो, देखो कितनी अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ मैं। आप ये समझिएगा, 5 मित्रों का औसत लंबाई कितनी है भैया, 150 सेंटीमीटर, कितनी है, 150 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है इनमें से 4 मित्रों की लंबाइयां, 4 मित्रों की लंबाई, देखिए जो टोटल औसत है वो कितना है मेरे भाई, 150, 150 को लेवल मान लो, क्या मानोगे भैया, 150 वाले को मैंने माना क्या, लेवल, ध्यान से समझना, 150 वाले को मैंने भैया लेवल माना। अब बता देना लेवल से पहली वाली जो लंबाई कितनी ज्यादा है, 3 ज्यादा है, इसको मैंने निकाल लिया, समझना मेरी बात को, ये लेवल के बराबर है तो कुछ नहीं किया, ये लेवल से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा, इसको भी निकाला भैया, ये लेवल से कितना कम है, ये 3 कम है ना, तो माइनस का 3 रख दिया। अब बताओ माइनस के 3 में प्लस का 3, तो फाइनली ये कट गया, तो प्लस का 1 बचा भैया, प्लस का 1, मैंने लेवल कितना माना था, लेवल माना था 150, तो 1 में कितना जोड़ूं कि 150 हो जाए मेरे भाई, तो 1 में कितना ऐड कर दे कि 150 हो जाए, तो जल्दी से बता दो मेरे भाई कि 1 में कितना ऐड करेंगे, तो 149 मेरे भाई, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, तो बी फॉर बॉम्बे वाले बिल्कुल सही है। एक बार जल्दी से कमेंट मार दो मेरे भाई कि बी फॉर बॉम्बे सही होगा कि नहीं होगा। बहुत बढ़िया विकास डिजिटल, शानदार, वेरी नाइस, बहुत 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 वेलकम है आप सभी का, बहुत सारे बच्चे अपने साथ जुड़े हुए हैं। कहते हैं ना, लश्कर कितने भी क्यों ना हो, लश्कर कितने भी क्यों ना हो, हम घुटने नहीं टेकेंगे, क्या भाई, लश्कर कितने भी क्यों ना हो, हम घुटने नहीं टेकेंगे, क्योंकि हमारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है मेरे भाई, हमारी रगों में क्या, खून नहीं जुनून दौड़ता है। अगर जुनून दौड़ता है तो एक बार जुड़ जाओ मेरे भाई, रियल में बहुत शानदार क्लास होगी, मजा आएगा आपको इस क्लास से करके, और जब आप एग्जाम हॉल से निकलोगे तो यही कहोगे कि भाई ये तो
क्वेश्चन मेरी नजर के सामने से गया था। इस क्लास को देखने के बाद आप 15 में 15 क्वेश्चंस जब ना करके आओ तो इस बात की गारंटी है। बहुत बढ़िया, इतना सपोर्ट करने के लिए मेरे भाई सभी लोगों का दिल से शुक्रिया करता हूँ। और वेरी नाइस, क्लास आपका बहुत अच्छा जाएगा आज का, और मज़ा भी आएगा भैया क्लास को देख के, दमदार क्लास होगा, तो आपको भी लगेगा कि हाँ कुछ सीखने को मिला है मेरे भाई। जल्दी बताओ इसमें कितना आएगा, बहुत अच्छा सवाल है, जल्दी बताइएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, कह रहा है टीम ए पहली पारी में 368 रन है ना भैया, पहली पारी में 368 और दूसरी पारी में 458 रन बनाए भैया। टीम ए है, दो टीम है इसमें लग रहा है, एक टीम ए है और एक टीम बी है भैया, है ना, तो दो सेक्शन में है, ध्यान से समझना, एक टीम ए हो गई और एक टीम बी हो गई मेरे भाई। तो कह रहा है कि पहली भैया 398, तो पहली पारी में 368 रन बनाए, तो कोई बात नहीं है बना लेने दो। फिर कह रहा है दूसरी पारी में 458 रन बना दिए भैया, 458 रन बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। टीम बी ने पहली पारी में, अब टीम बी की पहली पारी कितने है भैया, 395 और दूसरी पारी में 439, कोई बात नहीं। तो कह रहा है कि किस टीम मैच जीता भैया, किस टीम ने मैच जीता, तो अभी देखते हैं कौन सी टीम जीतने वाली है। तो जोड़ो भैया, 8-8-16 वन कैरी हो जाएगी, 8-8-16 वन कैरी हो गई, जल्दी बता दो यहाँ पे कितना बचने वाला है। यहाँ पे 6 और 5 11 और 1 12 कैरी थी, और यहाँ पे कितना, 4 3 7 1 8, 826 हो गया। यहाँ पे जोड़ो जरा, यहाँ पे कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ पे 9 5 14 वन कैरी हो जाएगी, 9 3 12 और 1 13 वन कैरी हो गई भैया, और 4 3 7 और 1 8 834। अब बता दो भैया कौन सी टीम जीतेगी भैया, टीम ए की टीम बी। अब बताओ यहाँ से ये कितना ज्यादा है मेरे भाई, तो 34 से 26 कितना ज्यादा है, 30 बनाने के लिए 4 चाहिए और 34 से 8, तो 8 रन ज्यादा है कि नहीं है भैया, 8 रन ज्यादा है किसके, टीम बी के, तो टीम बी जीत जाएगी। टीम ए वाले बिल्कुल गलत है, टीम ए वाले, तो 8 रन से कौन जीतेगी भैया, बी टीम जीतेगी, बता दो जल्दी से। डी फॉर दिल्ली वाले बिल्कुल सही है कि नहीं, एक बार जल्दी से कमेंट मार दो भैया, है ना, आज रिकॉर्ड तोड़ना है भैया मेरे भाई, तो रिकॉर्ड कैसे टूटेगा, है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, तो एक बार जल्दी से बता दो यहाँ तक सभी का क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक सभी को समझ आया, कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए मेरे भाई, जल्दी बता दो इसका आंसर कितना आएगा। ये ट्रेन वाला एक सवाल आता है, इसमें भी स्टार लगा लेना भैया, एक सवाल यहाँ से भी बनने के चांस रहते हैं, है ना, जिसमें मैं स्टार लगवा रहा हूँ मतलब अनुभव बोलता है मेरे भाई, तो बता दो जल्दी से। डी फॉर डाकू, हाँ डाकू भी होगा, हाँ माइंड ब्लोइंग आर्या प्रीति, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, जल्दी बताओ इसका आंसर कितना होगा। टीम बी 8 रन से, बहुत बढ़िया, चलिए देखिएगा क्वेश्चन कितना अच्छा है, डरना नहीं है मेरे भाई, देखना। कह रहा एक ट्रेन नई दिल्ली, कहां से भैया, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 28 सितंबर, 28 सितंबर डेट कितनी दी है भैया, 28 सितंबर है ना भैया, सितंबर। अब कह रहा 5:30 बजे प्रस्थान करती है भैया, अगले दिन 21:50 बजे चेन्नई पहुंची, है ना भैया। अब एक भैया 28 सितंबर को 5:30 बजे प्रस्थान करी, तो 28 सितंबर का भी पूरा दिन बचेगा ना, तो 23 से 60 से घटा दो, 24 घंटे होते हैं ना भैया, लेकिन उसने कब प्रस्थान किया, 5:30 बजे, तो 5:30 से घटा दो भैया, तो यहाँ पे कितना आएगा मेरे भाई, 30 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा भैया, 18 आएगा, तो 18:30, तो 28 सितंबर वाला दिन 18:30 हो गया। फिर अगले दिन वो कब पहुंची, 21:50, तो जोड़ दो भैया 18:30 में, तो 18:30 में 21:50 जोड़ो मेरे भाई, तो कितना बन जाएगा बोलो, 0 5 3 8, और क्या हो जाएगा, 8 और 1 9 और 2 1 3, 39 घंटे 80 मिनट, इसको और क्या लिखा जा सकता है, 60 मिनट को इसको दे देगा, तो 40 घंटे 20 मिनट लिख सकते हैं कि नहीं भैया, जल्दी बता दो 40 घंटे 20 मिनट होगा कि नहीं होगा, तो बता दो ए फॉर आगरा जाएंगे कि नहीं जाएंगे, एक बार जल्दी से बता दो मेरे भाई कि ए फॉर आगरा जाएंगे कि नहीं जाएंगे, है ना भैया, बता दो मेरे भाई, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, हाँ सर हम भी चाय पियेंगे, बिल्कुल एक बार सिलेक्शन हो जाए ना तो जरूर चाय पिलाएंगे, आना एडी अकेडमी में, चाय जरूर मिलेगी आपको, चाय क्या मुंह मीठा कराएंगे मेरे भाई, है ना, तो बता दो जल्दी से, फिर ये सवाल सवाल समझ आया कि नहीं आया, इसे बता दो जल्दी से।
कितना अच्छा सवाल है, इसकी भी बहुत शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ। जल्दी से बता दो मेरे भाई इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी बताओ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को पहचानिए जो 5 और 7 का गुणज है लेकिन 6 का नहीं है। भैया 5 और 7 का गुणज है लेकिन 6 का नहीं है, तो 6 से विभाजित नहीं होगा ना, तो 6 से कौन, ये 28 क्या 280 6 से कटेगा बताइए, 6 से विभाजित नहीं है मेरे भाई। चलो 6 से विभाजित नहीं है तो क्या, ये तो भैया 6 से विभाजित हो जाएगा, 6 3 18 6 5 30 है ना, ये भी 6 से विभाजित होगा, ये भी होगा, तो कौन सा ऑप्शन नहीं है, बी वाला नहीं है, तो बी फॉर बॉम्बे की ओर चले जाएंगे। एक बार जल्दी से बता दो मेरे भाई कि अच्छे समय से ज़्यादा अच्छे लोगों के साथ रिश्ता रखो, बहुत बढ़िया, क्या बात है संधान एडुकॉम, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, हाँ वेरी नाइस, बहुत बढ़िया है ना भैया। क्या बोला कि यहाँ पे निकल के आएगा बी फॉर बॉम्बे, कहते हैं ना दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को पहचानिए जो 5 और 7 का गुणज है लेकिन 6 का नहीं है, तो 6 का कौन नहीं है, केवल 280 नहीं है मेरे भाई, तो 280 नहीं होगा। बताइए भैया अगले वाले सवाल पे आइएगा, इसमें बता दो जल्दी से, यह भी बहुत अच्छा सवाल है, इस टाइप का सवाल भी बनता है मेरे भाई, तो इसमें भी स्टार लगा लेना, एक सवाल पक्का मिलेगा है ना, ये मेरा मन बोलता है भैया, इस टाइप का सवाल पक्का मिलेगा भैया, तो बता दो इसका आंसर कितना आएगा अगर मिलेगा तो, जल्दी बताइए। हिमांशी गौतम, काजल, कौशल, राजकुमार, आज नाम नहीं ले पा रहे हैं तो आज रिकॉर्ड तोड़ेंगे भैया है ना, तो नाम नहीं ले पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, काम देखिएगा भैया, केवल एग्जाम में मदद मिलनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस अक्षर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममिति, भैया ओवरलैप होना चाहिए, ओवरलैप में मतलब क्या होना चाहिए, दोनों प्रकार की सममिति, जैसे मैं ओ की बात करता हूँ ये, तो देखो ऐसे अगर मैं काटूंगा भैया ऊर्ध्वाधर तो तभी देखो ओवरलैप हो जाएगा तो एक ही शेप बनेगा, या मैं ऐसे काटूं तो भी भैया सेम बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। तो ई में देखो क्षैतिज तो बन जाएगी लेकिन ऊर्ध्वाधर नहीं बनेगी, टी में देखो ऊर्ध्वाधर बनेगी लेकिन क्षैतिज नहीं बनेगी, तो ये ऑप्शन गलत है। एच में देखो अगर क्षैतिज काटोगे तो भी बन जाएगी, ऊर्ध्वाधर काटोगे तो भी, तो सी फॉर चेन्नई वाले बिल्कुल सही है। एक बार जल्दी से बता दो मेरे भाई कि सी फॉर चेन्नई वाले बिल्कुल सही है कि नहीं, बता दो मेरे भाई क्या कहते हो, बताओ यहाँ तक सभी का क्लियर है, तो चलिए भाई आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं अभी, अब मुझे पता है कि आप कॉपी पेन लेके बैठे हो तो फिर जल्दी से इसका आंसर कर दो, जल्दी से बता दो इसका आंसर कितना आएगा, मैं वेट कर रहा हूँ आपका, कॉपी पेन लेके बैठना है मेरे भाई, बता दो क्या बात है मेरे भाई, बता दो जल्दी बता दो, वेरी नाइस, बता दो, बहुत बढ़िया, दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं दिखाई देगा, अभी दिखाई देगा, कितना अच्छा सवाल है, बता दो मेरे भाई। हाँ चलो ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि दीनू अपने मसालों का कारोबार शुरू करता है, वह 10 kg हल्दी पाउडर है ना भैया, 10 kg हल्दी पाउडर, तो हल्दी कितना है भैया, हल्दी है मेरे भाई 10 kg, ध्यान से समझना, हल्दी दे दिया 10 kg, और फिर क्या बोला है 8 kg लाल मिर्च, तो लाल मिर्च कितनी हो जाएगी भैया, लाल मिर्च हो जाएगी भैया 8 kg हो जाएगी, फिर क्या बोला है, फिर बोला कि 15 kg धनिया, तो धनिया कितना हो जाएगा मेरे भाई, धनिया हो जाएगा 15 kg, फिर क्या बोला, फिर खरीदता है तो प्रत्येक मसाले को 20-20 ग्राम के छोटे पैकेटों पर काटता है, तो सबको अलग अलग डिवाइड कर दो, तो 10 kg भैया, 10 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1 kg में 1000 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10,000 को 20 से डिवाइड कर दो भैया, 20 ग्राम के पैकेट बनाना, तो 0 0 2 5 10 कितने पैकेट बनेंगे, यहाँ पे बन जाएंगे 50 भैया है ना, इसमें कितने 8000 हो जाएगा, तो 8000 को भैया 20 से भाग दो, तो 0 0 2 4 8 कितने बनेंगे भैया, बोलो 2 4 8 तो कितने बन जाएंगे, 400, और 15 kg को भैया तो 15000 बनेगा, इसको भी भैया 20 से डिवाइड करो तो 0 2 7 14 2 5 10 है ना भैया, तो कितना 750, तो जोड़ो जरा 750, तो कितना हो जाएगा 750 में भैया 50 जोड़ोगे 800 8 4 1200 कितने पैकेट बनेंगे भैया 1200, कुछ छूटा है क्या सवाल, सवाल कुछ छूटा है क्या मेरे भाई, बोलो सवाल कुछ छूटा है क्या, चलो एक बार फिर से इसको देखोगे, सवाल कुछ छूटा तो नहीं है, कुछ नहीं छूटा है, चलो बताओ फिर जल्दी से,
क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन फिर से एक बार देख लेना। कह रहा है 10 केजी हल्दी। अब 10 केजी हल्दी की बात कर रहा है तो हल्दी वहां पे मिस्टेक हो गई थी, है ना। हल्दी की बात कर रहा है तो ध्यान से देखना, 10 केजी को क्या बनाओगे, 10,000 ग्राम बनाओगे ना, 20 से भाग दो कितना आएगा, 2 × 5 = 10, यहाँ पे 500 आएगा मेरे भाई, कितना आएगा 500 पैकेट, है ना भैया, 500 बनेंगे। और अगर लाल मिर्च की बात करेगा, लाल मिर्च की बात करेगा तो कितना, 8 केजी, तो 8 केजी को 8,000 ग्राम बनाओगे तो 20 से भाग करो कितना बनेगा, 2 × 8 कितना बनेगा भैया, 400 पैकेट बनेगा। और भैया किसकी बात कर रहा है, और बात कर रहा है धनिया की, धनिया पाउडर की बात कर रहा है, तो कितना है मेरे भाई, धनिया पाउडर दिया 15,000 ग्राम, है ना, 15,000 ग्राम को 20 से भाग दो, 0 × 0 = 2 × 7 = 14 × 2 × 5 = 10, तो 750 जोड़ो मेरे भाई 750 ग्राम, तो कितना निकल गया आएगा जल्दी से बता दो, तो कितना हो जाएगा, 0 × 5 = 7, 4 × 11 = 5, 16, 1650 निकल के आएगा मेरे भाई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी फॉर चेन्नई चले जाएंगे, जल्दी से बता दो भैया सी फॉर चेन्नई जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बहुत बढ़िया, शेयर करो और शेयर करो, जोड़ो, जितना ज़्यादा जोड़ोगे उतना फायदा होगा। और लास्ट वाले सवाल तो पता ही है कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आएंगे, तो कितना मजा आएगा बता दो जल्दी से, यही सवाल आएगा कि नहीं आएगा, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए भैया आगे वाले क्वेश्चंस पे आइएगा, अगले वाले क्वेश्चंस क्या है देखो ना जरा, देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे। ये सवाल थोड़ा बड़ा है तो पेशेंस रखना, भागना नहीं है, है ना, क्वेश्चन से नहीं डरना है मेरे भाई, यही क्वेश्चन ही आपका सिलेक्शन दिलाते हैं, है ना। जो आपका भैया एक बात ध्यान रखना, जो कंपटीशन होता है 50% तो पेपर सरल आता है वो सब बच्चे करते हैं, जो आपको सिलेक्शन पाना है तो 20% पे पाना है मेरे भाई, है ना। तो क्या होगा, 50% तो पेपर हलवा आता ही है लेकिन सिलेक्शन कहाँ होगा, 20 नंबर पे होगा, जो 70% कर पाएगा। ध्यान से देखना, कह रहा है कि एक चार्ट एक स्कूल 5 शिक्षकों की लंबाई को भार को दर्शाता है, तो कोई बात नहीं दर्शाने दो। कह रहा है विनीत सबसे लंबा है परंतु उसका भार अमन से कम है, विनीत कहाँ है भैया, विनीत सबसे लंबा है, है ना भैया, ब्रिज सबसे लंबा है लेकिन कह रहा है उसका भार अमन से कम है, तो विनीत का जो भार है अमन से कम है क्या, अमन कहाँ गया, अमन भैया ये है, अमन से कम कहाँ है, ज्यादा है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। फिर क्या बोला, रोहिणी की लंबाई कविता की लंबाई से 6 इंच कम है, तो रोहिणी की जो लंबाई है कविता की लंबाई से क्या ये 6 इंच कम है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, माइनस करोगे 6 नहीं आएगा भैया, है ना। फिर क्या बोला, राधिका और विनीत के भारों का योग, राधिका और विनीत, राधिका ये है और विनीत कहाँ है भैया, राधिका और विनीत के भारों का योग, तो जोड़ो ये कितना, 55 और भैया ये 5 इसको दे दो 0.5, तो 73 हो जाएगा, तो 5 × 3 = 8 + 7 = 5 = 12 कितना, 128 निकला, बिल्कुल सही बात है। फिर क्या बोली, अमन और कविता, तो अमन कहाँ है मेरे भाई, अमन ये है और कविता कहाँ है भैया, कविता ये है, तो जोड़ो 60 + 60 = 120 और 127, तो क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा राधिका और विनीत के भारों का योग अमन और कविता के भारों के योग से कम है भैया, कम कहाँ है, ये तो ज्यादा है ना, तो ये भी सरासर गलत है, तो ये भी गलत होगा। फिर कह रहा है रोहिणी का भार कविता के भार का 3/4, ये ध्यान से समझना, जो रोहिणी का भार है, रोहिणी का भार है कविता के भार, कविता का कहाँ है भैया, कविता का भार का 3/4, देखो भैया 60 × 3/4 = 45 निकल रहा है क्या, 4 से काटोगे 15 × 15 = 45, बिल्कुल सही जवाब है आपका, तो डी फॉर दिल्ली वाले बिल्कुल सही है, तो एक बार जल्दी से बता दो डी फॉर दिल्ली वाले सही है कि नहीं है भैया। दुनिया की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी, वाह बहुत बढ़िया, एक बार पी लीजिए साहब जिंदगी भर थकने नहीं देगी, बहुत बहुत अच्छी लाइन है बिल्कुल, जिसके अंदर जिम्मेदारी आ गई ना भैया तो क्या बात है, क्या इनको क्या दिक्कत है अनुष्का सर, अरे सर मेरी भी बात सुन लीजिए, क्लास हुई है वाले प्रीवियस ईयर की लिंक, हाँ इसमें लिंक मतलब आपकी डली हुई है, आप डालिएगा एडी अकेडमी मैथ्स भाई प्रियांशु सर, पूरा आपका खुल जाएगा है ना, तो एक साथ लिंक है उसमें आप देख लेना, पूरा प्ले लिस्ट बनी हुई है एक साथ, तो सारे वीडियो पड़े हुए हैं, इसमें बता दो जल्दी से आंसर कितना आएगा, बहुत ईजी सवाल है, इस टाइप का क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो संभावना है तो जल्दी से बता दो इसका आंसर कितना आएगा, इसमें भी स्टार लगा लेना भैया, है ना। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है दो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होती है, जिनकी सभी भुजाएं कैसी हो भैया, लंबाई में समान हो और कोण भी कैसे होने चाहिए, अंतः कोण भी समान होना चाहिए, बोलो अंतः कोण भी कैसे भैया बराबर, तो ध्यान से समझना, ए बी सी ये मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज, एक पी क्यू आर है मेरे भाई, P
पी क्यू आर है, अपने पास समय बहुत कम है भैया, है ना, अपने पास समय बहुत कम है। ये कितना हो जाएगा 60, ये भी 60 और ये भी 60, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई। और परिमाप दी है 15 सेंटीमीटर, एक का 15 सेंटीमीटर, एक का 30, तो 15 भैया परिमाप क्या होता है 3a होता है, पेरीमीटर 3a बराबर 15, तो 3 से काटेंगे 3 5 15, तो ये भैया दिया हुआ है। तो मान लीजिए ये 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, ठीक है, इसका कितना हो जाएगा 30 दिया है, तो 3a बराबर 30, तो 3 से काटेंगे 30 धाम 30, तो 10 10 10, सब भैया 10 10 10 के दिए हैं, बताइए भैया। लेकिन उसने सवाल क्या बोला ये पढ़िएगा, कह रहा है त्रिभुज एबीसी का प्रत्येक अंतःकोण त्रिभुज पीक्यूआर प्रत्येक अंतःकोण से कम है। कम कैसे होगा, उसके एंगल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, भुजाएं जहां जितनी बड़ी हो, ये भी गलत है भैया। कह रहा है त्रिभुज पीक्यूआर का प्रत्येक अंतःकोण त्रिभुज एबीसी के प्रत्येक अंतःकोण का आधा है। क्यों भैया, अंतःकोण का कैसे आधा हो जाएगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा मेरे भाई। कह रहा है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर के अंतःकोण बराबर होंगे हमेशा, साइड जहां जितनी हो जाए मेरे भाई, जो अंतःकोण होंगे वो हमेशा कैसे होंगे मेरे भाई, इक्वल होंगे, वो 60 60 से परिवर्तन नहीं हो जाएगा मेरे भाई। बताइए बात आपको समझ आई कि नहीं आई, हाँ बताइए मेरे भाई, यहां तक सभी को क्लियर है। रेनू यादव, सरोज कुमार, बहुत बढ़िया, शायद असद, वेरी नाइस, जितने भी नए बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे साथ, विश्वास है कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा और आप अच्छे से पेपर करके आएंगे, ये उम्मीद है मेरे भाई। समय और जिंदगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं, बहुत बढ़िया, समय का सदुपयोग सिखाती है और समय हमें जिंदगी की कीमत सिखाती है, बहुत बढ़िया। टाइम इज मनी, है ना, टाइम इज मनी कहते हैं ना भैया, तो समय का बहुत ध्यान रखना है, कहते हैं ना कि जब समय होता है तब समझ नहीं होती है, है ना भैया, जब समय होता है तब समझ नहीं होती है, जब समझ होती है तब समझ नहीं होती, समय नहीं होता है, और यही काम शिक्षक का होता है ना, समय रहते समझ को विकसित कर देना शिक्षक का काम होता है मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या है, कह रहे दी गई निम्नलिखित आकृतियों में से वह आकृति जो आधा घुमाने पर भी बिल्कुल पहले जैसी ही दिखेगी, अब आधा घुमाने पर पहले जैसी दिखेगी, क्या क्या आकृति दी है, एक समबाहु त्रिभुज दिया है भैया, एक वर्ग दिया है, है ना भैया, एक समबाहु त्रिभुज, एक वर्ग और एक आयत और एक समांतर चतुर्भुज भैया, है ना, एक वर्ग और एक समांतर चतुर्भुज। तो अब एक बात ये समझिएगा, जैसे मैं वर्ग की बात करूं, आधा घुमाने का मतलब कितना डिग्री?